गाइस एंड वेलकम टू अनदर मिडनाइट स्ट्रीम। कैसे हो आप लोग? ईली चुम्मे वगैरह भाई, क्या ही देर लगा देता हूँ यार मैं। गॉड डैम इट, जरा लेट से तो हो गया, आई विल नॉट लाई। अरे प्राश भाई वेलकम, ईली चुम्मे। एक तो मुझे कमेंट्स दिख नहीं रहे थे जब तक मैं यूट्यूब में स्ट्रीम को नहीं खोल के देखा, तो इसलिए भी थोड़ा सा तो हो गया। अब उतनी रात ही हो गई है, पता नहीं अपन चार लोग भी होंगे कि नहीं खेलने के लिए। मैं आज भी खेलने नहीं आ पाऊंगा। वाह पराज भाई वाह, ना वाह मेरे शेर। अब हम छोटे लोग हैं ना, हम डायमंड वालों के साथ क्यों खेलने लगे? आप समझ गया, समझ गया, मैं आज जीत हो गया। वी पुअर पीपल के एक जन तो आ रहा है, चलो एक तो हुआ कोई। क्या एक सेकंड गाइस, क्या क्या सीन हो जा रहा है ये सब। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बातें बातें नहीं है, डिवाइस चालू कर लेते हैं। ये नेट नहीं चल रहा। आज ताई जी के कमरे में सोया हूँ, नेट नहीं चल रहा। अरे यार मेरे को लगा था आज तो 1v1 हो ही जाएगा अपना। सुमित राजपूत वेलकम टू द स्ट्रीम, कैसे हो मेरे भाई? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम। अपन लोग चालू करते हैं, अपना लॉन्डे को भी बुला लिया अपन। हेलो नूब, अरे यू कच्ची ना शेडन, वेलकम टू द स्ट्रीम। नेक्स्ट कैसे हो आप? यू यू नूब, ओके। वैसे कल तुम्हारी स्ट्रीम में हम दोनों ही बड़े गंदा मरे थे, पर यू स्टिल मोर नूबर देन मी। रुक जाओ बताता हूँ, अभी बताता हूँ किधर गई। गेम चालू सा तो हो गया अपना, गेम फोकस मोड ऑन, गेम फोकस मोड ऑन हो गया है। इसे प्लग कर देते हैं। ऐड किया, ऐड किया, पैसा ही पैसा। हेलो हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम फिनिक्स मेरा लौंडे नीली चुम्मी, कैसा है? कम से क्यों आ रही आवाज तेरी? हेलो, ठीक आ रही है क्या? थोड़ी सी कम आ रही है क्या? रुक जाओ एक बार, डिस्कनेक्ट करता इसको, डिस्कनेक्ट कर रहा था एक सेकेंड। हेलो हेलो, हाँ अभी ठीक है। हेलो प्रिया जी, वेलकम टू द स्ट्रीम, कैसा है? ट्राई कर सकता हूँ रूम हाइपिंग में। नहीं यार मजा नहीं आएगा, अच्छे से खेल। अरे भाई एक सूट है, गई कौन से कपड़े? अबे हाँ ये वो नया वाला कुछ तो सूट वूट आया था ना, वो है रिच पीपल इन द लॉबी। अंदा पैसा, पैसा बोलते ज्वेल एक्सचेंज सेंटर पर सूट नाइस। कुछ जलने की स्मेल आ रही है। अरे मत जला, सो फिनिक्स मिल जाएगी तुझे भी, ऐसे कोई कॉस्ट्यूम टेंशन वेंशन मत लिया कर तू इतना। अबे सच्ची में इतनी कम आवाज आ रही है इसकी, पता नहीं क्यों। अरे
अभी भी कमा रही है क्या? मतलब अरे ठीक ठाक आ रही है, लुक लेकिन आसपास गन चलेगी तो तेरे कॉल्स नहीं सुनाई देंगे। ठीक है ना, उसको ये एक टीडीएम लगाओ। तू लीडर है। अरे भाई ये क्या है? अच्छा जैकलिन की फोटो है। वॉचिंग का ग्लिच है क्या? नहीं हाँ ना, वॉचिंग का ग्लिच है भाई। क्या दो लोग तो मुझे ही पता जो स्ट्रीम देख रहे। बाय द वे लाइक वाइक दबा दो यार। व्हाट इज दिस बिहेवियर? नहीं भी होगी तो एक की वॉचिंग यार। 12 बजे स्ट्रीम चालू कर रहे हैं और क्या यू अब तो 10:30 बजे की वजह से तो गेम की सेटिंग में साउंड मैच बढ़ाओ। लेट्स गो। ये क्या सीन है? सारे तो साउंड सही है। अदर प्लेयर इफेक्ट सेटिंग सही तो है। गेम के घर के अंदर अंदर मार रहे हैं वो। ठीक है भाई, चला आता हूँ। चलो 1 HP वाले को तो ले गया। हाँ तो ठीक है गाइस, लाइक वाइक दबा दो। रुको सब्सक्राइबर मोड ऑन करने दो मुझे। सब्सक्राइबर मोड ऑन कर दिया और लाइक के लिए पोल डाल देते हैं एक। अरे मारो, कौन है यहाँ पे मेरे पास? वॉच आउट। अरे देवा, वेलकम टू द स्ट्रीम। अरे भाई कैसा है? वॉच आउट। कैसा है मेरे शेर राज भाई? तुमने सेटिंग देखी ना, इसमें कुछ और बुला छेड़खानी छेड़खानी कर रही है। लो। आ रहा है क्या देवा? पहले तो मैं आ गया गेम में, माँ के यहाँ गंदा पिटे ही जा रहा बस। किलिंग स्प्री फॉर द रेड टीम। इसको तो देता था। अरे उधर नहीं, ये क्या गंदा मर रहा हूँ। चल फिनिक्स साथ में जाएंगे। अरे मार के दो एक को ले गया। स्लॉट हो तो आता। आ जा आ जा। है स्लॉट, है स्लॉट, स्लॉट दो लोग के स्लॉट में। यार ये यूट्यूब वॉचिंग वाला ग्लिच क्यों डाल देते हैं यार? एकदम डिमोटिवेशन ही हो जाता है। कोई मैच स्टार्ट करो थोड़ा सा। आना राइट पूरा खाली कर दिया। देखो ये लैपटॉप से खोल लेने करे बाबा स्ट्रीम को वॉच आवर के बार-बार के जरा। अरे इधर से आ गया ये हरामी। वाह मालिक इन्हीं सीधा देख ले। सारा पीस नंबर 1 मत मार। ले 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 ले। मैं तो बहुत मार दूंगा। हाँ अभी ठीक आ रहा है, अभी सही आ रहा है। सच्ची जलने की बदबू आ रही है, कोई दिक्कत तो ना हो गई इधर। अरे अरे भाई, अरे बाप रे। वॉच आउट। अरे लोग मालिक जरा आ जा लेफ्ट राइट। आया आया आया। मैं तो दोनों लोग कर गए भाई। कितना हो गया, कितना हो, आगे ही नहीं आ पा रहा। अपन जीत तो रहे हैं बट एट व्हाट कॉस्ट। कहाँ कहाँ है वो लोग? वो तेरे। अरे यार नेट से नेट फेंक फेंक के पहले लो कर रहे हैं लोग, बताओ। वॉच आउट। Watch out. Reloading. Okay. Nice. Easy first, easy first. You
लीड बनाए रखना. Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time. लीड बनाने की बात है. जैसे कि वैसे पीठ पे गोली खा के मारा हुआ है. Nice shot. जीजी खेल रहे हैं अपन. बढ़िया. अब रोजा उठा ली ना. अब इनको देखते हैं. अब आउट उठा दो. Blue team victory. Nice. अच्छे व्यूज. डिनर टाइम आते हैं. लेट स्ट्रीम व्हेन एवरीवन स्लीप्स. अरे थोड़ा एक दो दिन मालिक दो आता हूँ ट्रैक में वापस. कुछ ये वीक थोड़ा मुश्किल से जा रहा. अरे भी कितने किल करे पापा इसके. डिनर करने के टाइम पे तो मैं खुद बैठ के डिनर कर रहा था. थोड़ा जल्दी कर रहा था. ट्राई करूँगा गेम खोलने. तो स्लॉट है तो आ जा भाई. आ जा. कोई दिक्कत ना है. ईशान भाई वेलकम. वेलकम मेरे भाई. कैसे हो गाइस. लाइक वाइक दबा दो. लाइक ना दबाया तो बड़ी जोर से लाइक की जरूरत है मुझे. जिंदगी में कुछ अच्छा तो होना रहा. लाइक ही दबा दो. एक मैच के लिए रुक जाओ प्राज भाई. एक ही अभी देवा को बुला लिया. गुड नाइट. अरे रुक जाओ यार नरेश भाई. भाई अभी दो एग्जाम हो चुके हैं. मैथ्स और आज इंग्लिश लैंग्वेज का था. कल बायोलॉजी का है. बायो का टेस्ट हार्ड नहीं होता. सारे बंदों को पहले से ही आते हैं सारे चैप्टर. बंदों के लिए बिल्कुल हार्ड ना है. मैं अनपढ़ हूँ यार. ऐसा मत करो यार. हु इज दिस. हेलो. 88 लगाइए फिनिक्स. हेलो जूलिया जी वेलकम. बड़े दिनों बाद. क्या हाल है भाई. बढ़िया भाई यार. बुरा लग गया भैया. आज ही के दिन कर दो 88. क्या ट्वीट कर दिया. मैं कह रहा हूँ दिल सा तोड़ दिया भाई. जूलिया नाम रखे. इतना सुंदर कैरेक्टर बना फिर ऐसा मतलब. अरे यार क्या करे. मिल गया गलती से ही मिल गया. बताओ. अरे देवा वेलकम टू द स्ट्रीम. अरे दीक्षा जी वेलकम. अरे उस टाइम. अरे आप लोग खेलो. क्यों आओ ना. अरे एक मैच के लिए आ जाओ. क्या बात है. लॉबी भर ही रहे हैं तो देखो भी बुला लेते हैं. दीक्षा दीदी के है तो क्या. अरे उस टाइम जिसको बुलाना बुला लो. हाँ एक मिनट भाई बुला ही रहा हूँ. अरे उस टाइम एडवेट कर रहा था. रुक जाओ. हम देख रहे. आओ ना बाद में देख लेना. ऑफ स्ट्रीम देख लेना. बाद में देख लेना आके खेल तो लो. और लेट स्ट्रीम करते तो गुड नाइट भी नहीं बोल पाती लोग तुमको मैं. अरे अरे नंदिनी जी थोड़ा एक दो दिन आगे पीछे हो गया है. ठीक कर लेंगे. टेंशन मत लो. बाय द वे वेलकम टू द स्ट्रीम. इल चुम्मी आपको. कैसे हो. जय हो दीक्षा दीदी. सही है. ये भी नेक्स्ट भी तो ऑनलाइन. नेक्स्ट तो स्ट्रीम कर रही है ना. पता नहीं मुझे तो अनफ्रेंड कर दिया उसने. किसी की नहीं भाई. किसी की भी नहीं. अबे सच्ची में अनफ्रेंड कर दीजिए मेरे को. मैं तो मस्ती कर रहा था. भाई इतना इसलिए इतना मजाक नहीं करना चाहिए. नहीं 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 नहीं. हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम दीक्षा जी. कैसे हो आप. ब्लफ भाई तो निकल ही गए. बढ़िया बढ़िया. फुल सो गए थे क्या. नहीं नहीं. ऐसा लग रहा मस्त कोई एकदम कोजी होके चादर में लेट के सोने चले ही गया था. जबरदस्ती बोला अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ. फिर कह रहे शिट यार जाना पड़ेगा. गॉड डैम इट. गीली चुम्मी. हाँ गीली चुम्मी प्लेटोनिक वाली. जैसे मैं अपने बच्चों को देता ना वैसी वाली. इट इज काइंड ऑफ लाइक क्या बोलते हैं उसको. अ थिंग. मेरे चैनल की थिंग. क्या
चलो भाई एक खेलते हैं, 8v8 खेलते हैं, फिर उसके बाद वो खेलते हैं अपन क्लासिक, ठीक है? टू प्लेयर है भाई, दो लोगों ने वेब डाउनलोड नहीं किया। कौन है ये नॉटी है भाई? अभी दो दो देवा वो चले गए। अबे देवा को भी निकाल दिया। देवा क्या ले वो आपको? देवा आवाज नहीं आ रही तेरी कुछ भी। हेलो हेलो। हाँ हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ हो गया डाउनलोड हो गया। नासा वाला नाइट लगा है क्या भैया? इसके बहुत डबल मीनिंग आते हैं मैं। अरे गिलिज में फ्लाइंग किस को बोलता हूँ मैं? कुछ देखते ही मेरे डाउनलोड पे दबा दिया। थोड़ा और पढ़ के। ओके ओके शांत भाई आते बिल्कुल आराम से। कोई और भी बाहर हो गया क्या? 8 लोग थे पूरा। हाँ मतलब जो बंदा था वो भाग गया। वो भाग गया। कर लो चालू। भाई आजकल रात को नींद पूरी नहीं होती तो जल्दी एग्जाम खत्म करके हॉल में सो जाता हूँ। भाई ये मत कर यार, सो जाओ टाइम पे, स्ट्रीमिंग तो होते रहे। हमको माफी मिली ही नहीं। हाँ बोलना। मोदी जी को कोई नहीं मारेगा, टीम बैन हो जाएगा वापस। किसको नहीं मारना? अरे भाई नम मोदी जी देख लो भाई देख लो। एक सेकंड मैं चैट रीड करके आ जाऊं। ऐसी मोदी जी वहां ट्राइपॉड में खेल रहा हूं मैं। तुमको बच्चे दिख रहे हो? डीपी में तो बच्चे दिख रहे हो फिलहाल। ये कैसे दिख रहे हो? स्मॉल नंदिनी, स्मूल नंदिनी। स्लोगन होता है नूब। स्लोगन नहीं है, स्लोगन नहीं है, स्लोगन तो नारा होता है। नंदिनी वो प्लेटोनिक केस है, पॉजिटिव रोमांटिक। किस किस होती है? नहीं यार लोग अब मम्मी पापा अपने बच्चे को किस करते तो वो वैसी किस थोड़ी होती है, समझ रहे हो? ओके मैं सोच वाले दो गए हैं कितने लोग। आवेश भाई हमको माफी नहीं मिली के लिए, अब समझ रहे हो आप क्या लिखे थे? चीज उसके जैसा लगता है क्या? तो थोड़ा सा ज्यादा सा ना था वो, आप एक बार सोच के देखो। मेरे पे वो दो रीजन से गुस्सा थी, एक तो मैंने ऑन स्ट्रीम ऐसा कर दिया, बेइज्जती वाला ज़्यादा ज़्यादा हो गया, और दूसरा है कि बाकी लोग जब कमेंट में लिख रहे थे तो उन लोगों को लिखने दिया कमेंट में, इसलिए ये दो चीज़ें थी मेन। और हाँ ये दो चीज़ें थी वो मुझे खुद समझना चाहिए था कि रोस्ट रोस्ट खेल तो रहे पर किसी एक दिन तो कोई ज़्यादा कर ही देगा तो किसी को तो बुरा लगेगा, ये मुझे सोचना चाहिए था पर मैं सोचा नहीं मैं क्योंकि गधा हूँ। Killing spree for the blue team. अरे यार वो लेटे हुए को मारने का बड़ा मन था मेरा, गड्ढे उसका वही नहीं खत्म हो रहा था। जैसे दूसरे वाले ने नोटिस किया उसको खेल दिया। मेरी मिस्टेक भी सिमिलर ही थी बोल सकते हो आप, बोल सकते हो। क्या पता यार थोड़ा सा वल्गर साइड था वो, ऐसा ना लगा आपको? क्या पता यार इतना समझ में ना आता, मुझे बस इतना पता है कि मैं गधा हूँ, मेरे को बस इतना ही पता चला। अरे भाई ये क्या था, हट जा सामने से यार, सामने खड़ा हो गया वो पीछे लेटे वाले को मारने। लेटे वाले हाथी नार लग रहे आज मेरे। रिक्शा जी क्या हुआ, सो गए क्या वापस? गेम साइड में रख के वापस चादर में। चलो भैया मस्त ठंड में सो गए मैं वापस। सो गए नींद में बात कर रहे क्या? नींद वाली रिक्शा कुछ भी बता देगी गाइस, कोई क्वेश्चंस है ऐसे लड़कियों के सीक्रेट जो होते होंगे जैसे मैं पूछता हूँ। रिक्शा आपके चैनल का पासवर्ड क्या है? मस्त ये लड़कियों के सीक्रेट पासवर्ड तो मेरे को भी याद नहीं है। कल से दीक्षा के चैनल पे मेनियक दिखेगा। हे गाइस वेलकम, मैं दीक्षा हूँ। तुम्हें तो माइक नहीं था तो तुम्हें पता ना चला, आई मीन कैमरा लगा लिया मैंने, फेस रिवील गाइस।
अरे यार फेस रिवील मैं ही दिखता हूँ समझेंगे इतने दिन से हमारा मजाक उड़ाया जा रहा था हमारे साथ प्रैंक हो रहा था हाँ मैं बोलूंगा प्रैंक था गाइस वो वॉइस चेंजर था ये हूँ मैं असली मैं मिनियन जो चैनल चला रहा था सारी एड रेवेन्यू मेरी हो गई गटक जाऊंगा द रेड टीम इज अबाउट टू विन राघव भाई वेलकम गिली चुम्मी मेरे भाई जय श्री राम जय श्री राम कैसे वैसे हो लाइक को एक दबाएगे नहीं राघव भाई लाइक दबा दो यार ऐसा मत करो हाँ वही तो एक लाइन क्रॉस कर दी अपोलोजाइज भी किया हाँ आई गेस उस सेंस में सही सेम ही था हेलो रेगुलर स्ट्रीमर स्ट्रीमर्स के पैच अच्छा खेलते हैं भाई ये हमारे वाले स्ट्रीमर को देखो मैं खौफ में था कि गलती से मोदी जी की जो डीपी लगा के आया उसे ना मार दूं इसलिए ये तो मैं अच्छा खेल लेता भाई जगह है लाओ लास्ट एट वेट ठीक है लास्ट लास्ट हम लास्ट अबे सॉरी 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 भैया लास्ट लास्ट योली पड़े और मैनियक्स भाई अरे वेलकम राघव भाई देखा मैं राघव नहीं है यहाँ पे पहले लोग के स्क्वाड में जाके खेल रहे थे बेचारे को सारे गेम बर्बाद कर देगा राघव ने सारे के सारे चलो रेडी वेडी दबा दो फटाक कौन अच्छा मैं ही रेडी नहीं हूँ क्या लो हाँ अरे ये क्या हो रहा है क्या है ये सब सामने लड़की को मैं मारूंगा सबसे ज्यादा गीली चुम्मी यही इंसान देता है सबको हाँ ये मेरा प्यार बांटने का तरीका है वैसा वाला प्यार नहीं दूसरा वाला प्यार समीक्षा जी भाई हर बार एक चैट पढ़ के छोड़ क्यों देते हो कौन सी चैट पढ़ा आई मीन कौन सी छोड़ लेट्स गो यार मेरे एक्स भाई आपका डिस्कॉर्ड पे मैसेज नहीं आया कब कल कल आया तो था दोनों दिन डाला कल भी आज तो लाइव चैट कर दिया तो छूटा गया वही तो एक ही लाइन क्रॉस कर दी मेरी भी मिस्टेक सुन ला रही थी भाई हर बार एक चैट पढ़ के छोड़ क्यों देते हो हाँ मैं सिमिलर थी वाली जो थी लाइन क्रॉस वाली उसमें तो हाँ यार क्या पता अभी थोड़ा सा सामने वाले पे भी डिपेंड करते हैं कि उसको क्या कौन सी लाइन ज्यादा लगी कौन सी कम लगी बाकी क्या पता यार एक तो सॉरी बोलने के अलावा कुछ पता नहीं भाई अनपढ़ हूँ मैं ना नहीं दबा पाया लाइक सॉरी यार अभी मुझे पोल में कुछ वो ही नहीं दिख रहा है तुम लोग पोल को इग्नोर कर दे क्या पोल में कुछ वोट नहीं डालेगा दोनों में 0% लिखा हुआ आ रहा है मुझे हेलो बिग फैंस अरे हेलो जी वेलकम टू द स्ट्रीम अरे मी और बिग फैन अरे वो तेरा क्लिप होगा वो तो पड़े हैं हाँ सारी गोलियां तूने दीवार में उतार दी मुंह बाद में पूरी कमर पे ट्रेस किया सारी गोलियां ये ज्यादा सा हो गया ये बहुत ज्यादा सा हो गया एक सेकंड रुको The blue team is in the lead. Check करने दीजिए हमें क्या चल रहा है हेलन स्ट्रीम खत्म कर दी क्या लाइव तो दिख रहा है अभी भी ये भी लाइव के बीच वाली मस्ती चालू हो गई क्या ये भी सही है वॉच आउट ठीक है Killing spree for the blue team. Marked a location. Marked a location. Marked a location. इतना सा नाटक कैसे हो गया गाइस अपने इसमें? फीनिक्स इतना अच्छा तो कमा है जो चुप हो जाए.
और गालियां नहीं निकाले ये मोड खेलते हुए। एनिमीज अहेड टॉप पे है ना अभी प्ले टाइम पे। मैं 5 किल है, 5 का केडी और 5 असिस्ट चल रहा हूं। मैजिकल नंबर है कि ना भाई सब अनपढ़ ये नहीं कर पाए बोट। ठीक है चलो भाई यार कुछ तो नॉटी हो, बाकी लोग को भी अपनी गैंग में इंक्लूड करते जा रहे हो। अबे ये दिखाई तुम्हारे पीछे बंदा था। अच्छा अपन ब्लू टीम है, मैं तब से रेड वाले को इग्नोर करके दौड़े जा रहा हूँ। जिस दिन मैं नहीं आता हूँ उसी दिन लफड़ा क्यों हो जाता है। राघव भाई तुम हर दिन आया करो भाई, कोई लफड़ा नहीं होगा, हर एक दिन आओ। मी एंड अभी भाई विल अप्रिशिएट इट। अब और क्या कर लूँ मैं, तीसरी बार लिख रहा। अब और क्या ही कर लूँ मैं, क्या ही कर लूँ भाई, हर एक बार चैट पढ़ के। हाँ यही तो है, हाँ यही तो है। ग्रेट You're about to win. The red team doesn't have a lot of time. They have a lot of killing spree. Watch out. Red team. Watch out. Red team. मीनो सैंड मैंने भाई जगह है क्या। वेलकम वेलकम टू द स्ट्रीम नितेश भाई, गीली चुम्मी आपको। नहीं यार अभी तो जरा भरोसा हुआ स्क्वाड, जैसे ही खाली होता मैं आपको बुला लूंगा। क्या दिक्कत नहीं है भाई, आवाज रिपीट हो रही है। अरे भाई ये सब क्या देख लिया मैंने, किल 15 किल 12 किल 11 किल देवा देवर में एक ही लिया। सलाह तो दो, रुको सोचने दो मुझे, दो मिनट सोचने के लिए। ओके साउंड रिपीट हो रहा है ब्रो। हाँ यार मुझे भी हो रहा है, रुको शॉर्ट करता हूँ ये मैं। कौन है इधर आईफोन वाला, आईफोन वाला वही है कौन भाई। अरे यार 5:30 बजे आने के लिए बोल दिया लॉल वे। चलो ठीक है, क्या कहते हैं प्राइम भाई, एक मैच में खेल के आता हूँ, चलेगा। बाय करो भाई, बाय, गुड नाइट। कैसा पिंग आ रहा है तुम्हारा, कहाँ गया वो, भाग भी गया। चलो ठीक है आ जाओ भाई, फिर जूलिया भाई बाद में खेलते हैं, प्रिया जी बाद में खेलते हैं अपन। ठीक है मतलब बाय 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 बाय। बाहर तो आ पहले। अरे गर्वित भाई हेलो हेलो, करीत भाई बड़े दिन बाद, एट वेट करना एक बार। अरे मैं थोड़ी हूँ। अच्छा कोई काम धंधे से रुक रही है क्या, चलो काम धंधे से आज तक फिनिक्स को समझ में आ रहा है क्या नहीं हिंदी भाई। अरे रो दीक्षा जी भाग भाग ना जाए, रुको मैं एक सेकंड आया। अच्छा मुझे ही लीडर बना दिया था लॉल बे, गलती सी तो हो गई। हेलो हाँ जी अभी आप खेल रहे हो क्या? नहीं नहीं स्लॉट नहीं है तो चलेगा। है स्लॉट है। अरे आप पहले से डिस्कॉर्ड में पूछ रहे थे ऐसे कैसे नहीं स्लॉट बनाएंगे, व्हाट इज दिस, स्ट्रीम चालू नहीं पहले से। मैं स्ट्रीम का वेट कर रही थी, खेलने का नहीं। अच्छा ऐसा ही क्या, ठीक है सह लेंगे, पर खेल लो अब इतना हो ही गया, एक मैच खेल लो, को नींद अगर आ रही होगी तो देख लो। मतलब जैसे भी एक मिनट में इनवाइट भेजता हूँ। नहीं हूँ, पता नहीं क्यों लग रही हूँ। हाँ एक मिनट आया मैं, ठीक है भाग मत जाना। हाँ बिल्लू इधर ही रुक जा तू, ठीक है ये बिल्लू के साथ खेल लो। अपने आया बिल्लू बदतमीज, मेरे ही साथ घूम के आ गया तू। हेलो 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 हेलो। हाँ गाइस भाई क्या गरीब भाई की आवाज आई तुम लोग को? नहीं नहीं। अरे गरीब भाई मैं एक्चुअली ऑलरेडी एक गणपति खेल रहा था,
सोचा आके हाय हेलो कर दूं, वेलकम बैक मेरे भाई, गिल्ली चुम्मे पहले तो वैसे भी अपने साथ टीआर मेरे भाई आवाज हां अभी आई अभी आई आ रहा आ रहा ठीक है मालिक खेलोगे नहीं क्या मतलब होती हां अभी खेलोगे नहीं मतलब नहीं अभी ऑलरेडी लोग मतलब थोड़ा स्लॉट सा रखे हुए थे तो उन लोगों के साथ खेल के आता खेलते अब तो आप डाउनलोड कर लिए ना क्या दिक्कत है आज इतनी कटती रही बदला भाई किसको बुलाना महंगे लोग को बुलाएंगे गाइस अपन महंगे लोग ओके देख रहा है बैक की स्किन देख रहे हैं बुला सकते हैं बैक की स्किन देख रहे हो तुम्हारी नजर तो बस मेरी बैग की स्किन में ही पड़ी हुई है मैं इनकी स्ट्रीम देखता हूं ना आधा टाइम मैं बैग ही को देखता रहता हूं गेम प्ले पे ध्यान ही नहीं जाता मेरा क्योंकि पीछे बैग ही रहता है उसके भी अरे मतलब वो एनिमेटेड स्किन है ना चलो भाई मैं चला पढ़ने थोड़ी देर में आता हूं ओके राघव भाई आराम से पढ़ाई लिखाई शिकाई करो हेलो गौरव भाई वेलकम टू द स्ट्रीम मैं भी कपड़े पहन लेता हूं कपड़े छोड़ बैग की स्किन देख तू अब मत पहनना सेम सेम फिर कंफ्यूजन होता है ये वो पोसाइडन वाला है क्या हां शायद पोसाइडन वाला बैग है ना दीक्षा जी इज लाइक मुझे खुद भी नहीं पता माइक ही ऑफ कर लिया गरीब लोग से नहीं बात करते हां भैया नहीं नहीं पानी अरे पानी पीने के लिए माइक बंद कर रहे यहां लोग आके स्ट्रीम में बता रहे हैं यहां पे स्ट्रीम में आके लोग डगार मार लेते हैं बेशर्मी से एकदम बुरा बुरा कर रहे होते हैं ये देख रहे हो पोलाइटनेस तो मालिक आज ही के दिन चालू कर लेते हैं मैच तो अच्छा लगेगा कर दो करना कर अबे अनरैंक खेलने वाले थे क्या अपन नहीं अनरैंक कभी भी नहीं खेलने वाले थे उन्होंने ऐसे कहते थोड़ा रैंक गिरा दे उन्हें बोलो कि गौरव के दिल में मेरे को बोलता भाई आपने कभी लॉन्डो को इतने प्यार से नहीं बोला कि है आपके लिए है भाई सबके लिए बोला एक्चुअली जो लोग पहले से स्ट्रीम चालू होने के पहले से ही पूछ रहे होते हैं ना कि भाई स्ट्रीम कब हो रही है उनको मैं पहले से ही दे देता हूँ स्लॉट आ जाओ भाई मेरे से ज़्यादा तो आप लोग को वो है क्या कहते हैं फिक्र है स्ट्रीम की मतलब इन अच्छे वे में इन अ गुड वे चैट मिस नहीं अच्छा सुनो ना दीक्षा जी जब आप पूछ रहे थे ना कि स्लॉट है कि नहीं तो गौरव लिख रहा था उन्हें बोलो कि गौरव के दिल में बहुत जगह है उनके लिए और ये दीक्षा जी और ऐसे दिल दिल वाले इमोजी जो मैंने डिलीट कर दिए सेम सेम रुचि आएगा गौरव भाई हर एक की स्ट्रीम पे निक्स की स्ट्रीम पे जाएंगे ना बोलेंगे निक्स मेन है निक्स परमानेंट है बाकी लोग गौरव जब भी जाता है जैसे निक्स की स्ट्रीम पे जाएगा ना तो बोलेगा निक्स ही सबसे अच्छी है निक्स जो भी समझ रहे मतलब निक्स की सिंपिंग करेगा वो तो मैंने देख लिया था दीक्षा की स्ट्रीम पे जाएगा दीक्षा दीक्षा मैंने देख लिया मेरी स्ट्रीम पे जो जिसके साथ भी खेल रहा हूँ वो उनकी भी तारीफ पहले के साथ पहले की तारीफ ठीक है भाई कुछ कुछ तो दीन ईमान रख लो अरे यार हद है यार फालतू बातें मत करो दीक्षा जी अच्छी है मैंने कहा बोला अच्छी नहीं है मैं तो सबको ही अच्छा बोलता हूँ तुम हो दूसरी स्ट्रीम पे जाके बोलोगे दीक्षा जी तो ऐसी है निक्स सबसे अच्छी है फिर इधर आएगा बोलेगा निक्स है निक्स ऐसी है दीक्षा जी सबसे अच्छी है हाँ वेश भाई रुको मैं सलाह देने की ट्राई करता हूँ देखो ऐसे मामलों पे ना सारे बंदे हाँ बंदे देखो ऐसी ऐसी टाइप की चीजों में ना पढ़ नहीं रहा देखो ऐसी टाइप की चीजों में यूजुअली ना मतलब मैंने ऐसा किया कि मैंने दोस्ती को अपने ऐसे ईगो के ऊपर रखा मेरे को ऐसा लगा नहीं कि हाँ भाई सॉरी नहीं जबकि तो मैं नहीं बात करूँगा ऐसा वैसा आई वाज लाइक नहीं ऐसे नहीं चलेगा ऐसे मैं बुरा मानने ही नहीं दूंगा इसी पे ही है उरी मुरी मैया अबे हर जगह है मैं ऊपर चढ़ूंगा ही नहीं कौन कौन कूदा है इधर तो नहीं है तू था देवा नहीं
वाह वाह फिनिक्स हाँ तो सिर्फ सॉरी बोलने के बजाय अगर आप स्ट्रीम पे जाके नॉर्मल थोड़ा सा बात करने की ट्राई करो और थोड़ी देर आप अगर सॉरी और बोलोगे तो लड़की लोग मान जाते हैं मतलब ऐसा दिक्कत नहीं है जितना जल्दी बोलो मान तो जल्दी ठीक भी लग जाता है ये क्या हो गया जाओ इन लोगों को रियलाइज नहीं हो रहा ना अनरैंक्ड और रैंक के बीच में डिफरेंस कहीं भी कूद रहे हैं प्लेन पाथ के बगल जॉर्जो में कूद रहे हैं पहले मैच में वो भी भाई ये पिटाई मेरे को कहाँ से पड़ रही है पता नहीं नीचे से अरे हद यार फालतू बात मत करो देखिए ये अच्छी है मेनियक्स भाई आप जॉर्ड वो मैच्योर पर्सन हो ना इसलिए आपने ये सोचा अरे लोग रे तो खुद भी ऑफलाइन हो जाओ लोग नहीं खेल रहे तो खुद भी ऑफलाइन हो जाओ ये क्या मतलब है नूब ए यू नूब गॉड डैम इट क्या चल रहा है अबे प्रेशर उसको स्ट्रीम बंद हो गई क्या ये क्या हो रहा है तीन दिन पहले की स्ट्रीम व्हाट द फक नो हेल्प नो हेल्प ये कौन सी स्ट्रीम चालू कर रखी थी मैंने मैं कहाँ कमेंट कर बंद हो गई एक घंटे में लाइट गोल हो गई होगी पक्का लाइट गोल हो गई क्या मिक्स की स्ट्रीम वो पहले भी लाइट गोल हुई थी आज एक बार और मैं आता कुछ देर भी में तुम्हारी आज भी तो किसी ने बॉट लगा दिया था स्ट्रीम पे आपकी हाँ फिर से रीस्टार्ट करना पड़ा पता नहीं कौन था अच्छा बॉट लगाने से होता क्या है वैसे बैन हो जाता है मतलब लाइक टर्मिनेट कर देते हैं क्या यूट्यूब चैनल ये देख रहे हो सुन रहे हो कि नहीं नहीं से एक बार इसके चैनल पे भी लगा था ये तो पूरी करी स्ट्रीम ये बस लाइक अरे बस एनालिटिक्स खराब हो जाएगा मेरा मैंने तो मैं तो रनती विद रीस्टार्ट कर दी फिर न्यू स्ट्रीम स्टार्ट की ठीक है नेक्स्ट ठीक है देख रहा हूँ आगे लिखे हाय गौरव मैं बढ़िया और मेरे को आगे सीधा यू नूब ठीक है नहीं ठीक है करीत भाई सिंपिंग नहीं कर रहे थिंकिंग ऑफ फॉर द फ्रेंड नथिंग एल्स ऐसा यस यस कर भाई चलते हैं भाई इतनी ऑलरेडी बहुत खराब है आई मेक थिंग्स वर्स अच्छा ठीक है चलो कभी आराम से बात करेंगे टेंशन नहीं है अरे नहीं शिट मेरी भी लाइट गोल हो गई आई मीन मुझे बस बिना एसी के बैठना पड़ेगा पर गॉड डैम इट रुको आया मैं एक सेकंड वैसे भी क्या ही उखाड़ रहा था मैं तुम्हारा एक था पीछे भी है छी भाई मार यार देवा खत्म कर हम बस देख रहे ऊपर चढ़ा हुआ है कोई यहां से लोगों के बंदे मारते भाई हर हर महादेव हर हर अभी मारे। अभी एसपी चालू करता हूं इसका बाल सेट से तो ना हो रहे क्या बोलते हो मस्त लग रहा है ना मेरा हेयर स्टाइल आज क्यों दीक्षा जी हेयर स्टाइल मस्त है कि नहीं मेरा इसकी वजह से हुआ निक्स की वजह से क्या हुआ अभी तेरी वजह से हुआ निक्स की वजह से नहीं हाँ निक्स की वजह से हुआ ना मैं समझ रहा हूँ बैक अगेन अरे गौरव स्पेशल नो अच्छा ठीक है भैया मी वी कॉमन बॉयज गौरव इसको मर्दाना कम अरे इसके लिए प्रे करो व्हाट द मैं भी कुछ खास नहीं मैं अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं देख रहे देख रहे देख रहे देख रहे कितनी तेजी से फिर से ये रूम में आले स्माइली कोई चोरी किया था मेरा फिनिश वहां पे क्या नहीं बताओ इसको उड़ा दूं या ले मुझे को बस इशारा कर देना अब हटा दूंगा बैक अगेन करीत भाई कल पेपर है बहुत जरूरी पढ़ नहीं रहे यहां बुकडिया फेल रहे पढ़ लो मेरे भाई अभी क्या मतलब ये सब का कुछ नहीं रखा ये सब में कॉफी बना कर आया साक्षी
फाइव फिर फोर मैं भी अच्छा उस दिन तो स्ट्रीम पे बोल रहे थे नहीं नहीं मैं 5'4" नहीं 5'4" नहीं हूँ मैं 5'7" नहीं तो क्या क्या बोल रहे थे पता नहीं। ज्यूस भाई आधी खोपड़ी तोड़कर आ रहा है, आप कहो तो आपकी भी देखा तोड़ दे। एक मिनट का बाप रे चैट तो कतई वो हॉस्टाइल रेडी हो कर रखी ले है। एक मिनट। सॉरी मारी, अब जरा प्लेन से दूर उतारना ना भाई, प्लेन के बगल में जॉर्जर पुल में कूदा रहे। गौरव विल 4-5 करना पड़ता है ताकि उसको कुछ तो सेम लगे। हाँ, खोपड़ी किसकी डीपी है? अरे 4-5। हाँ श्योर श्योर श्योर। अपने निक्स तो बहुत छोड़ दिए। तो डाइसेक्शन कर रही थी हेड की क्या? अच्छा ये खोपड़ी का डाइसेक्शन कर रही थी उसकी डीपी है। अबे क्या ए भाई बतावा था कि तो शेयर करो, एक भी नहीं मिली मुझे। ये देखो ये भी गायब हो गई, गंदे आदमी। दीक्षा जी ये आप इधर भी है। मत अरे बताओ ठीक है, तुम चाहते ही नहीं हो। आई डोंट लाइक छोटू लौंडे माइनस। वेयर आर यू 4-5 यू आर आउट। भाई मैं अगर तुम सच में विद फोर वेडी फाइव होते सिंगल तो ऑलमोस्ट दो गौरव मिलके एक देवा क्या बन ब्रो जाते। देवा कितना है? तो 6-2 की 6-3 6-6 समझ फुल रहे हो। चले अपार्ट। वो जो एक्स्ट्रा 3 है अगर वो मुझे मिल जाता तो मैं 6-1 हो जाता। कोई बात दीक्षा जी आपकी हाइट कितनी है? मैं तो छोटी बच्ची हूँ। कितने छोटे बच्चे हो? मेरे भाई एक्सपेक्टेड था, मुझे लग रहा था 4 बार ना बोल दे। किसका था अभी? किसी ने बोला था ना स्ट्रीम पे, नेक्स्ट को ही बोला था शायद, निक्स को 4-5 फोर बोला पॉइंट था। फाइव मेरी कुछ 5-2 या 3 ऐसे कुछ है, 5-3 2-3 ऐसे कुछ है। 5-2-3। बाप रे आप जॉर्ज निक से भी छोटे हो, आप तो सच में ही छोटे। स्मूल दीक्षा इज ऑल्सो स्मूल गाइस, एक्सप्लेन योर स्मूलनेस। अच्छा वो इनकी हाइट गेस करने नहीं निकला, मैं नहीं गेस कर पाता। गाइस आप लोगों को टीममेट के और गेम साउंड कैसा आ रहा है? मतलब आ रहा है क्या ठीक ठाक? हाँ कंफर्म हाँ क्या तुझे तो आएगा ही, तू तो गेम से डायरेक्ट आ रही तुझे। और क्या। एक बार स्ट्रीम पे बता दो गाइस, दीक्षा जी और साक्षी मुझसे छोटी है। दीक्षा इज स्मॉल एंड क्यूट। हाँ दीक्षा इज स्मॉल एंड क्यूट एंड यू जस्ट स्मॉल, ओनली स्मॉल। हालांकि कभी दीक्षा का चेहरा देखा तो ना है हमने, पर ठीक है। तुम्हारी तुमसे तो अच्छी रहने दो, अभी कुछ दिन जोक्स रहने देते। दीक्षा दीदी आपको तो बच्चों वाला जॉर्डन आता होगा। नहीं यार फाइव थ्री, डिस्कॉर्ड फाइव थ्री उतना भी छोटा नहीं होता, 5'4" से कितना ही छोटा है 5'3" सोचो, पे 1 इंच तो। फेस कैम नहीं करते क्या दीक्षा जी? नहीं फेस कैम नहीं करते, वो बोलते कि नहीं ऑलरेडी ऑलरेडी लोग इतना ज्यादा फैन फॉलोइंग हो रखी है, अगर फेस कैम ऑन कर दिया मैंने यूट्यूब के सर्वर हैंडल नहीं के कर आ पाएंगे, जाएंगे। ऐसा ऐसा उनने बोला था मुझे, बोली मुझे घमंड नहीं अपनी खूबसूरती का, अच्छा अच्छा पर आई एम लिटरली लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसा बोला था उन्होंने। हाँ मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ ना पक्का, एक भी चीज इसमें से अच्छा भी बोलते हैं देखते हैं। अच्छा ऐसा जिस भाई तुमने समझ गया। 11 आवर ले लिया क्या? हरदी ने एक ही क्वेश्चन पूछ रहे बेचारा, बता ना रहा शर्म के मारे ही ना बताए कुछ भाई, इतना प्रेशर भी मत कर दो उस तभी पे एक अगर। और वहां के पूछ रहा था उस दिन कि आपकी हाइट क्या है स्ट्रीम में। फिर आपने नहीं बताया था। नहीं
ये फीनिक्स है ही ऐसा, क्यों पूछना है आपको क्या चाहिए? वही तो आप समझा कर ना, फिनिक्स उनको नहीं मजा आ रहा है, उनको नहीं शेयर करनी है सब चीजें, क्यों जबरदस्ती प्रेशर बनाता तू? अच्छा फिनिक्स बड़ा बेकार है यार। हाँ, इसका भी आंसर अच्छा हो गया। अरे हाँ हाँ बजाओ मुझे बजाओ। गाइस बताओ ना गेम ऑडियो वगैरह ठीक से आ रहे हैं तो बताओ। मैं तो वैसे भी इतना लड़की बात कर रहा है स्ट्रीम पे, देवा एक बार सुन के देखना प्लीज प्लीज। नहीं आ रहा है, सही आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। यार क्या दिक्कत है इसकी, रुक जाओ रीस्टार्ट करके आया मैं जरा गेम। यार ये फोन बहुत ही टट्टी है यार कसम से। एक नया फोन स्पॉन्सर वगैरह कर दो भाई, जूस भाई मुझे भी फेंक के दे दो। नेक्स्ट आईपैड फेंको एक के दे दो यार अपना। दीक्षा दीदी आपको तो बच्चों वाले जॉर्डन ही तो हो गया था। स्टम्बल गाइज नहीं खेलते क्या? नहीं यार बड़े दिन से थोड़ा बोर सा हो गया था उससे, और वो कंपनी भी चेंज हो गई है, वो पूरा गेम ही चूतिया सा हो गया। इश भाई कुछ भी बोलते हो, क्या कुछ भी बोला मैंने? आपकी हाइट बताना मेनियक्स भाई, मेरी हाइट जान के क्या करोगे? मैं 5'10" हूँ वैसे। साक्षी नू बैन 2.3 हाँ नहीं इतना भी क्यों दे दिया, 0.3 ही दे देते, 2.3 भी क्यों दे दिया? हाँ हाँ यही सिंपिंग करते हुए ही दिखे देखने आए हैं तुम्हें, हाँ यही सिंपिंग करते हुए ही तो देखने आए। तो मैंने कौन सी सिंपिंग की है, एक सिंप बताओ मैंने। गौरव ऐसे बोलेगी, बिल्कुल सही आ रही। हाँ क्या एक सिंपिंग की मैंने, निक्स बताओ जरा एक सिंपिंग। अरे सिंप का एस भी ना हूँ मैं, आई मस्ट बहन की आँख कली चेस्ट वेस्ट करा था, बड़ा गंदा दुख रहा है। मत पूछो भाई गैंप मराओ। अरे हाँ यार उसको मान लो 11R नहीं लेना हुआ फिर मत करो ये सारी हरकतें, मत पूछो, जब उसको बताना होगा आगे बता देगा क्या लिया। मेरे पूछने के पीछे एक रीजन है, अच्छा ठीक है बिल्कुल सही आ रही है। गौरव ऐसे बोलोगे, अरे यार साक्षी तुम तो इमोशनल कर दिए ऐसे, ये रोने वाले इमोजी मत भेजना करो रे बाबा, तुम गे का जी हो। सरप्राइजिंगली इट वाज काइंड ऑफ गुड, क्योंकि यू नो जो गे का जी होता है वो बहुत ज्यादा मरा। छोड़ो गंदी बातें कर रहे हो जूस भाई, छी यार गॉड डैम इट। चूस भाई कैसे हो? नहीं ना गौरव मुझे दिल से बुरा लग गया। ठीक है ठीक ये कर लो पहले। अरे ये बताओ तो सही, सही में लाइट गई क्या, क्या हुआ, क्या स्ट्रीम कैसे बंद हो गई? कभी कभी पानी क्या ही टेस्टी लगता है कसम से। कुछ भी है कुछ भी, जूस का असली नाम बताऊं आज? मुझे तो लगता है जूस का असली नाम राकेश है, राकेश ही होगा इसका असली नाम पक्का। मुझे अपने दिल में रख लो, मैं उसे बुरा नहीं लगने दूंगा। हेलो हेलो, अबे भाई बॉट तुझे मार रहा था, मैंने बताया। वो बॉट का नाम सुनेगा? आयुष है, हाँ बताइए बॉट का नाम। कर दिया अभी सही आ रही आवाज। पी से स्टार्ट होता था, उस पी से कुछ स्टार्ट होता था उस बॉट का नाम। पी की डी, हाँ पी पी पी, पी डी बहुत दूर है भाई। भाई तो लगता है तेरे पूरा भरोसा नहीं मेरे पे, पूरा भरोसा है कि तूने ही नेट किया मुझ पे। पी से स्टार्ट होता है। अरे ये वो हड़ी है क्या शॉप यहाँ का? शॉप नहीं, चादर मोड लाइट यार। ये गाना इसमें दिन भर से बीटी मार रही लाइट आगे। एक इन्वर्टर वगैरह समझ रहे हो, इतना तो भर भर के एड रेवेन्यू आ रहा है, थोड़ा इन्वर्टर ही ले लो मालिक, समझ रहे हो?
मोहन लाल मुलचंद गांधी है मेनियक्स का रियल नेम। ठीक है भाई, मुलचंद, मोहन लाल मुलचंद गांधी। ठीक है, तुक्का मारो तो थोड़ा सही मारो गर्वित भाई। मेनियक्स भाई भी लाइक इसे यहाँ से भगाओ रे बाबा। नहीं मैं क्यों भगाऊंगा, बैठो, मुझे सिम बोल रहे। मैंने कब सिम्पिंग की देवा बताइयो अभी तो गेम में एक बार भी। अभी की बात नहीं कर सकता, बाकी बात करती है तो मैं बता देता हूँ। बाकी कब सिम्पिंग किया बताइए एक बार। आपको ऑफस्ट्रीम बात करनी हो तो हमारे पास है क्यों देवा। हाँ, ऑफ स्ट्रीम बात करनी हो जो स्ट्रीम पे ना बोल सके वो हमारे। गाइस ये फिनिक्स और देवा नाम के जो लोग हैं ये लोग स्कैमर है, तुम्हारा अकाउंट हैक कर लेंगे, इनकी लॉबी में मत पड़े हो ना दो सेकंड के लिए। तुम्हें क्या लगता है मेरी तीन लंबो कहाँ से आई है? के साथ खेल रहा है खुद, ये तीन लंबो यही तो चोरी करके लाके दिए मुझे। जितने भी लोग लॉबी से आते हैं उनके फिर तो इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। अरे चोरी कर लेंगे, चोरी कर लेंगे लोग आपके आईडी से यूसी वगैरह सब। ठीक है, इतनी यूसी से चोरी भी कर लेंगे बताओ। टीवी है उसी कर लेंगे। गुस्सा तो आता होगा ना मीनिंग्स भाई, किस बात पे? अभी दीक्षा जी को सबसे खूबसूरत बोल रहे बारी बारी रियल। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा बोला कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी लड़की दिखती हूँ, मैंने ये अपने मन से कुछ भी नहीं बोला। मैंने तो शक्ल ही नहीं देखी, मैं कैसे तारीफ करूंगा। अरे डिस्कॉर्ड में नहीं देखी है क्या? हेलो, वो तो इतनी छोटी सी फोटो है कुछ समझ ही नहीं आता उसमें तो। उसमें भी ऐसे दो प्लैनेट के ऑर्बिट चेहरे के सामने नाचते रहते हैं। वो नया ना नाइट्रो का कुछ आया था पब, पैसे तो है, पैसे तो है। अरे ये सब स्पॉन्सर है, कुछ यूज नहीं करती मैं अपने पैसे। देखो एक दीक्षा जी है और एक इंडिक्स है, ये लेती ही ना जनरेटर पता नहीं क्यों। अरे ले लो एक अच्छा सा जनरेटर, क्या चला जाएगा बताओ, जनरेटर इन्वर्टर तो क्या तो। हम लोग यहाँ पे बस वॉट ही मारेंगे कि निकलेंगे भी यहाँ से। मेरे को लग रहा है हम लोग सारी लूट दे के एनिमीज को देने वाले हैं, इतना सब लूट लिया। किस पे कर रहे हो सिम दीक्षा जी? आ जाओ मेरे पास, मैं बचा लूंगा। ये बारा भाई बोल रहे हैं, अरविंद भाई करते रहो गैस। टेल मी दैट यू डोंट हैव नाइट्रो विदाउट टेलिंग मी यू डोंट हैव नाइट्रो। भाई इतना नहीं है मेरे पास नाइट्रो की, मुझे पता ही नहीं था कि ये नाइट्रो का फर्क है, मुझे पता ही नहीं था ये सब होता भी कैसे और आता भी कहाँ से। समझ समझ रहे हो कि नहीं? ले भाई गाड़ी की तलाश करो। गाड़ी ढूंढो, चलते हैं मारने किसी को। ये दीक्षा जी अपनी लूट की सवार। मैं तो बहुत आगे निकल गया, मुझे गाड़ी नहीं मिली। क्या बोल रहे हो? मिला दीक्षा जी तो अपनी लूट किसी और को देने के प्लान में है बड़ी कस के। भाई पहला स्पॉट आएगा मर के लूट दे देंगे अपनी, जीतेंगे। मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है तुम्हारा भी सीन। मेरा क्यों, मुझे क्यों लपेट रहे हो? जीतेंगे टेंशन मत लो। मैंने नॉक पे सबसे पहले तुम ही होते हो। व्हाट द हेक, बेइज्जती पे बेइज्जती। मिनेक्स भाई चेक करके बताओ कि मिनेक्स गई क्या यहाँ से? शायद चली गई, वॉचिंग भी कम हो गई है उसकी स्ट्रीम, लेकिन अभी तक चालू तो नहीं हुई है, कहीं और चली गई होगी घूमते फिरते। ऐसी इच्छा वो लड़की घूमते फिरते घूमते फिरते। स्ट्रीमों के अंदर ही घूमते रहती है। मैं कौन घूम रहा अभी तक? मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। और अच्छा तू भी तो यही है? दोनों वहीं पे हैं। लेने आया हूँ भाई, लेने। दोनों वहीं हैं। अच्छा छोड़, ठीक है तू रहने दे, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, लव यू मेरे भाई, आजा। सॉरी भैया, ड्राइव तो दो। अरे बैठ भी जा भाई, ड्राइव दो ना मालिक। इनके पास लैम्बो होगी, लैम्बोर्गिनी, लैम्बोर्गिनी। गेट लाइक्स करेंगे। बारा भाई आपने मीम देखा है सनी देओल स्पेशल? मैं भी बैठा लो। हाथवागिरी कहते हैं ये, क्या होता है हाथवागिरी? क्या होता है गाइस? क्या होता? फिनिक्स कहाँ जाने को था भाई?
चलो दीक्षा जी कैसे हो आप? मैं थोड़ा तो है बहक नहीं गया था। कौन गौरव? पहले गौरव का मैसेज है, मैंने एक बार चेक करके बताओ नहीं गई कि यहाँ गई क्या यहाँ से। उसका अगला मैसेज है, दीक्षा जी कैसे हो आप? मैं थोड़ा बहक गया था। यार बहुत जल्दी बहक जाते हैं हम गौरव जी। कुछ तो टैलेंट है देखो, इतना तो मानना पड़ेगा। ऐसा नॉर्मल लोगों की बस की बातें नहीं है ये सब। भाई स्टारबक्स वाले कॉफी के बंदे दाढ़ी रखी है इधर है बंदे। हाँ बंदे उठाया वो इधर भी है मेन बिल्डिंग में, ग्राउंड फ्लोर में। अबे रोक लेते हैं, कौन चला रहा है? अरे यहाँ क्यों रुकते हैं? यहाँ से फाइट लेना बहुत हार्ड होगा, तो वापस बहुत चल लेते हैं। वापस आओ, वापस आओ। मैं यही रुक जाती हूँ, आप कवर दूंगी आपको यहाँ। आजा फोनिक्स रहने दो, अब मत जाओ। मैं जा रहा हूँ, अब मत जाओ इधर उधर। पहले ही मार दिया तो कह रहा। कहाँ चले गए? जी जी बस खत्म। कुछ से तो दो के आ रहे थे। अरे एक को नॉक किया था मैंने बाहर से। गेम प्ले तो है। क्या लूट दिया हमने दूसरे टीमों से? हाँ ना देख कॉन्फिडेंस ही ना तो बताओ। बचा लिया मैंने ठीक है। हाँ अभी तो नॉक हो गया था फिनिक्स, उसको कवर दिया था मैंने, पूरा फिनिश कर रहा था उसको। हाँ कवर अच्छा था, कवर अच्छा था। हाँ हमारी मत तारीफ कर देना ना कभी भी एक बार। अरे भाई कवर तो इसका अच्छा था और आप लोग तो छोड़ के चले गए थे उसको। हम लोग तो आगे थे, कैसे छोड़ के जाते हैं? देवा आया बाद में। हाँ मैंने तो रिवाइव किया था, मैंने छोड़ के। पीछे आपके दोस्त थे, आपको पता रहना चाहिए कि आपके पीछे दोस्त थे। ठीक है दीक्षा जी, लड़ाई करवा दो। भाई स्टारबक्स वाले कॉफी के नाम पर छू देते हैं, कभी भोपाल आओ मैं कॉफी बनाकर पिलाऊंगा, स्टारबक्स भूल जाओगे। हाँ यार मतलब मेरे घर में भी मेरे मम्मी पहले दूध में कॉफी मिला के उसको मिक्सी में चला देती थी और फिर उसमें बर्फ वर्फ डाल के, ओ हो बर्फ को भी मिक्सी में डाल दो तो वैसे क्रश टाइप की हो जाती थी बर्फ, मजा सा आता था यार। कौन बोल रहा है? आंटी 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 से। और कौन है ये? ईशान भाई। लैम्बोर्गिनी आज के दिन लाइट आएगी कि नहीं? गर्मी इतनी लग रही है ना, बाप रे डिवाइस भी हीट हो रहा है, बैटरी जल्दी खत्म होगी, स्ट्रीम जल्दी बंद करनी पड़ जाएगी। राजा बंद कर दो चले। भाडू लेट्स गो। हां भाडू कुवागिरी भड़वागिरी। ओ भड़वागिरी इतनी मेहनत से पढ़ा भाई। तभी तो बोल रहा हूँ कि खुश रखूंगा दीक्षा जी को। अच्छा मेरे दिल में कितनी जगह है भाई, कितने लोगों की जगह पहले ये बताओ। ये तो मैंने सिर्फ ऑन स्ट्रीम तीन लोग देखे। हम तो तीन ही लोग को देख। हाँ वही मैं भी वही बोलने वाली थी, ये तो तीन हमें पता चल गया। वही तो बाकी कॉलेज नेबर्स और कौन तो कौन नहीं है, ये बताओ पहले। ये तो गलत किया आपने, काश मुझे भी दीक्षा जी कभी बचाए। तुम्हें तो भगवान भी नहीं बचा सकता भाई। हाँ भाई क्यों नहीं, मैं ऑटो में ही था, उसे नहीं पता था कि मैं हूँ भी। ये कोई वो है क्या, मीम है क्या ये? भाई भोपाल वाला कोई नहीं है पता क्या? मुझे भी। हाँ ये फिनिक्स है ना। वेलकम वेदी भाई, ये ले चुम्मे। हाँ क्या क्या
ये फीनिक्स, ये देख एक और भोपाल वाला आ गया, वेदी आ गया। वेदी तू भी भोपाल से ही है ना? हाँ किसी जोन गए भाई। भाई कहाँ? हाँ कहाँ भोपाली, ये रहा ना फीनिक्स नाम का लौंडा, ये भी भोपाल से है। तेज मत रोनी है ये पत्ते, ये हमारी थी। अरे अच्छी है। हाँ हाँ हमारी थी भाई। अब कली समझाएगी दूसरे यूट्यूबर लोग पे नहीं मजाक बनाने का, ये फर्स्ट लास्ट वार्निंग। अरे चलेगा, हेलो नहीं मेरे को नहीं चलेगा। हाँ मैं मी भोपाली। हाँ भाई भोपाल हूँ। अबे तू थोड़ी भोपाल है, तू भोपाल में रहता है खुद ही भोपाल बन रही है। मेनियक्स उससे पूछ कहाँ से है भोपाल में। हाँ सारी चीजें स्क्रीन पे पूछ ले, कुछ ब्रॉड एरिया बता दो। लाल घाटी। लाल घाटी से ये घाट वाले ही लौंडा है समझ रहे। अरे यार बंदे कहाँ हैं? शान भाई कहाँ है? मैंने कुछ से पूछ कहाँ रहता भोपाल में, तभी तो बोला थे। रेंडर हुआ। मत करो ये सब, मत करो जो भी। मेरे पे जितने जोक बनाने बनाते रहो। होशंगाबाद रोड के पास। होशंगाबाद। होशंगाबाद। होशंगाबाद नहीं। मैं मुझे क्या पता आंगा है कि आंगा है। तुम्हारे साथ रीडिंग स्किल्स। अरे ये तो प्रोनाउंसिएशन है, मेरे को क्या पता होशंगा है कि होशंगा है। अब तू नंगा को नंगा भी पढ़ सकता है, नंगा भी पढ़ सकता है। अभी तो डबल ही होता तो होता ना होशंगा। तू नंगा को नंगा पढ़ता है कि नंगा पढ़ता है ये बता भाई। वैसे होशंगा और होशंगा है, मैं क्या करता। ठीक है भाई कल आता हूँ, जाता हूँ। कल हो गई ऑलरेडी। भाई मैं गोविंदापुर। अरे वो लाल घाटी वाले को पूछ के ठेका कितने बजे तक खुला रहता है। लाल एक ठेका कितने बजे तक खुला रहता है? साढ़े ग्यारह बजे तक। 11:30 भैया मिनाल के पास 4 AM तक भाई। अबे ऐसा भी होता है भोपाल में? अलग अलग जगह अलग अलग देर तक ठेका खुला रहता है? नहीं भाई, भाई ऐसा कुछ नहीं है। हाँ भाई मिनाल के पास वो ब्लैक में चलता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ब्लैक में तो हर जगह चलता है। हाँ भाई वैसे ऑफिशियली तो 11:30 का टाइम है यहाँ पे, यहाँ पे तो 10 बजे का टाइम है। 11:30 डॉट बंद करना ही होता है, तो उससे 1 मिनट आगे पीछे नहीं कर सकते। हाँ भाई मिनाल के पास। अरे शांत भाई वो ठेका नहीं, ठेका कॉफी की ब्रांच खुली है उधर। अरे वो ठेका नहीं, अच्छा कॉफी की ब्रांच पर ठेके रहती की बात कर रहे। अरे यार वेदी अगर ऐसे फेर हो तो बात नहीं करेगा ना उसे पे। भाई मुझे लगा क्या पता 1-2 साल में मारना चालू कर दियो, इतना तो ट्रिप में जाता है। ये बात भी सही है, जरूरत पड़ी जाती है ट्रिप में ये सब हरकत। आयुष भाई भोपाल में कहाँ से ठेका कॉफी? तो विराट के साइड में है 10 नंबर में। चिकन चाहिए, दीक्षा जी को बुलाओ रे। दीक्षा जी बार बार ऑनलाइन ऑफलाइन जा रही है, कैसे बुलाऊं बताओ। अरे मेनियक्स भाई कल का क्या लफड़ा हो गया? अरे वो अपन ऑन स्ट्रीम ज़्यादा मजाक बना दिए थे, तो उसको सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा लग गया था। और ज़्यादा बुरा उसको इसलिए लग गया क्योंकि चैट में जितने भी लोग हैं वो नहीं जानती ना सबको, जैसे को नहीं जानती और बाकी लोग को भी नहीं जानती, वो लोग भी लिख रहे थे कि मैं डर गया और ऐसा वैसा, तो बहुत ज़्यादा बुरा लग गया उसको समझे। जो मुझे कटे भी नहीं पसंद आए जिससे बुरा लग गया। अंदर रहना, अंदर रहना, अंदर रहना बोलते ही वो बाहर निकला था। मैं पहले खुद से ही बाहर निकलता था, गई ये गाड़ी तो बोल गया। अपन मत बोलो तूने उड़ाया मजाक, हम तुम्हें नहीं आते। तूने तो बोला था कम्युनिटी बोल देखने के लिए। अरे अरे ये खिड़की उड़की में
ये फिनिक्स यार मतलब ही आदमी क्या हील भाई, करता मैंने क्या कर दिया अब? कवर उग गया मैं खिड़की में मार फिनिक्स क्या यार देख भाई उधर ही रुक नॉक हो जाएगा पीछे जाएगा एक तो गाड़ी इतनी टट्टी चला रहा कौन सा ये ड्राइवर ए गाड़ी का लेकिन और ऊपर गाड़ी में कहीं भाई रोक अच्छी लेते चला मालिक रहा था अबे दीक्षा क्या कर भाई और रही ऊपर में क्या थी पढ़ रही थी हेलो अपनी दीक्षा जी दोस्त के लिए हेलो अबे पीछे वाले अपार्ट तक पहुंच जाते अपन कहाँ मैं तो कहाँ गए उधर ही वो तो था जा रहे अरे दीक्षा नहीं जी उधर था हेलो पहुंच तो जा रहे थे अपन उधर लेकिन टाइम नहीं दे मिल कोई रहा था नहीं ना भाई उतना भाई अपने गाड़ी डिस्प्ले दे रहे थे बैटरी कोई नहीं कोई नहीं बैटरी इज रनिंग लो है थर्ड मुझे ऐसा करना पसंद तो नहीं है पर लगा देता ठीक है पड़ गया चैन पड़ गया कभी मिलते हैं वेदांश भाई मैं भाई पास तेज फोर में रहता हूँ अरे ये तो बच्चा है रे अभी तो 11th 12th का ही है आज इतना वॉक कर लिया ना पूरा थक गया मैं एकदम अरे ईशान भाई लास्ट सैटरडे ही आया था मैं उधर घर देखने डिवाइन सिटी वगैरह सब देख कर गया मैं अरे फाइनल किया क्या घर मेरे घर देखते हुए गए होते ना नहीं भाई अभी तो स्काउट ही कर रहा हूँ एक आध घर हमें भी ले दे यार वेदी अरे मोस्टली तुम्हारी सोसाइटी में भी आया होगा मैं देख के ना ईशान के मम्मी पापा गुस्सा ना हो जाए क्या क्योंकि टॉप करते हैं ना है ये तो पता जो अटेंस में पता नहीं नहीं छोटा है ना अभी अरे यार कौन कौन लड़के आ रहे हैं मिलने के लिए देख चांस लास्ट सेफ ईशान हो भाई गया आ रिवाइव सकते करने हैं जा रहा है उसका हाँ सेफ हूँ अब रिवर्स पर घूम रहा हूँ क्या यार रूम में वापस वही जा वापस उधर ही गया आगे वैसे वो नॉक देना मार दे इसी मार दे पहले अरे जाओ ना एक भी है मुझे कनेक्ट में एक भी नहीं देखा मैंने नाइस बढ़िया तो आ गेट पे एक अरे चिकन निकाल दिया लौंडा सेक्सी देख रहे हो सेक्सी है क्या चिकन बोल रहे चिकन नहीं हो पाएगा बोल रहा था कोई We're the बोल best. हो जाएगा Victory belongs to us. क्या ही चार की वॉचिंग में भाई चिकन निकल गया गाइस चिकन निकालने से वॉचिंग घुस जाती है ठीक है भाई ठीक है एंग्री प्राइस भाई इधर ही इच्छ हो गया तुम अरे ये लाल घाटी वाले का नाम क्या है रियल नेम मुकेश है भाई अरे ब्रोकर सेक्सी लेकर आया भाई कैसे लगे घर वहां पर इस बात के लिए भाई आज के दिन लाइट आएगी कि नहीं मैं सोऊंगा कैसे रात में ये लाइट तो की और उसकी भी रेड की स्किन भाई देख और सुनाम बने लाल भाई
मैं सुनाता हूँ, दो मिनट रो, अभी सब सुनाता हूँ। क्या सुनाने? सुनाने को फिलहाल तो बस यही है कि माँ के यहाँ लाइट चली गई है यहाँ पे, और मैं बिना इसके सो नहीं सकता, इतनी गर्मी हो रखी है ना, पता नहीं बारिश का मौसम कब आएगा। तुम किधर रहते थे जूस भाई? स्टेट में भूल सा गया हूँ, पर क्या है गर्मी। आज बहुत देर वॉक किया मैं, 3.5 घंटे का था। देखो गेम भी अटकने से तो लग गया एकदम। हरियाणा मेनियक्स भाई, माइक ऑन, माइक ऑफ था क्या मेरा? माइक ऑफ है गाइस, आवाज नहीं आ रही मेरी। हेलो, तो रही है नॉटी बॉय, मस्ती करते मरो भाई, गद्दारी कर पे इतने गंदे गौरव भाई। उधर उसको जाके तुरंत बता दिए मैंने, एक भाई गद्दारी कर रहे, क्या बोलते हैं, रोस्ट कर रहे, ऐसा वैसा। अब वो चिड़ गई तो आके बता नहीं सकते थे टाइम पे कि चिड़ गई, लास्ट में बता रहे अगले ने। तो आप कौन से स्कूल के पास आउट हो बेली भाई? अरे ये मेनियक्स की बंदी का कॉल आ गया था। हाँ कौन सी बंदी है मुझे भी बता दे, मैं तो नल्ला बैठा हूँ इधर। अरे बाय द वे तुम लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या कि आजकल व्हाट्सएप से कुछ भी कुछ नंबर से कॉल आते हैं और फॉरेनर वनरेबल डीपी वाली लड़कियाँ हाय हेलो बोलती, क्या हो रहा है यार मेरे साथ? हेलो ऑब्वियसली स्कैमर ही होता है सारे। नहीं बस तुम्हारे साथ हो रहा है, नहीं तुम्हारे साथ ही बस हो ऐसा इधर उधर कहाँ दे दिया नंबर क्यों आ रहे मुझे कॉल वॉल एकदम, कोई कोई डीपी में गांव की लड़की बन के आ रही है, कोई फॉरेन की बन के, क्या हो क्या रहा, चल क्या रहा ये, क्या बात है? मैं तो ऑडियो ले रहा हूं। सब लड़के हैं क्या बात है, क्या लड़के हैं सारे के सारे? चलो तुम्हें कैसे पता? मौत है, मौत मुझे पता है, मुझे अपनी किस्मत कैसे पता है। और ऐसा कौन करती है लड़की सीधा व्हाट्सएप कॉल, और वो भी एक गांव से एक फॉरेन, ये तो मैं नहीं मानता, मैं मानता ही नहीं। करती है कुछ भी, करती है करने वाली ना, कुछ भी सीधा कॉल हाय हेलो नहीं, कुछ नहीं सीधा कॉल। आपने किया कभी ऐसा? एक बार इसको कॉल करने का मन करेगा तो वो कॉल करेगी ना, इतने डेस्परेट तो लड़के भी नहीं होते। एक बार मैसेज में हाय लिख देते पहले। अरे यार सेफ हूं मैं, सेफ हूं, सेफ हूं, हेल्थ किट भी यहीं पे है। नाइस है काबस को दीक्षा जी का माइक है किधर? अरे मैंने 8000 स्केट स्कूल वाला देखा है। ठीक है भाई, कौन है ये? अरे लॉर्ड साउंड भाई, कैमरा वीडियो कॉल करते अश्लीलता फैलाएंगे, वीडियो बना लेंगे और ब्लैकमेल करेंगे भाई, कुछ भी चूतिया गिरी है सब। सच में अश्लीलता फैलाएंगे और तो मैं क्या बैठ के देखता थोड़ी रहूँगा, काट दूंगा मैं। वीडियो बनाना तो क्या मुश्किल है, स्ट्रीम से उठा लो आदमी जो कैमरे को देख रहा बातें कर रहा है और उसके पीछे कुछ भी वीडियो लगा दो क्या। अब ऐसे एक एक चीज से डरने लगे तो काम ही खत्म हो जाएगा। इधर पहुंच गया बंदा, एक बंदा उधर पहुंच गया, मैं M4 छोड़ के आया था पता है। ये ले के ले यहां पे आ जा। आया आया भाई, ये हनी बैठ क्या कर दिया गाने भाई, सब यही बोलते हैं क्यों घटिया बे, अच्छी तो। एक और M4 गाइस रुक दे वाले क्या था, कभी उसको IDS पे चला के देख, वो उस पे Hipfire पे चला के देखना बच्चे। ये ले M4 ले ले, Hipfire में भी मार्क द लोकेशन, एक है उस पे है ना, इधर 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 आई गॉट सप्लाइज। हां रुक जा, ये ले M4 पे एक नॉक है यहां पे, एक और है यहां पे मेरे के लिए, जा रहे हो क्या? आई एम साइबर सिक्योरिटी सिस्टम आ रहा है, एक सेकंड वहां पे आप। अरे बाप रे, आ ही रहा बस एक नॉक है, रिवाइव हो गया शायद। चलो मैं ही पीछे हो गया, वैसे भी मिलने यार, प्रॉब्लम यही है मेरी। एक मार्क दे दो, ग्लास कंटेनर
Watch out. Watch out. भाई मिलते हैं कभी, अभी मैं जाता। Bye Minix, bye Vedi. ये लो जुम्मे। कहाँ भाग गए? Freedom's like killer ice cream. कहाँ हैं दीक्षा जी? यहाँ पे आगे। अरे पीछे भी है। हो गया, लग गए मेरे। अरे अरे एक इधर भी है। सेफ लग गया, लग गया। साइड में भी है। मैंने देख के आना था भाई। मैं बदला ले लिया बस ये। अब साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट 8 BHK प्लस प्राइवेट फ्लोर भाई, आप ना चाहते हुए खुद को रोक नहीं पाओगे। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, सामने भूर की परी भी बैठी हो ना तो भी कॉल काट देना, चल बैठ जा। ऐसा 8 BHK प्राइवेट फ्लोर ड्राइंग रूम एक मंदिर 3 लॉबी वाला साइबर, मैं साइबर शेल गया था वहीं लाइव देखा ये केस। हाँ वैसे होता तो है, तो वही है ना कि भाई अब मुझमें है दिमाग, मैं कॉल उठाऊंगा ही नहीं, मैंने देना ही नहीं है सब मौके किसी को। माँ के यहाँ क्यों करूँ ये सब हरकतें, जब पता है कि मेरे मेरे कॉन्टैक्ट का कोई नहीं है तो अननोन नंबर से मैं पहले सबसे तो कॉल ही नहीं उठाता मैं। कभी कभी ऐसा होता है उस चक्कर में कि मैं जोमेटो से खाना ऑर्डर करता हूँ मैं कॉल ही नहीं उठा, उनका लिखा हुआ आ जाता जोमेटो। सॉरी भैया, सॉरी सॉरी, मार मत देना मुझे। एक गेम चिकन हो पाएगा क्या? नहीं नहीं इसे यही खेलते हैं। अरे अभी तो चिकन की यही खेलने है, कुछ और खेलने का है क्या? आजा लाइट प्लीज, आजा यार गर्मी लग रही बहुत जोर से, एकदम से पसीना आता आ रहा है। 7 BHK प्राइवेट पूल प्लस ड्राइंग रूम प्लस एक मंदिर सर्वेंट रूम वाला है जिसमें मैं रहता सर्वेंट रूम में रहता हूँ ईशान भाई, तुम ये क्या मस्ते भाई? भाई यार क्या हो गया, क्यों परेशान हो रहा है भाई? अबे लाइट चली गई, गर्मी लग रही है। अरे ये क्या हो रहा है? अरे रेड आ गई, मैं ऐसे ही हेलो की स्ट्रीम खोल के देखा, मैंने रेड के पहले तो उनकी स्ट्रीम में खुद को देख लिया। अरे वेलकम 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 गाइस, वेलकम टू द स्ट्रीम ड्रीम ट्रू बेसिक फैक्ट्स। डांस डांस अभी करते हैं, डांस को अभी करते हैं। एक पहले जाता हूं इसके साथ से, फिर लिखो कर ले जा रहा। कौन सा डांस? मरफा मैं ही तो आ रहा है, चलो मैं सही कर ले। वेलकम वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। अरे यार एक ही तो डांस है, कुछ नया उसमें स्टेप भी नहीं ऐड किया मैंने, मत करो ये सब। रुको 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 गाइस, मेरे को ऑडियो निकालने दो भाई। ये क्या देख लिया मैंने? मैं ऐसे ही हेलो की स्ट्रीम खोलने के लिए गया था कि ऐसे कुछ भी उल्टा उल्टा मैसेज करूंगा अभी, उतने मैंने खुद की स्ट्रीम देख लिया। वो देख व्हाट द हेक, ये क्या हो रहा है? मरफा जो भी हिस्ट्री में सबसे पहले वही आ जाएगा। रुको 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 गाइस, रुको रुको, दो मिनट बस, दो मिनट मैं गाना लगा सा रहा हूँ डांस, ठीक है? चलो तब तक अपन ना अपना ये डिस्प्ले कैप्चर बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा गंदा चेहरा देखने ही है तो थोड़े बड़े स्क्रीन में देखेंगे, है कि नहीं? समझ लो तो इधर बीच में लगा देते हैं। ओ भाई ज्यादा क्लोज हो गया ना, ओ
गाना सेट कर लेते हैं। गाना सेट हो चुका है, एक सेकेंड। ऐसा लगता है जो रेड करने है उससे ज्यादा मजे तो मैं ले रहा हूं। कुछ नए स्टेप पे बैठ गए और साउंड बाकी आग। फिर से करेंगे। क्या नूब आदमी हूं मैं यार, गॉड डैम इट, फक। फिर से अरे बिल्कुल ना थका हूं मैं, बिल्कुल भी ना थका। इग्नोर गाइस, इग्नोर, किसी ने कुछ भी नहीं देखा, होते रहता है ये सब, इट हैपेंस। अरे मुझे पता है मेरे भाई, मुझे पता है, मैं उधर ही था। कहाँ गया? सॉरी एलर्जी, थोड़ा सा ब्लंडर सा हो गया। जब तक गाना बजा तब तक सारे मूव दिखा दिए थे मैंने, गॉड डैम इट, काम डाउन पर नाच मुन्नी। अच्छा गाने का नाम बता रहे थे तुम लोग, बेबी काम डाउन वो लगाना है क्या? इसमें कॉपीराइट सा आ जाएगा गाइस, ऐसा फील हो रहा है मुझे। गुड डांस, रुको देखते हैं एलर्जी क्या बोलते, ठीक है। बोलो बोलो हेलो। अच्छा रुको, खा लेंगे कॉपीराइट, क्या दिक्कत है। काम डाउन पे क्या गाना गाऊंगा, मैं डांस करूंगा मैं, उसके तो स्टेप्स ही ना पता है मुझे। ये सेलेना गोमेज़ वाला काम डाउन गाइस, काम डाउन पे कॉपीराइट आ सकता है। लॉलीपॉप पे, हाँ ठीक है, ये करा लो ना, ये करा लो, बढ़िया यार। ऐसा छमिया वाले गाने पे मत डांस कराओ यार, या फिर डिलीट कर देना बाद में उठा पाठ। हाँ यार वो कर सकता हूँ मैं, मुझे काम डाउन बस ये बता दो, यही वाला है ना काम डाउन, ये सेलेना गोमेज़ वाला काम डाउन, कि वो वाला बेबी काम डाउन, काम डाउन बेबी, ऐसा वाला, समझ रहे हो? ये कौन सा काम डाउन? एक तो एड की माँ की साकी ना का यार, वो भी ऐड भी किसका दे रहे, वन प्लस का दे रहे, वन प्लस वालों को वन प्लस का ऐड दे रहे, यही वाला ना भाई। काम डाउन पे कुछ स्टेप, किसी और का डांस ही निकाल लेता ना, माफिया किसी का डांस ही चोरी करता हूँ। अरे किसी ने सब्सक्राइब किया, किसने किया कहाँ? सनशाइन थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, वैसे तो सबने किया होगा, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। रुको किसी का डांस चोरी मारता हूँ, ऑन स्ट्रीम चोरी, इतना गंदा डांस लगेगा ना तुम्हें, इतना गंदा।
थोड़ा ब्लंडर सा हो गया हला जी, सॉरी गॉड डैम इट, ये क्या हो गया? ये लोग क्या कर रहे हैं, तो चुप भी मिल रहे गाइस एक दूसरे को। भाई कौन से स्टेट से है? वॉइस, आपका वॉइस। अरे थैंक यू, मैं छत्तीसगढ़ से। भाई कोई ना, सह लेंगे ठीक है भाई, सह लोगे तो फिर क्या दिक्कत है, चश्मा पहन लूं ताकि मुझे ना देखना पड़े ना अपने आप को, समझ रहे हो? डजंट मेक सेंस बट कोई बात। आवाज आ रही है कि नहीं? अभी आ रही है ना। देखो अभी मेरे को जो स्क्रीन पे दिख रहा है मैं वही कर रहा हूँ, जज नहीं करने का, एक्चुअली कर लो कोई बात नहीं। रुको इसको धीरे करने दो, नॉर्मल से 0.5, हाँ चलो 0.5 की स्पीड में चला। अभी होगा ऑडियो की माँ बहन हो गई ऐसे तो। चलो ठीक है कर लूंगा, मैं टैलेंटेड हूँ। एक ही स्टेप आया मुझे, काम दा इतना टैलेंट है गाइस, ऑन स्ट्रीम इससे ज्यादा अच्छा नहीं कर सकता मैं, अभी तो देख रहा हूँ डांस पहली बार। सॉरी तुम्हारी जो आंखें जली ना उसके लिए ऑफ जॉर्ड जी भाई जी। एक तो आज ही मैं ऐसी वाली टी शर्ट पहन लू जिसके हाथ इतने लूज से है। तुम्हारी जो आंखें जली उसके लिए सो सॉरी गाइस, एक्चुअली इसके लिए माफी मांगना भी कमी है। कैमरा छोटा हो जा, इधर लाइट गोल हो गया यार, एसी भी बंद बंद सी हो गई है पूरी। लॉलीपॉप नहीं यार, ये नहीं कर रहा मैं, ये मत कराओ यार गाइस प्लीज। कुछ भी पर ये नहीं, छमिया वाले गाने में डांस करूंगा मैं, तुमको देख क्या था एलर्जी क्या बोल रहे। अबे डैशअप ऑडियो फिर बंद था मादर, सही में अभी तो ऑन किया था। अच्छा वो ऐड आया था तो अब ऑफ किया था। अगर तुम में से कोई अनसब्सक्राइब किया तो मैं समझ जाऊंगा, आई डिजर्व इट गाइस। वो गाना तुम लोग खुद अपने मन से इमेजिन कर लेने का, बेबी काम डाउन ऐसा सा करके बज रहा था ठीक है। सॉरी कोई आंसर मैं जज नहीं करूंगा, कोई भी आंसर सब्सक्राइब किया तो सॉरी गाइस, गॉड डैम इट। अच्छी बात ये कि कॉपीराइट नहीं आएगा, कॉपीराइट नहीं। अच्छा आ रहा था गाना, ये वाली तो आ रही थी। चल नाच जल्दी नाच, आ रही थी मैं बाद में ऑफ किया था। ओके क्या इना चेड़ी भाई, थैंक यू सो मच फॉर द रेट, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट जी, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। आई थी भाई, मैं चेक किया आई थी। निंजा हथौड़ी वाले सॉन्ग पे करो बस मेरे भाई, तीन तीन चार चार बार नचवा दो क्या, कुछ तो रैम खा लो मुझ पे। एसी भी ना चालू है आज तो, लाइट गोल है। अरे हाँ भाई जान आ रही, हाँ मेरी जान आवाज आ रही थी, और ठुमके तो लाजवाब आहा क्या बात। अरे ठुमके होंगे कब लग गए, गलती से लग गए क्या, मेरे ठुमका स्लिप हो गया गाइस, मजा आ गया। थैंक यू सो मच हेलो जी, सॉरी गलती से एक आध फ्लो में ठुमका निकल गया होगा तो इग्नोर कर देना गाइस, जान के ना था वो ठुमका, था भी नहीं वो, तुमने नहीं देखा ठुमका, बिल्कुल नहीं देखा। जोन निकलो, काम डाउन के चक्कर में रैंक डाउन हो जाएगा। हाँ इतने गंदे लोग है यार, कार में मुझे लेने भी ना आए ये लोग, इग्नोर नहीं कर रहा कुछ, कर दो पूरा इग्नोर कर दो। रिंझा थोड़ी नहीं गौरव भाई, स्पैम मत करो, नहीं करूंगा, बस करो मालिक, पूरा पसीने से नहा सा चुका हूं मैं आज, फुल स्लीव की टी शर्ट भी पहन लिया यार, मेरे को लगा एसी है था क्या दिक्कत होगी, थोड़ी ना ठंड लगेगी, गर्मी लगेगी। बैड चॉइसेस, बस भाई ग्लूकोज पी लो डांस, ये देखो भाई मेरा ग्लूकोज।
अभी पीता हूँ ऊपर। दारू नहीं है गाइस, ये पानी है, ठीक है, पानी है, ये देख लो, बॉटल हो सकती है वाइन की, बट था ये पानी। हेल्थ 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 हेल्थ, देख रहे हो, अच्छे टीममेट बिना बिना कुछ बोले भी हेल्थ दे दी। रुकना जरा भाई, जोन से मरे तो मरे, रोल में मरेंगे, समझ रहे हो। भीम की शक्ति पे नाचो मुन्नी, ना भैया ना, आज के लिए नाचा वाचा हो गया, और नाचा ना करेंगे, ठीक है, चलेगा ना। हम लोग तो देखे ही नहीं, कुछ नहीं देखा ना आपने, तो थैंक यू, करना पड़ेगा नहीं, स्ट्रीम पीछे कर। अरे पहली बार मैं किया, पता हमारे लिए करना पड़ेगा, मैं पता पहली बार साउंड ही ऑन करना भूल गया, मैं खाली मर्फो करे जा रहा हूँ, ये हाथ हिला रहा हूँ, कोई गाना ही नहीं बज रहा है। क्या बंदर जैसा दिखाऊंगा यार मैं कसम से। और क्या क्या ऐसा ऐसा वाले यू स्टेप कर रहा था, यू फिर उसके लोग आपके लिए वहाँ गाड़ी रख कर रहे थे, आपने देखा ही नहीं। अरे सॉरी यार, फिर वो काम डाउन वाला स्टेप में ना ऐसे वीडियो सामने चल रहा था और उसके स्टेप्स कॉपी कर रहा था, जो ही एथराइटिस का पेशेंट दिखाऊं ना मैं कसम से, बाप रे, ले दे के जोड़ ही ले मेरे। अच्छा अच्छा मैं अलग फील्ड में आया, बॉटल देख के। अरे यार मलिक भाई, मलिक आपसे तो कुछ छुपाना है, मेरे पास कोई गन नहीं है, बस एक इंजेक्शन है मेरे पास, आओ गाइस नशे करें जरा। क्या है देवा, मार दे ना ब्रो। हां वो स्कूल के पीछे चले गए, स्कूल के पीछे। हेलो जी, नचाए तो नाचोगे हम, यहां पे गाड़ी खड़ी है भाई, गाइस बग्गी आ गई, गन पड़ी है, आ जाओ, बग्गी आई, बग्गी आई, बग्गी आई साइड में, गन ले लो, कहां आ रहा मैं गन लेने, मेरे साइड, इन दोनों के साइड। God 69 is life, ठीक है, होगा। अरे देवा क्या चुराया, कोई नहीं अपना, हेला लेना चाहे तो हमें मुंह पर मना कर दिया, देख रहा हूँ जूस भाई, गाइस रेड होती है तब डांस करते हैं, और एक एक दो बार कर लिए ना डांस, और कितना कितना डांस करते बताओ, मेरी रिक्वेस्ट नहीं माने मैं, बाय बाय। अरे इधर लूट लो, इधर लूट लो, बोलना बोलना, और एक गाड़ी आ गई, तुम्हारे पास गाड़ी आ रही गाइस, तुम्हारे पास नहीं, माँ की मेरे पास ही आ गई, इधर पत्थर के पीछे। हेलमेट वेस भी तो ना है ना, अरे यार एक गोली मार के किल किया, अरे क्या बात है, मैं कितना डैमेज दे रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। मैं पहले नेट पुल कर लिया, नेट कैंसिल करने का बटन नहीं मिला, नहीं तो आराम। हाँ मुझे भी नहीं मिला, पता नहीं कहाँ पे नेट वाला। अरे स्किन क्यों नहीं लग रही, व्हाट द फक, वो वहीं पे ही है कैंसिल का। अरे पेट्रोल नहीं है इसमें यार, के वगैरह रखी है, चलो ना अपना गाड़ी, तो रुको गाइस, ऐसे तो ना छोड़ेंगे, चैट भी इग्नोर की जा रही है, देख रहा हूं मैं। हां भाई हम भी कर रहे हैं रेड आप पे, अब करो हाजिर। अरे 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 ऐसे थोड़ी होता है, तुम तो अलग ही फील में आ जा रहे हो भाई, पूरा लिटरली नहा लिया हूं। लैम्बोर्गिनी आई गेस नहीं था, लूटे का बंदे ही नहीं बचे। अरे रिफ्यूलिंग रिफ्यूलिंग, क्या बड़ा जोन है, तीन लोग कैसे ढूंढेंगे पता नहीं, नेट कर लेंगे। इतना इसको ढूंढा के बचा बचा के लेके आए अपन, नेट कर लेंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, इतने बचा बचा के, थैंक यू गाइस। बॉट्स को हाथ से मारते मारते कुछ शहीद होने वाला था। हाँ ये तो बात हो रही है, देखा नहीं है स्टार्टिंग में क्या हुआ। हाँ दीक्षा जी सही बोल रहे लोग कि मस्ती कर रहे बस,
ये दोनों तो झूठे हैं। नहीं सही में ये तो नॉग को क्या था वर्ड से कौन देवा ये वाइट वाला देवा शर्म S23 अल्ट्रा और आरओजी लेके खेल रहे लोग बॉट से नॉक हो रहे हैं। अरे 1v3 किया था रात में चिकन लेके आया था चिकन डीएम नहीं वो तो नहीं देखे भैया आई एम सॉरी कहां मार रहे मार्क भी नहीं आ रहा है गाड़ियां फोर पर हे भगवान ये लो दो दो लोग ने शूट किया दो लोग हैं एक मिनट गाइस आप पढ़ो हो गया खत्म एक लास्ट होगा बस मुझे याद है जब पहले हम लोग क्लासिक खेलते क्या, थे ना एक सेकंड मैं किसको रिवाइव अरे बहुत प्रो हो गया ये बहुत ही ज्यादा अरे इनसे अच्छा एक जन्ना देखा मैं जॉनथन कैप्टन के नाम से जा 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 देवा जा मार दिया मुझे रिवाइव कर देना तो एक्चुअली कहां पे है फिर मैं दौड़ रहा था जैसे मैं रिवाइव भाई स्मोक है मार दे बहुत मारा थैंक यू सो मच जी जी भाई यार क्या टटकी चिकन थे दोनों ही एकदम घटिया से थे साल हो गया भाई ट्वर्क बोलते हुए वो तो कभी भी नहीं करूंगा अब तक नहीं करा वो करूंगा ही नहीं मैं हमें कुछ भी नहीं पता या तो दीक्षा जी को गाना गाने के लिए बोलो हाँ हाँ यही तो करना है आइए ना वो बेचारी ऑफ स्ट्रीम खेलने आई है फिर भी गाना गवा रहे हैं बार बार भाई मान लो कि देवा भाई मरने वाले हो उनको बचाने के लिए डॉक्टर आपको ऑन स्ट्रीम ट्वर्क करने को बोले नहीं तो देवा भाई डेड फिर भी नहीं करोगे सबसे पहले तो कौन है ये डॉक्टर जिसको ऑन स्ट्रीम टूर देखना है मेरा रियल लाइफ में भी नहीं ऑन स्ट्रीम देखना है डॉक्टर मैं नहीं एक्सपर्ट हूं मुझे खुद का टूर देखना है या फिर आपा नाच शो निंजा हथौड़ी पे या भी दो दो की वाचिंग में मैं निंजा हथौड़ी पे नाचूं गौरव भाई शर्म वरम है कुछ आपको कुछ बोलने के पहले ऐसा जीभ लपलपाई थी नहीं क्या आपकी यार अभी तो डेढ़ ही घंटा हुआ है मेरी बैटरी रोने से कुछ तो लगी है चल आ जा क्या खेलेंगे बताओ कुछ चेंज कर दो मैप अब बोर हो गया लीडर कुछ चेंज कर दो दीक्षा जी कुछ और लगा दो दिया इनको मत दो उनका रैंक नहीं देख रहे तुम लोग क्या ही लॉबी आई इसलिए तो मेरा तो देखना भी मत रियल जी भाई ये इंडिया में ये जी टॉप जी ये सब नहीं चलता यहाँ पे लोगों को जी बोलो तो बस एक ही चीज समझते वो लोग समझ रहे हो पार्ले जी यस भाई अरे नूसा भाई जो अटकेगा ना अरे क्या ही कमर में हाथ रखा है मैंने एक्स ने ओहो अरे मैंने गलती से कमर में अटका दी क्या ये मेरे को वो दिन की याद दिला रहा है जब बचपन में ऐसे कमर में हाथ रखते थे फोटो खिंचाते थे मैं तो पहले यही सेंटर दिख ये थोड़ा हेला जी के पास चलो और उनसे बोलते हैं रेड करवाने के लिए केक मार देंगे तुमको केक खा के आओगे अभी तो क्यों रेड अभी लिटरली कम से कम एक आध हफ्ते तो रुक के और करते हैं लोग रेड कम से कम वो भी ज्यादा कम ही बोल रहा हूँ मैं इससे ज्यादा ही रुकते हैं बस करो यार कुछ तो रैम खाओ आज तो दो तीन बार डांस कर दिया यार और कितना कराओगे मुझसे डांस ऐसे थोड़ी होता है अरे आज यहाँ कोई कूदा कैसे नहीं यहाँ तो भीड़ भीड़ होती थी वही मैं भी सोच रहा हूँ यहाँ बंदे नीचे आ जाए चलो आप डॉक्टर को जी पे
जा भाई के वहां क्या लैग कर रहा है यार गेट होने के बाद मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कहीं से तो शॉट आ रहे मेरे ऊपर मेरे ऊपर बंदे ऊपर नीचे सब जगह बंदे आ गए रुको गाइस मामला गंभीर सा हो गया अभी रीड करता हूं मैं चल रहा हूं मार रहा हूं ओ फ्री किल अब नीचे से पड़ गई मुझे मैं नीचे से पड़ गया हम रिकॉर्ड करेंगे एमो नहीं है 7 की एमो है क्या आपके पास मेन बिल्डिंग में बंदे हां मैं हो रहा हूं इसको मेरे को रिवाइव कर देना जरा अरे यार ये गेट उल्टे साइड क्यों ओपन आ रहा हीलिंग है आपके पास नहीं हां 150 में ऊपर बंदे हैं अपने दो तीन बंदे ऑलरेडी फंडा चल रहा है इधर गाड़ी आई अरे किल चोरी कर लिया मेरा कुत्ता मेरे ऊपर भी गाड़ी आ गई मैं इसको देख रहा हूँ तू उधर देख ले उसने ही मार दिया ठीक है यार एक ही था वहाँ पे नहीं दो उधर थे मैं भी चलूंगा अरे कहीं मत जाना गाइस क्या यार तुम लोग होगा समझो यार गाइस ऐसी हरकतें नहीं करते भाई मेरी कसम मत खा मैं ये सब मत करना जाके क्यों बच्चा फिलिप कोई रेड कर रहा है कोई हेल्प कर रहा है तो तुम यार ये पड़ जाओ थैंक यू निकलो कसम कसम भी चलती है क्या यहां पे पता नहीं मैं ट्राई कर रहा था बंदा उतरा हमारे ऊपर बहुत देर तो हो गया अरे साइड से आ जा भाई कहां से सेफ हूं मैं सेफ हूं फिनिक्स अंदर से ही आजा घर के चारों तरफ से गोलियां चल रही है क्या बचा भाई मेरे ऊपर भी बंदा है मतलब मेरे ऊपर मैं क्या कर रहा है पहले रिवाइव तीसरा नॉक है क्या हेल्प से जा रहा था भाई आधा हो गया जो लोग बंदे हैं मेरे पास फिनिक्स तू चले जा उनके पास चले जा भाई हेल्थ नहीं है अरे हेल्थ नहीं है नहीं ठीक है मेरे रिकॉल भी है अरे यार शायद थैंक यू हेल्थ नहीं है सॉरी आपका बदला ले लिया मैंने रिक्शा जी लगा ले वो लोग डर वर गए हैं बोले अगली बार ऐसा कुछ नहीं करेंगे चिल्ला दिया टेंशन नहीं ठीक है अच्छा ऐसा नहीं चाहिए पेन किलर है फर्स्ट एड नहीं था बस पर बदला मेरे को ऐसे चाहिए ना कि आप लोग उसको मारो तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी गांधी जी ने सिखाया था आत्मा भटकती रहेगी गांधी जी ने सिखाया था सामने वाला एक नॉक निकाले तो उसे दूसरा फ्री में दे दो ऐसा कुछ ऐसे सिखाया था हाँ चलो आप डॉक्टर को जीपे करने के बाद भी उसकी फीस नहीं दे पा रहे और वो ट्वर्क करने को कह रहा आप बताओ करोगे ऑन स्ट्रीम ट्वर्क सॉरी इतना भी अच्छा दोस्त ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे देवा अगर तू हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर बोल रहा है कि ऑन स्ट्रीम ट्वर्क करो नहीं तो इलाज नहीं होगा तो आप ट्वर्क करोगे कि नहीं तो इसका एक ही आंसर है मेरे पास कॉलेज वाली कहानी सुना दे कॉलेज वाली कौन सी कहानी भाई ये कॉलेज में मेरे को जबरदस्ती ये तो आप उसी से मर रहे तो अंदर आने दो शिट कुछ नहीं तुमने कुछ नहीं देखा मुंह के सामने से कुछ भी चला गया भाई एक भी हमने देख ली कुछ नहीं था ये कुछ भी नहीं था ऐसे मत जाओ मैं तो बस चेक कर रहा था फिनिक्स तेरे लिए मैं निकाला था हेल्थ किट उसमें हां कॉलेज की कौन सी कहानी बोल रहा था देवा तू
हाँ वो तुम लोग को कॉलेज से बाहर जाना था तो मेरा एक्सीडेंट करा दिए थे जरा। हाँ हाँ हम लोग को कॉलेज से बंक मारना था तो हमने बोल दिया कि ये देवा का एक्सीडेंट हो गया है और रोड में पड़ा हुआ ही है और किसी और को उठाने भी नहीं दे रहा, जब तक हम लोग नहीं जाएंगे तब तक रोड में ही लेटा रहेगा, तो हम लोग जा रहे हैं ऐसा कर। अरे यार मैं क्यों, मैं क्यों, एक एक दो दो लोग हैं ये लोग। अरे यार अरे बहुत लोग हैं, गन स्विच की मां का साकी नाका है, गॉड डैम इट। यही था, यही था मेरे को मारने वाला। अरे फिनिक्स भी गया, हो गया हो गया, खत्म सब, सब खत्म, गन चाहिए 1v3 करना है यार। एक तो लैग इतना हो रहा है, हेड में जा ही नहीं रही थी एमो, पूरा हेड ट्रेस करने की ट्राई कर रहा हूं, पूरी दीवारों में गोलियां चल रही हैं, बताओ। दुनिया में सिर्फ हेला जी ही हैं रेड के लिए, अभी किसी भी स्ट्रीमर को मना के रेड लेके आ जाऊंगा फिर देखना। चैलेंज कर रहे हो, डरता नहीं हूं मैं, जाओ ले आओ रेड, क्या मतलब मेरा ही फायदा होगा, मतलब ले आओ, डरता नहीं हूं मैं, जाओ जीज भाई मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं भी चलूंगा गेट कीपर। हां भाई अभी एक, हाँ भाई एकता कपूर को ये स्टोरी बताता हूँ, तुम्हारा भी एक सीरियल बनवा देता हूँ। गेट कीपर नहीं था भाई, वो क्लास की टीचर को बोले थे, हमारा दोस्त रोड में पड़ा हुआ एक्सीडेंट हो गया, जब तक हम लोग नहीं जाएंगे तब तक रोड से उठेगा भी नहीं, बाकी सबकी हेल्प मना करते जा रहे हैं, एम्बुलेंस वालों को लात मार के भगा दिया उसने। मेनियक्स भाई आपसे कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा, सारा मूड खराब कर दिया। कोई नहीं भाई, मैं आपका आपका मूड बनाने के लिए थोड़ी नाचूंगा, समझ रहे हो, ऐसे लोगों का नाम कुछ और हो जाता है। अरे एक ही बन जाता है ये। रेश भाई वेलकम, ये दो जूस ब्रो की हाल। अगर मैं तुम्हारा मूड बन, देखो नॉर्मली मैं एक बार फिर भी नाच लेता, पर तुम्हारा मूड बनाने के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं नाचूंगा, समझ रहे हो। रेश भाई यार देखो ना यार, लाइट वाइट गोल हो गई है, फोन हीट हो जा रहा है, खेल ही नहीं पा रहा मैं। 2-3 करोड़ रुपए मेरे मुंह पे फेंक के दो, बगल में पावर प्लांट खुलवाता। रेज भाई बढ़िया, तुसी दसो की हाल, मैं टिश्यू पड़ रहा था, टिश्यू दसो, नॉर्मली नाचो। नहीं इसमें, इसमें अगर रेंगल खेले तो यार लिविक, ये बहुत नया मैप है यार, एकदम ही चलो लिविक लगा ले, काम करो लिविक में पावर प्लांट। नहीं कोई दिक्कत, आप भी तो आप भी इधर ही वाले, दीक्षा जी बिग फैन, अंशुल जी वेलकम टू द स्ट्रीम, इले चुमे मेरे भाई कैसे हो, दीक्षा जी आपके फैन है क्या, कौन है अंशुल, अंशुल यस, क्या बात है, मैं भी ठीक हूँ, ओके प्रो ठीक तो ना हो रेश भाई, क्या क्या बोल रहे थे, हालांकि स्ट्रीम पे कितना गुस्सा करती थी, ऐसे बाल गुजल कर दिए, मैं ऐसा इमेजिन कर लिया, इतनी हंसी आ रही थी मेरे को, मैं खाना खा रहा था, मेरे घर वाले मेरे को ऐसे मुड़ के देखते थे, क्या हुआ इस पागल मानुस को, यार क्यों रहते कसके, जब मैं स्ट्रीम स्टार्ट करूंगा तब मैं भी नाच दूंगा। हाँ तो जब चालू होगा तब का तब देखेंगे, अभी तो नहीं नाच रहा मैं, अब तो नाचने पर इतने नखरे कर रहे झंडे झंडे, अरे नाचना रेड में होता गाइस, ऐसे थोड़ी नाचता रहूंगा मैं, तो दिन भर नाचता ही रह जाऊंगा, बीजेएमआई चैनल बंद करके डांसिंग चैनल खोल लेते फिर अपन, बोलोगे तो नहीं है ना। By the way, डांसिंग से पता नहीं है क्यों याद आया मुझे कि एक दिन मैं जिम में एक्सरसाइज कर रहा था बड़ी करके, तो उधर ना काफी लोग कंप्लेन कर रहे थे कि तुम लोग बड़े दिन से एक एक के गाने बजा रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, तो इन लोग को इनके क्या सनकी दिमाग में तो आया कि गाने चेंज करते हैं, तो इन्होंने गाने चेंज कर दिए, ठीक है अभी क्या गाना चेंज किया वो नहीं बताया, वो नहीं बता रहा हूँ, तो उस दिन ना लेग वाली एक्सरसाइज चल रही, ठीक है उधर लेग वाली एक्सरसाइजेस कर रहा था मैं, और लेग मतलब एकदम किलर एक्सरसाइज चल रही है, कॉम्पिटिशन के बीच में था मैं, तो मेरा ट्रेनर एकदम 3 सेट के बाद लास्ट वाला जो सेट है उसमें ड्रॉप सेट दे रहा है, मतलब समझ रहे हो, जैसे जितना भी आप वेट किए
10 का रैप मारे फिर वो वेट कम कर देगा, फिर वो बोलेगा कि इसके और 10 मारो, फिर और वेट कम करेगा, फिर और 10 मारो, ऐसे करके मतलब हद ही पार उसने ज्यादा करा रहा है एक्सरसाइज। ठीक है, मैं अंदर ही अंदर सोच रहा हूँ भाई नर्क है, यही नर्क है, यही नर्क होता है, और एकदम ले दे के वेट उठा रहा हूँ, ले दे के, और इतने में पीछे से वो कॉफिन डांस वाला गाना बजता है, टै 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 टै, तुम्हारी माँ का जागी ना कर सालो पागल हो गए। ये टाइम हुआ कोई वो वाली मशीन होती है ना जिसमें आप ऐसे लेटे हो तो और पैर से ऐसे वेट को ऊपर ढकेलते हो, तो वेट बेसिकली आपके ऊपर होता है, आपने बगलोली मचाई वेट आपके ऊपर गिरेगा, उस टाइम पर टै 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 बजा रहे हैं तुम्हारी भैंस की आँख। बहुत बन गए, बहुत बन गए, बहुत बन गए। बताओ कॉफिन डांस कोई वो चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है जीस भाई, पर्सनल होने की क्या जरूरत है, डांसिंग चैनल फ्लॉप हो जाएगा। डिसाइड कर लो भाई, ये फ्लॉप होगा मोनेटाइज होगा क्या होगा बताओ। अरे मैंने नॉक दिया एक, अरे यार जैसे ही एम खोला वैसे ही भाग गया वो। बाहर मत रहना मेनियक, अपने बिल्डिंग में भी है। क्या बात है, साउंड आया था। जरा क्लियर कर ले पहले उस साइड, लिंक से है क्या? मैप के नाम से नहीं पता मुझे। हीलिंग हीलिंग, अच्छा क्या पांच बैंडेज है मेरे पास, मेरे पास एनर्जी ड्रिंक है, रहने दो फिर मेरे पास भी। ऊपर टॉप पे बंदा आ गया, दो बंदे। आजा फिनिक्स, साइड तो नहीं है। अबे कहां से मार रहा है, अंदर उतर रहा है, बैठना तू साइड पर जरा। नेड आएगा मरेंगे, यहां मत इकट्ठे हो जाओ यार, टीममेट ही ना शेड़िया भाई। अरे आगे लो, हटी ना रे उधर से, वो बोल रहा है हट जा, खुद ही साइड हट रहा है, मैं कहां है साइड बताओ भाई। अब दीक्षा नहीं, मैं भाग जाऊं क्या? नेक्स्ट भाई कल कटिंग करवाने जाऊंगा पैसे वे तो भाग जाओ, भाग जाओ, ये लोग आ गए। अरे मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ, शर्म वरम आ रही है भाई तुमको, लेग प्रेस तो क्या वो भाई, लेग प्रेस दीक्षा जी मरना तो वैसे भी है के जैसे मैचिंग पीछे से भी पड़ेगी, पहन रखा है नहीं भाई उनका ज्यादा महंगा वाला बैग। अरे अरे फिनिश करने के चक्कर में नहीं पड़ते तो दो नॉक हो जाते क्योंकि मार। अरे यार कितना एचपी बचा है इसका, वो एक एचपी बचा है लिटरली, एक एक गुस्सा क्यों रहा है भाई, वो अलग है बैग वैसा सेम सना है, ये इतना नशेड़ी है पता है क्या बोलता मेरे को फिनिक्स, मैं रिवाइव कर रहा हूँ बोलता साइड हो जा गोली पड़ेगी, आप बोलते सही बात है, बोला चल तू साइड हट, तब तो मैं साइड हटूंगा, कहाँ साइड हट जाऊँ खुद ही नहीं हट रहा है, उसके बाद ले दे के रिवाइव और डैमेज खा के तो पीछे से देवा आ गया ये गाइस। उधर एक नेड आता सब मर जाते, मेरे को भी रिवाइव करो प्लीज। शिट पानी गिर गया, ऐसा स्कूल में होता था कि तुमसे कैसे पानी पीते पीते से पैंट में पानी गिर जाता तो सब लोग छुड़ा देते, पैंट गिली कर दिया, पैंट गिली कर दिया, ऐसा हुआ है क्या तुम्हारे साथ कभी? गर्मी तो है बे, हट गई गर्मी से। दीक्षा जी येलो दिल या दो दिल, येलो दिल, येलो दिल क्या होता है गाइस? पता नहीं येलो दिल का क्या होता है, लाल दिल भी बना दिए। ठीक है भाई, किसने? गौरव ने, और कौन बनाएगा बताओ? पिंक दिल भी बना दिए, अच्छा जी
एलजीबीटी का झंडा बना ले, काम करो तुम इधर ही। ऑरेंज ठीक है। मार्क द लोकेशन। पावर प्लांट, पावर प्लांट कहां? जल्दी पावर प्लांट, पावर प्लांट। खुदा 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 खुदा। अरे झंडे ठीक, आई मीन दिल भाई, बहुत लड़ाई होगी, बहुत ज्यादा लड़ाई होगी। क्या ये रैंक्ड है? अनरैंक्ड है? अरे माधुरी दीक्षित, मैं नहीं खेल रहा। नाइस, एक उधर वाली खिड़की में। हो गया। ये कर ले, ये कर ले। वाह! मुझे उठा के ऊपर उसने प्रस्तुत कर दिया एनिमी को। क्या लोग है रे बाबा। अपना तो दीदी मान है नहीं कुछ, कितने भी केडी की हालत खराब से खराब किए जा रहे अपन। बेचारी दीक्षा का भी रैंक खराब करवा दिया। दीक्षा इज लाइक मैं आऊंगी नहीं, कल से आऊंगी ही नहीं। वो छत पे खड़ा था बैग साथ। ये मैं बताऊं क्या किया, सुनो सुनो। मैं कवर के पीछे आराम से था, ठीक है फिर उठा दिया। सुनना, मैं आराम से था पीछे, बिल्कुल नहीं दिख रहा था मैं, और ये भी नहीं दिख रहा था। इसने मुझे उठा लिया भाई, समझ रहे हो? वैसे खिड़की से दिखा दिया, हाँ देखो ये रहा मेरा लौंडा, उन्होंने वहां से स्प्रे देके मारा है मेरे को। शर्म ही ना रह गई, शर्म ही ना रह गई। बस 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 कर दो, बस कर दो। बारह भाई दीक्षा जी ने बोला बस, मतलब बस यार। ये तो एकदम और तो नेक्स्ट को बुलाना, उसे बोल हो गया, उसको बुला रहे हो। चलो ठीक है, मेरी बैटरी बस 15% है। अरे इसका तो वही नहीं, लाइट ही नहीं आई अभी तक। तो पूछता हूँ डीसी में, पूछ लेता हूँ जाके डीसी। अरे यहीं के ही बुला लेना। अबे यहाँ कैसे बुला लूँ, नंबर थोड़ी है, फोन कैसे कर लूंगा। अरे मत, मतलब इन गेम है ना वो। अच्छा इन गेम है क्या? 3v4 में बैठी हुई है। रीसेंट में 3v8 में बैठी है। तो तू अकेले निकल जा, चलो ठीक है गाइस, तुम लोग खेलो फिर। बाय, टेक केयर। अरे क्या, अच्छा वहां जाके तुम लोग को बुलाऊं? क्या कहना, क्या चाहता है बता दे। कुछ नहीं, छोड़ तू रहने दे। बताना नहीं, बाहर आओ, पहले बाहर आओ, बाहर आओ। बोला निकल जा। हां बोल, अभी बोल। अरे कुछ नहीं, मैं ऐसा बोल रहा था कि तू अकेले जा, उसको बोल अगर वो खेल रही हो तो इधर आ जाए अपने स्पॉट। अच्छा रुक, पूछ क्या था, पूछ क्या था, पहले बुलाए तब तो। वाह, पहले ही आ गए इनवाइट, नाइस रे। हेलो। अरे यार ये गुस्सा हो गया यार, ये माइक ही नहीं बोल रही, बोल ही नहीं रहे। निक क्या माइक बंद कर ली? नाट झूठ, झूठ है तुम्हारी आवाज से, बता दिया गोकू भाई झूठ बोल रहे तुम। मैंने यार एक मिनट क्या मतलब कि अब मैं अपनी आवाज बदल लूं सिचुएशन के हिसाब से? समझ गया, मैं तुरंत समझ गया। हां बोलो बोलो, नेक्स्ट क्या हो गया? जीजी यू जीजी बताओ हुआ क्या, सही में नाराज हो गए? कुछ नहीं, याद आ रही थी। तू मत घुमा कर रहे गोकू भाई, इसके साथ मत घुमा कर रहे, तू बिगड़ जाएगा। अरे लिटरली यार, इसने ना मेरे को लग रहा है ए ओ गांजा गांजा भाई। मेरे यहाँ भी लाइट चली गई, इतनी गर्मी लग रही है, बिना एसी के बैठा हूँ। आंख की आंख, अच्छा तुम्हारे साथ पहली बार हो रहा है क्या ऐसा? हाँ भाई, ग्रेस ऑफ गॉड यहाँ पे लाइट है, बहुत कम जाती है लाइट इधर। किसी ने नजर लगा दी कि इसके घर में लाइट क्यों है इतनी देर से, ऐसा कोई तो है इधर अपने लॉक में। जी जी, अरे स्ट्रीम पे कौन है ये बताओ? लाइट नहीं जाती। मैं हूं स्ट्रीम पे हूं मैं। जी जी हां बोलो बोलो,
जी अरे यार पागल सी हो गई है लड़की। मेरे को पता नहीं था कि तुम किसके साथ खड़ी हो, तो मैं पूछने आया था कि खेलने वेलने आओगी क्या, पर आई थिंक अभी तुमने नशे किए हुए हैं तो तुम इधर ही रुको कर। मैं चाहता तुम्हें बुलाया खेलने के लिए, क्या मतलब आप छोड़ के जाओगे? नहीं नहीं मेरे पास खुद ही उतनी बैटरी नहीं है, 15% ही है वैसे भी रूम की। जी तो हमें ही खेलना है। रुको तो मेरे को बोलने तो दो। हेलो हेलो कोई नहीं तुम खेलो। क्या 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 हो गया क्या निक्स भाई इसमें ना? बोलने तो दो नल्लो। चलो ठीक है बोलो। मैं कह रही अरे अब बोल भी दो। जी जी इसने नशे वशे कर लिए यार, ये नहीं खेल रही। या तो रूम खेलते हैं, मेरी भी 15% से नीचे बची है बैटरी। ए तुम चुप रहो ना, दो मिनट चुप रहो। रूम खेलेगा? खेल रहे थे अब अच्छा वाला। ए फिनिक्स का रूम खेल सकते हैं। हां रूम खेलते हैं। 3v3 कर 3v3 यस। मेरे को पीटना चाह रहे हो। चलो स्टार्ट टीम बताओ। अपने पास रूम है टीम बताओ। मेरे को पूरी तरह इग्नोर करते हैं तो जी करे जा रही हूं। क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? यू नूब सी बेटी सी बी सीजीजी कुछ नहीं। आई वाज जस्ट सेइंग आई वाज मिसिंग यू ना। अजी कद्दू कोडिंग कहां से चलने लग गई भाई? टीम बताओ। देवा तेरे पास रूम कार्ड है क्या? अरे रूम कार्ड तो जुगाड़ करने दो पहले। मुझे लगा गोकू भाई भांग पिला दिए। क्या वन यूज है? व्हाट आर यू 4-5 अरे भांग ने इसको देसी पिला दी है। एक तो लीडर भी यही है ना, इसको किक भी तो नहीं मार सकते, नहीं तो किक मार के भगा के पहले रूम का सीन कर लेते हैं। सुन नहीं ना दे रही। अच्छा मैं चुप। वो वन डे अनलिमिटेड वाला है, वन यूज वाला नहीं है। तेरे पे है वन यूज फिनिक्स? नहीं वन यूज तो मुझे लग रहा है गोकू भाई भांग पिला दिए। 3.2 आओ। मेरा मन नहीं लग रहा था आपके बिना। देख रहे हो दीक्षा जी कैसे हो, आपका इंतजार कर रहा था। मन नहीं लग रहा था आपके बिना। अब बताओ गौरव भाई किधर लाइन फेंक फेंक के मारने आपको गोकू? देखो मेरी फिनिक्स भाई है क्या? ये तुम इसको बुलाए भाई तो हम सीन देखते वीडियो के गंजा गंजा खेल रहे थे। मैं भी वही सोच रहा हूँ। ए फिनिक्स मिनिक्स हाँ भाई नहीं है नहीं है। अच्छा नहीं है क्या? क्या करना है? मैं भी वही कह रही थी। क्या जो गौरव ने कहा? क्या कब से इंतजार कर रही थी? ए रे बाबा। चलो गाइस जा रहा हूँ मैं यहाँ से। इसने कुछ तो नशे किए ही। चल अपन चलते हैं काम करते। चल भाई मुझे भी ले चल। मेनेक्स भाई हाँ सस्ते नशे प्रूव्ड। सस्ते नशे भी नहीं है भाई, ये चोरी के नशे लग रहे हैं मुझे। क्या करना देवा, वन यूज बना ले क्या? आई मीन वन डे वाला बना ले क्या? कल आएगा तो अपन फिर रूम ही रूम। अरे नहीं अरे क्यों वेस्ट करना अभी क्या खेल रहे? अरे मेरा आ गया शॉप में। नाइस रे वन यूज आ गया। चलो मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रहा था। पता है क्यों? क्योंकि जो मेरी M4 है ना उसमें जंग सा लग रहा था। जरा तुम्हारे सिर पे गोलियां चलाऊंगा ना तो दिल को सुकून सा मिलेगा। चलो आ जाओ। टीम बताओ क्या मतलब प्रॉप नाइट खेलने का मन कर रहा था। मैं फिनिक्स देवा नेक्स्ट गोकू दादी गोकू भाई अकेला बहुत हूँ वैसे तो ठीक है। अकेला बहुत हो गया ठीक है गोकू। मैं फिनिक्स और देवा निक्स स्पेक्टेट करेगी और अकेला ये ठीक है। अरे मैं मजाक कर रहा था हम तीन खेल लेंगे ठीक है। निक्स टीम ठीक है ना? मैनियक्स क्या मैं तुमको कैसे मार सकती हूँ यार? अब भी मारना मत। चलो आ रहा बना रहा हूँ ठीक है। ये जो भाई रिक्वेस्ट डाल दियो वो कर लेना ना, एक्सेप्ट कर लेना। चलो हाँ ठीक है ठीक है।
एग्जिट ही ना दबरा दबा कुछ तो स्पेक नहीं टीम में लो। नहीं भाई कुछ नशे वशे करके आई है, मेरे को नहीं देना टीम में, मारूंगा इसे बस। पिटाई रिव्यू होगा इसका भी, खुद की स्ट्रीम इसकी बीच में बंद हो गई ना राइट के कारण, अब पगलाई जा रही है लड़की। आज ही के दिन दे दो भैया कीबोर्ड। I told you long ago on the road, I got what you're waiting for. अब ये मत बोलना मेरी लिस्ट फुल हो गई इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया। हमें हाँ कर लेता स्पेक नहीं टीम में लो, टीम में नहीं लेंगे गाइस अपन मारेंगे। वैसे तो बैटरी कम हो गई है, डिवाइस लैग वैग कर रही है, फिर आके ना वो करेगी नाचेगी ये मैं मारी ये मैं जी भी ऐसा वैसा करेगी, पक्का देख लेना पक्का 110%। जी जी ए यू जी जी कुत्ता स्ट्रीम बंद करके बैठी है। स्ट्रीम स्नाइप कर रही है रे बाबा। वैसे टीडीएम में क्या ही स्ट्रीम स्नाइप, इतना तेज तो होता है टीडीएम। चल देखो S23 अल्ट्रा की पावर वगैरह दिखा दे। लेफ्ट वाला गया। ओह भाई कौन था ये, निक्स ने मार दिया सेंटर में। अबे यहाँ कहाँ गोली चला रहा है? Reloading. भाई ये तो दो मेरे को कवर चाहिए। Clear. Cover me. यार पहले ही डैमेज दे दिया मुझे। लैग जो कर रहा है वो अलग कर, साक्षी तुसी नशे किए हो। मैं रुक जा, क्या लैग कर रहा है बाप रे। ये सब दिया तो सही काफी, लेफ्ट वाला लो है। अरे भाई कौन है मर भी जा। नाइस कवर जो भी था पीछे। शिट राइट में कितने? राइट में एक। 88 damage. Reloading. Low. हो गया भाई, लो है ये भाई मेरा बहुत अटक रहा है बहुत। मैं क्यों करता हूँ रूम, लाइट भी नहीं आ रही है। मेरा सुधाई मेरा मारो भाई, तीन के तीन ही धरे थे। कवर कवर निकल गया यहीं पे मेरे सामने। अरे नहीं, अरे यार, अरे मेरा नशा करो तुम्हें अच्छा लगे। अरे यार कमेंट रीड करने के चक्कर में पड़ गया। चलो गुड नाइट मेनेज भाई, मैं जा रहा, कल मिलते। ओके करो भाई। टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रिंक्स वगैरह। मार्क द लोकेशन। एकदम मन कर रहा है इनके बेस में घुस जाऊं मैं कसम से, पता है इधर से खेलने ही तो मन ही नहीं कर रहा मेरा। ये लैग इतना हो रहा है ना। अरे यार दो मुंह पे आ गए, पीछे से मार दे रहे हैं भाई। हट भाई यार कुछ कवर भाई, गाइस एक दूसरे को कवर अवर दे दो यार। हां करो check
अरे एक और था अब और लो भाई कितना खा रहे थे कितना खा रहे जा यार दो दो एक एक वो पता पूरी देर रुकी कि कब मैं लूंगा उसके बाद निकली वो चाहती तो अपने टीममेट को बचा सकती थी यार देवा मैं नहीं ये हो गया मेरे पीछे से आ गया मेरा गेम इतना लैग कर रहा है ना रीलोडिंग एक और उधर ही है पीछे मार देगा तो दूसरी एम4 उठा मैं लो अंगिल कर रहा आज मैं सात सात तक खेलूंगा क्या सात तक खेलूंगा मतलब समझा ना अरे यार लाइट चेक कर रहा था मारना नहीं यार ये लो है निक्स बड़ी मेरी हेल्प यार नहीं लो करके दिया ना गंदा हो गया ना हम सबके सब बहाना सोचो जल्दी जल्दी बहाना सोचो क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे कुछ बैटरी कम था क्या कम था बैटरी हाँ नहीं 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 समझ गया समझ गया अपना तो वन वन हुआ ही नहीं गोकू भाई हुआ क्या आप ही के सामने तो जिगल मारा था मैंने भाई मेरा फोन इतना अटक कर रहा था ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन है कौन नहीं बस यार मैं तुमको नहीं मार सकती ना हाँ हाँ नहीं मार सकती बोल के 15-15 किल कर दिए गले के अंदर गन घुसा के गोली चला दी बेशरम लड़की और मैंने देखा और मैंने नोटिस किया सबसे ज्यादा मैनियक्स को ही मारा है ना देखो निकल गई हंसी आ गई वो फेक क्यूट वाली टोन शैतानी हंसी निकल आई ना नहीं मार सकती यार तुम ये तो मैं क्यूट लगती है क्यूट बोले तो trying to be अरे cute. भाई लाशे रेज भाई थोड़ा देर सी नहीं हो गई लाशे लिखने के लिए अरे अब तो निकल गया मुंह से क्या अरे आपको नहीं बोल रहा मैं ऐसे लिख रहा हूं ऐसा पॉज नहीं लेने का भाई ये सब हरकतें करने के बाद मैं जा रहा हूं गाइस मैं जा रहा हूं अभी आया बस मैं आ जाओ आया मतलब स्ट्रीम पे आया लॉबी में आया कहाँ है ये भी बताओ नहीं तो पता ही है आपको ये बात भी ठीक है मेनेक्स क्या पता मेनेक्स भाई प्रदीप भाई वेलकम गिली चुम्मी हाँ मेनेक्स भाई बोलो ना भाई एक्सूट स्पॉन्सर करो ना एक्सूट तो ये एजे भाई स्पॉन्सर करेंगे पता है मैं जब भी जाता हूँ चलो ठीक है एजे भाई जितनी बार मैं लॉबी में इनके साथ खड़े हो ना उतनी बार बोलते हैं गिव अवे करूंगा कर दो अजय भाई आज भी गिव अवे कर ही दो आप हम लोग रेडी है अजय भाई आज मौका बढ़िया यार आज का तो आईडी नंबर बोलो यू सी डबल बनेंगे एजे 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 ये वो कहती मेरे से ना करियो और मैं कॉल पे था फिर आवाज ना आई एजे तो फिर क्या बक कहती बात कर रहा है एजे कौन सी बक कहती एजे किडनी का गिव अवे करना निचोड़ के करना भाई अंदर के दारू के अलग पैसे लेना इससे ही है तुम्हारी किडनी निचोड़ के नशे करके बैठ जाती है हेलो दादू ओपी अक्कू वेलकम वेलकम गाइस नहीं नहीं ऐसे बोलोगे संगति छोड़नी पड़ेगी इसकी मैं तब से बोल रहा हूँ भाई अजय भाई तब से बोल रहा हूँ कि तू मत घूमर कर इसके साथ तू मत घूमर ऐसे गंदे जोक्स मारने लग जाएगा तू सुनो ना नेक्स्ट किसके कुत्ते हैं ये भौंके पड़े हैं साला फिनिश क्यों नहीं हो रहा है देख देख आवाज मैच कर दे क्यूट क्यूट लग रही है ना दोनों की आवाजें ध्यान से सुनो अभी खालूगा क्या आ जाओ आ जाओ आ जाओ 88 खेल लेंगे आ जाओ बिना रूम बनाए फिनिक्स
कुत्तों को चुप कराओ ना, मैं मेनियक्स की आवाज नहीं सुन पा रही। कुत्तों को चुप करा देगा तो मैं कैसे बोलूंगा? ये मेरे कुत्ते सो रहे हैं ना। तो ये किसके कुत्ते भौंक रहे हैं? चुप कराओ। देखो खुद का रोस्ट किया तब हसीना ही नहीं थी, अब इसका रोस्ट कर देता तो फिर मिक्स लेजेंड प्लेयर यार। मेरी एक हेल्प कर दो, मेरी नेक्स्ट सब से हेल्प मांग रहा है ये अक्की को। हेलो अक्की, टीम को डालियो एक बार। कोई कौन है लीडर? कोई भी बना सकते हैं टीम को। अरे भाई क्या क्या मीम शेयर करते हैं यार। आ जाओ तो भेज दो, जल्दी आ जाओ प्लस आर्मी, बहुत कम सी बैटरी बची, जल्दी आओ 88 खेल लेंगे। दोस्त ठीक तो है ना? दोस्त ठीक नहीं भाई, नशे कर लिए उसने, कुछ तो नशे कर लिए रेज भाई। रेज हेलो, इतनी सस्ती क्यूट एक्टिंग मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। इसके 50 रुपए मेंबरशिप से 50 रुपए काट सकता तो काट लेता। जी जी क्या अमीन तू से, तुम जी जी, तुम जी जी, मैं जी जी, मानता है ये जी जी है, मैं जी 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 कुछ नहीं हूँ, I'm a good good guy guys, वो good guy। यार next please अपनी किडनी दे दो या यहाँ मैं खुद दूसरे से जुगाड़ रही हूँ। देखो अगर आप अगले 2 मिनट में नहीं आए hopeless army तो मैं गेम चालू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बैटरी बची सी ना है। अरे लाइट आ गई पूरी मुरी मैया, एसी चालू करके आया, एक सेकंड का तुझ मेरा बजी। भाई कौन क्या देख रहा है, ये क्या कर रहा है ये? साउंड अच्छा सा नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। मेरे को नोकिया 1100 लेना है नेक्स्ट की। अच्छा मेरी किडनी से 1100 ही लोगे, मतलब हद है यार। तुम जितने नशे करती हो तो ना है मेरी किडनी तुम्हारी, तुम जितने नशे करती हो ना सेंटर पर जो मिल जाए तुम्हारी किडनी के बदले तो खुशी खुशी ले ले यार। जीजी तुम आ गए, अरे जाओ जीजी तुम आ गए। चलो चालू कर रहे, यही लगा ले और एक एटवेट खेल लेता है इधर खड़े खड़े। जिसके कब किलोंगे वो गाने गाएगा, मंजूर है तो बताओ। नहीं चलो ठीक है मंजूर है, नहीं 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 मेरा लैग कर रहा, मैं नहीं मान रहा। ये जो मंजूर है चल 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 मेरे अलावा चलो चलो ठीक है। अच्छा प्रतीक होप्ले से होगा, चलो काफी हो गया, चलो जी। अरे प्रतीक का वो नहीं है, डाउनलोड नहीं है प्रतीक का, नहीं डाउनलोड। अरे तू एक बात बताओ नहीं, अरे भाई प्रतीक भाई आज क्या हुआ ऐसा कि तुमने अचानक से ये अजीब सी आवाज निकालने का डिसीजन लिया, मतलब क्या हुआ? शेर नहीं ना कर रही है। हाँ अपनी स्ट्रीम नहीं करती तो दूसरों की स्ट्रीम बर्बाद करने में मजा सा आता है इस लड़की को। नेक्स्ट ये पहली बार है क्या? नहीं ऑन स्ट्रीम, यस ऑन स्ट्रीम यस। हाँ सस्ते नशे के प्राइस कम हो गए हैं नेक्स्ट की किडनी के। अच्छा तुम नहीं थी किडनी से नशे करोगे अक्या को? भाई हार्डकोर निकला यार तुम तो। अक्की मजा नहीं आएगा भाई, इतनी सी तो किडनी है इसकी, ये खुद इतनी सी है उसके अंदर से इतनी सी किडनी निकलेगी, क्या ही फूकोगे तो? अगर मैं हार रहा कहना चाहता है मेरी किडनी नहीं देनी, अगर मैं हार रहा मैंने बात शेयर करता है पता है। अरे खुद सोचो 4.5 फुट इसकी हाइट है, टीम मैच लेट्स गो। 3 फुट भाई, 3 फुट कितनी ही किडनी, 3 फुट 5 पॉइंट फॉर द रेड टीम। किसके पीछे बैठे थे भाई? साले हरामी ग्रोजा लेके आते हैं बैठे के पीछे बैठो इस जवान करो के। क्या मतलब पहले पे कौन है ये जी भाई? ये 3 किल से बस माँ की आंख दौड़े ही जा रहा है। रिलोडिंग, साले मुझे ही मार रहा, दूसरा प्लेयर नहीं दिख रहा तुझे? अरे बस करो अल्लाह प्लेयर 4 नंबर बहुत बुरी है। अच्छा ये निक्सी है क्या? नहीं नहीं फिर ठीक है फिर तो एक्स्ट्रा बुरी है।
गोकू ऐसे बोलोगे? वैसे बोल देता हूँ, स्किल चोरी मत करो, बहुत दुख लगता है, मेहनत की कमाई है। अरे देख लो, या तो किल चोरी कर लो, फिर कानों में से खून निकल यार, गन अगर किल चोरी गन क्यों स्विच की मैंने, उसी गन से मार लेता। भाई कान के बगल से गोली निकाली इस प्रतीक को उसने मेरी। बुकलेट भाई ऐसा तो मत करो यार मेरे साथ। अर्ली डैमेज बोलते चूड़ियां आई। क्या हो गया नहीं, क्यूट आवाज किधर गई? अरे मैंने ट्रेन लेने बैस चला रहे। भाई साहब 8x लगा के M2 को कौन लेके आया यहां पे? मां की यहां 2x लगा के ग्रोजा में कौन घूमता है यार? तुमने उठाई क्यों है? मुझे लगा ग्रोजा टीटी में लेके कौन घूमता, मुझे लगा मजा आ जाएगा, मजा आया भी लेकिन सामने भैंसड़ी की येलो लाइन लेके आता है। ऐसे तो ना किल निकलेंगे, आगे जाना पड़ेगा। भाई गाना नहीं गाने के लिए जो ट्राई हार्ड कर तुरुं तुरुं तुरुं। भाई नंबर 6 यार कौन था? फिनिक्स मेरा किल बस खा लिया तूने। चलो किल तो ले लिया। नोकिया 1100 में बीजीएमआई खेलूंगा नेक्स्ट की तरह लेजेंड, फिर बनूंगा मैं एक दिन। क्या मतलब है, आप नोकिया में भी आईपैड से ज्यादा अच्छा खेल लोगे? मुझे तो कभी कभी लगता है निक कोशिश कर रही है इतना गंदा खेल, नहीं तो कोई इतना गंदा कैसे खेल सकता है? हाँ ना नहीं यार, सब मैं आपसे तो कैसे खेल सकती हूँ भाई? देखो मैं तो नहीं गा रहा था। फीनिक्स 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 ऐसा फिनिक्स है, मैं बच गया लास्ट पे के निकाल के। 15 पे 15 केडी भी सेम है असिस्ट लेकिन कम है ना निक्स, खोट है दिन निक्स के दिल में इसलिए। फिनिक्स है ना, फिनिक्स कहाँ है, ये प्रतीक बॉस है ना। अच्छा प्रतीक बॉस भी अपनी टीम में था? हाँ ना ठीक है। आवाज आ रही? आ रही आ रही आ रही बिल्कुल कड़क। खाना गाओ बस। प्रतीक भाई बहुत अच्छा ऐसा जादू डाला है तो। प्रतीक भाई गाना गाना पड़ेगा तो भाई। ये तो चीटिंग है यार, ऐसे चीटिंग होगी तो मैं गेम नहीं खेलूंगा। ओ भाई ये वाला गाना गाना पड़ेगा, रूल्स आर रूल्स। अरे वो गा दो ना इंशाल्लाह। नहीं नहीं वो उस गाने में लिटरली यही एक ही वर्ड है और कुछ है ही नहीं उस गाने में। ये अरे जादू 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 लेडी ऑडियंस भाई विद 6 गर्ल्स, असली मजा तो बुड्ढा ले रहा है। नेक्स्ट सॉन्ग सुनाओ तब कोई ना। नेक्स्ट से गाना सुनना है क्या? हाँ नेक्स्ट नई वाली आवाज में गाना गा दो, एक काम करो। अजी कद्दू नई वाली आवाज में गाओ ना। मैं क्या को गाऊं भैया? मैं सेकंड नंबर पे थी जस्ट, वो भी एक असिस्ट से। अरे मतलब वो कंपटीशन नहीं, उस कंपटीशन के बाहर नहीं गाऊंगे भैया। भैया भैया सुनो, हमारे एक एक बार कुछ अलग करने से कतई नहीं नहीं, एक बार कुछ अलग करने से बहुत गोबर हो गए ऑलरेडी, अभी और नहीं करना हमको। क्या कुछ अलग करने से गोबर हो गया? You know very well. और आज लिटरली लगातार, आज पता है लगातार वो क्या कहते हैं भैया आके, लखन भैया लगातार आके सबसे महंगी वाली मेंबरशिप लूंगा, मरफा करो मरफा करो। मैंने कहा भैया आप चाहे लौट लो मेरे सामने, मरफा तो नहीं कर रही मैं। पता फक सामने लौटा के मरफा ओपी बोलते हैं, लौट लो नहीं करूंगी। आ गया ओपी लगा आपको? अरे अरे पुशअप मत मारो ये जे भाई। अच्छा अच्छा मैं घंटा घंटा कुछ नहीं कर रही हूँ। अरे नई वाली आवाज में गाना गाओ ना। जेबीएम कर रहा ना? बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। तुम जो मेरी बेस्ट फ्रेंड बने थे ऋषिका, उस वाली आवाज में गाओ जरा। चलो दोनों गाएंगे तो गा लूंगा वो लड़की वाली आवाज में। नहीं 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 ऋषिका डुएट गाएगी, डुएट गाएगी। नी ए नीक्स में तेरी दोस्त नर रे डुएट गाएगी के नहीं, वो आवाज में भूल से गया।
मैं डुएट गाई की तेरे साथ गाती क्या गोकू के साथ गाओ डुएट गोकू लड़की की आवाज निकाल लियो जरा क्या मतलब गोकू की लड़की की आवाज निकाल कतई नहीं भाई मैं क्यों गा रहा हूं मैं तो ऊपर आया था प्रतीक बॉस भाई गा दो यार गाना क्या चला जाएगा तुम्हारा बताओ तो माइक धीरे से खोलो गा दो हम लोग किसी को नहीं बताएंगे एक जन मैं एक्स क्या मैं निकलता चल ठीक है बाय तो आप लोग नशे कंटिन्यू रखो मैं चलता है बाय टेक केयर निक्स जी एजे जी कोकू भाई बाय प्रतीक भाई गुड नाइट प्रतीक भाई गाना बाय कैसे चीज़ निक्स आज आप ही सरदार श्रद्धा कपूर बन जाओ आप ही नहीं भाई रहने दो रहने दो मेरे भाई बेचारी मर्फे से परेशान है एक तो अब 15 किल कर ली थी ना बिल्कुल ही निकालने वाली थी वो बिल्कुल ही नहीं पता नहीं यार मैं तो पूरे मैच भर लोगों को खोल रहा था फिर भी 15-15 कैसे निकाल लिए लोग किल आई हैव नो effing clue no clue केकू मेरे भाई सुनो ना एक बात आपके और मेरे बीच में ये निक्स अच्छा खेलती है क्या किसको मतलब उसके सामने नहीं बोलेंगे अच्छा खेलती भी होगी तो भी रेज भाई तुम आए ना यार तुम होते तो ये सब नहीं देखना पड़ता हमें मार वार लेते अपन समझ रहे हो तुम्हारे किल चोरी कर करके मैं और ज्यादा खेल ले आता मैं नाइट ट्रैवलिंग कर रहा हूँ ब्रो ओ मेरे भाई किधर जा रहे बस में बस ट्रेन किस में प्लेन में तो नहीं जा रहे होगे अब नहीं खा लोगा हाँ यार वो लास्ट गेम था यार अब गाना भी नहीं गाए प्रतीक भाई ऐसा थोड़ी होता है आप बिना मेरे ही चले गए अच्छा आप बता ही नहीं आप आ रहे हो रेश भाई बाय द वे सॉरी यार जरा मैं पता नहीं कैसे नहीं साउंड ऑन किया हमेशा चेक करता हूँ मैं या तो ऐड आया होगा इसलिए मैं बंद कर दिया पहले और फिर सॉरी यार सॉरी बिना गाने के क्या ही ब्लंडर करता हूँ मैं कसम से सॉरी मालिक कार में अबे यार कार का ट्रैवल सबसे हार्ड होता है अरे मजा आया चलो ठीक है झूठा दिलासा भी चलेगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी माँ क्या समझ रहा हूँ फुल स्लीव वगैरह पहन के आ गया मैं एकदम से थोड़ी सी लूज से है लेकिन फुल स्लीव है ये और लाइट गोल इतनी गर्मी क्या बताऊँ माँ की किरकिरी फोन भी बंद हो गया इतनी गर्मी थी जल्दी जल्दी हीट हो गया ना फोन वाज लाइक जा रहा है ओला ब्रदर कितनी देर चला फोन बताऊँ दो अरे हाँ दो ऑलमोस्ट उतनी देर चला पर इतना हीट ये क्या था कुछ तो था लीला पॉप ऐसा करके कुछ कमेंट तो हटा लिए अरे क्या होता है दिखा दो क्या लिखा था लीला पॉप ये वाले गाने में लॉलीपॉप पे डांस करवाना था हमें यार ऐसा थोड़ी होता है अलाजी यार आप तो मतलब मेरे घर वालों को पता नहीं है ना कि मैं ऐसे करता हूँ स्ट्रीमिंग गेमिंग थोड़ा बहुत पता है आइडिया है उनको गेम खेलता हूँ पर अगर किसी दिन उनने चैनल देखा मेरा और सबसे पहले ऐसे लॉलीपॉप में कमर मटका रहा हूँ मुझे तो डिसऑन कर देंगे वो लोग भाई ये मरफा अरफा ठीक है लुंगे डांस भी ठीक है आज भी पता नहीं कौन से डांस में शायद उन लोग को कॉपी करते करते गलती से ठुमका उमका निकल गया मेरा नहीं तो ठुमका भी नहीं मारता है जरा डर के रहना पड़ता है अभी माँ बाप के घर में रह रहा हो तो ये वाले आइटम सॉन्ग्स में मत नचवाओ प्लीज गर्मी इतनी हो गई दादू भाई हॉटी हो रहे है बीएल ठीक है भाई दादू तो अलग ही है मैं थोड़ी दादू मेरी गली में रहते कभी कभी घुस जाते स्ट्रीम रूम में आप लोग भी मिले ना रेज और हेला दादू से कभी दादू से मिलाता हूँ आप लोग को बहुत ही अजीब से कैरेक्टर है पर ठीक है मैं 9 माह हूँ और आप जॉब करते हो नर्वस हो गया अरे जॉब तो कोई भी कर लेता है चार पैसा कमाना क्या बड़ी बात है उस पर क्या नर्वस होता तुमका नहीं निकला रिलैक्स फिर ठीक है माचो बना हुआ है अभी भी मेरा जो भी ये होता है मुझे नहीं पता पर थैंक यू सो मच फॉर द रेड अगेन थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट
आज ये टी-शर्ट पहनने का बड़ा गलत है। सूरी हाँ सूरी, आप ही दादू और मेनियक्स और कोई है? अच्छा मैं दादू, मेनियक्स कोई और है, ठीक है कोलैब कर लेते हैं मेनियक्स के साथ। बहुत टैलेंटेड यू नो, काफी अच्छा दिखने वाला टैलेंटेड स्मार्ट सुशील देशभक्त लड़कियों का प्यारा ब्रैड पिट का कंपटीशन। और कोई तारीफ है क्या? मस्त चिकना ओपी लौंडा है मेनियक्स, उसके साथ करेंगे अपन लोग कोलैब, कोलैब करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली उसकी जरूरत है, अब इसके इसी के हिसाब से बाल सेट हो गए ना, इसको पहन ही रखते लाओ। ऐसे ही होता है मेरे साथ, ऐसे ही टोपी भी पहन लिया ना बाल खराब हो जाते, फिर टोपी पहने ही रखो, उतार दी तो फिर बेइज्जती हो जाती है। ये क्या पर्पल वाली हंसी है? क्या मतलब है आपको यकीन नहीं है? मैं नहीं हूँ मेनियक्स, मैंने देखा है उसका चैनल, अच्छा लड़का है, बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है। अरे बाप रे बाप, लड़कियां यू यू आ रही थी ऐसे बोलती मेनियक्स या मेरे गले में ऑटोग्राफ कर दो, ऐसा ऐसा बोला था। अब मैं जानता नहीं हूँ, आई जस्ट होप टू बी लाइक मेनियक्स। और क्या होता है मेनियक्स के साथ? और तो नहीं पता, ये सॉरी इतना ही देखा मैं। स्मार्टी लौंडा दादू, ठीक है भाई, सिर्फ लड़के ही क्यों बोलते हैं ये? ओके बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट होपलेस मेरे भाई। प्रतीक भाई गुड नाइट, आते रहिए, मस्त खेलेंगे कभी, ऐसे 8v8 खेलेंगे, रूम्स वगैरह भी खेल लेंगे कभी। क्लासिक में तो चलो रैंक में काफी ज्यादा डिफरेंस था अपने मेरे ख्याल से, जो भी हो पाए वो खेलते रहेंगे। अच्छा अभी समझा, ये पंखा चल रहा है ना, क्योंकि लाइट ऑफ थी तो मैंने पंखा चालू कर दिया था, इसलिए ऐसे बालों की। हाँ मैंने भी आज ही देखा वो चैनल, है ना, ब्रैड पिट को टक्कर तो दे ही देता है, क्या बोलते है कि नहीं? ऑनेस्टली एकदम ऑनेस्टली बताने का, बिल्कुल शर्माने की मत, मतलब एकदम ऑनेस्टली बोलने का। वो मेनियक्स दिल का बड़ा नाजुक सा है, रोएगा वो बिल्कुल नहीं, लेकिन साइड में जाके बाद में, तो आप खुल के ऑनेस्टली बोल सकते हो, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, छत वत से भी बिल्कुल नहीं कूदेगा। ओके दादू चलो, मैं चल हाँ हूँ भाई। हाँ भाई आप तो ट्रैवल कर रहे हो, तो चलोगे ही, चलते रहिए, टेक केयर, हैव अ सेफ जर्नी मेरे भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम, गिले चुम्मे आपको मेरी तरफ से, होपफुली जिधर भी जाओ आप जाओ उधर आपको मजा आया। मैं सोच रहा था कि लोग इधर उधर क्यों जाते हैं, आई वाज लाइक बहुत रीजन हो सकते हैं, मजा आया भाई आपको, मजा आया। ओवर हैंडसम है वो, हाँ हाँ एकदम ब्रैड पिट, कुछ नहीं, बस बस ऐसे ही झूठी तारीफ करते रहो, चलेगा मेरे को चलेगा, आई विल टेक इट। असली तारीफों से अब मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, झूठी ही कर दो ज्यादा अच्छा लगता है, लोग अच्छी तारीफ करते हुए बेइज्जती कर देते हैं। एक बार एक दिन, पता नहीं मैंने बताया कि नहीं, मैं अपनी कजन दीदी के घर में था एक बारी, तो वहाँ पे कुछ फंक्शन वगैरह चल रहा था, मतलब चालू नहीं हुआ था, एक रात पहले था वहाँ पे, तो तैयारी वगैरह चल रही, तो मैं था उधर ही, तो मेरी दीदी के दोस्त आई, मैंने ऐसे गेट खोला, सबसे पहले तो इतनी वियर्ड थी वो, मतलब मेरी दीदी मेरे से बड़ी, ऑब्वियसली दीदी है तो बड़ी होगी, कजन दीदी थी, तो भाई अभी तुम गेट खोलने जा रहे हो तो इट इज कॉमन अंडरस्टैंडिंग में क्या वैसे कटाओगे थोड़ा पीछे खड़े रहोगे। मैंने गेट खोला, अब वो लड़की गेट पे एकदम से चिपक खड़ी है, मैं ऐसे गेट खोल के ऐसे था कि कौन है बाहर टाइप से, मतलब ऐसा टकराया नहीं मैं, ऐसे गेट खोला वो एकदम यहाँ खड़ी हुई मेरे वैसे पीछे, हटा व्हाट द फक, ये क्या बकर है, ठीक है। मैं ऐसे पीछे हटा, फिर मैं ऐसे देखा, फिर मैं इधर उधर देखा, एंड आई वाज लाइक अब क्या पता, मैं भाग गया अंदर, मैं गया ये कौन है, मतलब मैं ऐसे छोटा नहीं था, मैं कॉलेज के लास्ट फर्स्ट ईयर में ही था, ऐसा ही दिखता था उस टाइम भी मैं, बस थोड़ा सा और पता नहीं कैसा दिखता था मेरे को नहीं पता, पर बड़ा हो चुका था मैं, तो मैं भाग गया से, कौन है ये पता नहीं होगी कोई। फिर बाद में ना मेरी दीदी मेरे को आके बोलती, मेरी दोस्त बोल रही थी कि तेरा भाई सुंदर है, मैं बोला ये कैसी तारीफ हुई, लड़के सुंदर थोड़ी होते हैं, व्हाट द फक। फिर मैं गया और अपनी दीदी को बोला, आप अपनी दोस्त को बोल देना कि वो बहुत हैंडसम है, तो हाँ, तो रियल में जब मेरी तारीफ होती है तब मेरी बेइज्जती ही होती है, तो फेक तारीफ है, आई विल टेक दैट, टेक इट एनी डे। ओके टेक केयर भाई, थैंक यू वेरी मच। अरे भाई थैंक यू की क्या बात,
मेरी एचआर अरे बाप रे बाबा एक सेकंड वो गूगल में खोल दो मेरी एचआर है कि हर है एक तो एचआर लोग ने इतना मुझे टेरराइज करके रखा ना एचआर देखते हुए मेरे मन में एचआर ही आता सबसे पहले मेरी हर ऐसा कुछ नहीं है ना ऐसा कुछ नहीं है आज मैं देखा आपने खुद की अच्छा एक सेकंड मुझे ऐसा मैसेज आया कि डेटा नहीं जा रहा है स्क्रीन पे तो लाइक लाइट कूल कर आज मैंने देखा था कोई कमेंट में बोलता है नू प्रैंक करो ना तो आप खुद ही बोल दिए इसमें प्रैंक कहा है आइए देखो भाई कोई नई बेइज्जती भी कर रहा है तो खुद ही की बेइज्जती कर रही है ठीक है हद्दी है मजा सा तो आया असली मजा तो मुझे तब आया था जब रेज ने बोला ना कि बाल घुमा घुमा के गुस्सा करती थी अरे बाप रे मैंने इमेजिन कर लिया अगर ऐसा सच में कुछ होता हुआ मतलब ऐसा सच में कुछ हुआ हुआ होता ना स्क्रीन पे माँ कसम वॉलपेपर रखता अपने फोन का जैसे स्क्रीन अनलॉक करता है ऐसे 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 मेरे घर वाले सब मुड़ के देख रहे थे क्या हो गया सूते को इतनी कस के क्यों हंस रहा मतलब मेरी हंसी रुक भी नहीं रही थी मैं इमेजिन कर ही जा रहा था क्या मजा आता सोचो हर बार जब भी फोन खोलता है सहेला ऐसे ऐसे करके मस्ती कर रहा अति सुंदर अरे यार ठीक भाई ये तो मतलब ऑनेस्टली इससे अच्छा तो बोल देती तेरा भाई भद्दा दिखता है मैं ज्यादा खुश हो जाता कि हाँ ठीक है लौंडे भद्दे ही होते हैं कोई बात नहीं चल जाएगा मुझे सुंदर बोल दी भाई शर्म वरम आ गई मुझे ये क्या बकर है ऐसा लगा कहा है चुन्नी चुन्नी ओढ़ लू जरा मजाक कर रहा है कुछ नहीं लगा मुझे हर रोज आदत है अब उसको रेश भाई यार और ये क्या सीन है जैसे ही हालांकि गेम प्ले खराब होता है रेश चाय बना के गेम प्ले नहीं आ रहा चाय बना दे ऐसा तो कुछ नहीं है चाय और गेम प्ले का कुछ रिलेशनशिप ऐसा जाना तो ना मैंने उस हिसाब से जोनाथन तो चाय में नहाता होगा फिर सामने वाला कुछ बोले इससे पहले खुद ही बेइज्जती कर लो खुद की अच्छा हाँ यार एक्चुअली जो मेरे ख्याल से खुद की बेइज्जती करना इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमेडी जिससे बाकी कोई ऑफेंड नहीं होता ये मैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम प्रैक्टिस भी करता था जरा इधर उधर निकल गया पर ठीक है वापस बैक टू दैट जो भी उसे कहेंगे हाँ 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 अरे नहीं ये रेज गधा है मजा तो आया था बड़ा मजा आया था हेलो अरे रेकलेस वेलकम यो अरे यो थैंक यू रेकलेस मेरे भाई कैसा है वेलकम टू द स्ट्रीम एनर्जी ड्रिंक पावर मिलती है अच्छा जी वो भी एक बार मस्त बोला था हेला ने कि मेरे घर में दोनों कुत्ते एक साथ बैठे हुए हैं रेज और बॉन्ड बैठ के आईपीएल देख रहे हैं लाइक रेज तो ठीक है बॉन्ड क्या कर रहा है टीवी देख के उसको समझ भी आ रहा है कुछ क्या हो रहा है हद्दी है यार हद्दी है कसम से कभी मीटअप हुआ ना अगर आप मीटअप रखे ना ऐसे बड़े यूट्यूबर लोग मीटअप वगैरह रखते हैं बॉन्ड को जरूर लेके आना बॉन्ड के लिए वीवीवीवीआईपी पास लेके आऊंगा बॉन्ड चलो बाय बाहर ओके 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 रख लू भाई थैंक यू सो मच स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू मेरे भाई तेरा मदद सी तो मिल जाती है टीवी देख रहा था बॉन्ड हाँ समझ रहा हूँ मैंने ऐसा देखा भी है कई डॉगी लोग ऐसे मूवी देखते हैं और बिल्ली लोग भी देखते हैं पर मूवी इज अलग थिंग समझ रहे हो उसमें एटलीस्ट ह्यूमन फिगर्स वगैरह दिख रहे होते हैं डॉगी वॉगी दिख रहे होते हैं क्रिकेट उसको क्या समझ में आया कि तो छोटे छोटे आदमी लोग दौड़ रहे हैं समझ रहे हो बॉन्ड ऐसे मुड़ के देखता हूँ इसको खा लू क्या मैं खाया जा सकता है मस्त अरे बाबा मस्त कभी तो बॉन्ड से मिलने का मेरा बड़ा कस के मन है और मेरे पास भी एक्चुअली सेम काइंड ऑफ लैब्राडोर था मैंने फोटो भी मुझे दिखी थी पता है ऑन स्ट्रीम दिखा सकता हूँ कि नहीं मैं पता नहीं पर वो भी इसी टाइप का था बॉल इधर उधर जाती ना क्रिकेट में हाँ बॉल देखता होगा वो पक्का लाइक अरे माँ की आँख इतने बड़े ग्राउंड में बॉल मुझे मिल जाए ना चिथड़े उड़ा दू बॉल के रुको मेरे पास सेम उसी टाइप का लैब्राडोर था लेकिन वो ना इतना सीधा लौंडा था
हद ही ज्यादा सीधा लौंडा था वो, समझ रहे हो। सबसे दोस्ती कर लेता था वो, पेपर वाले से, दूध वाले से, सबसे दोस्त। और एक्चुअली ज्यादातर वो बाहर ही रहता था, उसके पास चॉइस थी पर वो बाहर ही, उसको बाहर ही रहना होता था, गर्मियों के मौसम में आ जाता था बस अंदर। वो सबसे दोस्ती सबसे। और अगर चोर भी आ जाते ना रात को, चोर आके, और पार्ले जी उसको इतना पसंद था कि अगर उसको पार्ले जी दिखा देना कि चोर आके बोलेगा ये ले पार्ले जी, वो खुद बोलेगा सुन मैं तुझे बताता हूँ कहाँ चोरी करना है। हाँ ये मेनियस का रूम है ना, इधर कुछ नहीं है, इधर तुझे 2 रुपए से ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। हाँ वो जो पीछे वाला कमरा है ना वहां जाइए, वहां कुछ है। मैं चोरों के पास भी पूछ हिला के चला जाता, वो इतना ज्यादा सीधा था। तो जब मैं सुनता हूँ ना कि बॉन्ड बदमाश है, तो आप लाइक एक बदमाश लैब्राडोर से मिलना तो बनता है। प्यार है बॉन्डू मेरा। हर वैसे स्ट्रीम में पीछे बैठा रहता है, मुझे ऐसा लगता है उसको ऐसा पता चलता होगा कि कुछ तो हो रहा है या लोग उसे देख रहे हैं, पता नहीं, क्या पता नहीं भी पता चलता हो। डॉग लिखता हूँ, क्या गूगल फोटोज डॉग दिखा सकता है मुझे? हाँ दिखा दिया। ये काफी पुरानी सी फोटो तो है, बैकग्राउंड वगैरह आप लोग इग्नोर कर देना। एक सेकेंड ना, डाउनलोड। अरे भाई एकदम ऐसा चिड़िया जैसा सोया हुआ है। सॉरी सॉरी यार सॉरी, कमेंट जरा इग्नोर से हो गए। कोई से अपलोड करता मैं पीसी में, फिर पीसी से दिखाता। पता नहीं इंटरेस्ट है भी कि नहीं, मैं बस ऐसे फालतू में बकलोली कर रहा हूँ। वो चैट पहले पढ़ लेता। टीवी देखता है बॉन्ड, बॉल इधर उधर क्रिकेट में, तिहाड़ जेल की जला दे। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है यार उतना चलता है, मतलब चलता है, लोग बहुत बीटी देते हैं और ऐसा लोग बहुत बोलते भी है ना, अरे लड़की लोग के स्ट्रीम पे व्यूज आते हैं, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर आते हैं, ऐसा वैसा बोलते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि उनको बीटी भी तो उतनी मिलती है, समझ रहे हो। उन लोग के लिए स्ट्रीमिंग हार्ड भी उतनी है जितना उनके लिए जल्दी होता है ना, तो हार्ड भी है। तो अगर लोग गाली, अगर लोगों को गाली देनी पड़ती तो मैं समझ सकता, लोग डिजर्व करते। पहले तो ये पंखा बंद करूं, मेरे हेयर स्टाइल की माँ बहने कर रखी है। मुनीलाल भाई, विकास भाई वेलकम, विकास मेरे भाई कैसे हो? हाँ अब ठीक है। बॉन्ड कतई सीधा नहीं है, गुंडा है ये, इसलिए तो मिलना है गुंडे लैब्राडोर से भी तो मिलू। हाँ मुझे उत्ता उल्टा देखता है, एक मिनट यार इसको गूगल क्रोम में देखता हूँ। हाँ मुझे उल्टा देखता है स्क्रीन पे, और जब बाय बाय बोलती हूँ 5-6 बार तो एक्टिव हो जाता है कि अब बंद होने वाली स्ट्रीम। हाँ उसको तो लगता है, उसको समझ में आता होगा कि बाकी लोग उसको देख रहे हैं। और जब स्ट्रीम नहीं करती तो परेशान रहता है टाइम होते कि आज सेटअप नहीं की, कुछ टाइम तो हो गया। इज लाइक अरे यार ये ना लेट कराएगी, जल्दी स्ट्रीम ना चालू हो रही, तो परेशान सा हो जाता होगा। हाँ दिखाइए दिखाइए, रुको दिखाता हूँ। बहुत काफ़ी बहुत ही साल, मतलब 7-8 साल पुरानी फोटो है। तो जरा बैकग्राउंड को इग्नोर करना, और डॉगी को तो मत ही करना। इसको चिड़िया जैसे सोना बड़ा पसंद था, ये पिछले जन्म में चिड़िया ही था ये लौंडा। रुको अब भी दिखाता हूँ, डाउनलोड्स। रुको एक सेकंड ना, पीसी उसमें जा रहा हूँ। अब पहले तो मैं ही गायब हो जाऊंगा, इसको जरा कुछ सेट सा करना पड़ेगा मुझे। आ गया ना, आ गया। रुको पहले सारे कमेंट्स पढ़ लेता, ठीक है। बाप रे इतने सारे छोड़ गए। भौंकता है बॉल देख के कि सही से फील्डिंग कर। हाँ मुझे उल्टा देखता, ये तो अच्छा है, एक ही कमेंट छोटा था। दिखाई दिखाई मुन्नीलाल भाई, क्या हाल विकास भाई, विकास भाई एक सूट दिला दो। विकास भाई दिला सकता है, एक्चुअली दिला सकते हैं, मोटी पार्टी एकदम। रेज भाई हम गरीब
पोसाइडन से तीन तीन क्यूनिक्स एक भर भर के रखे अपने लॉबी में, वो तो गरीबी की पहचान है ना। वो तो गेम वापस आया 5-6 हजार यूसी डाल लिया सीधा। अरे प्यार से ट्रीट करो तो सिर पे नाचता है ये ज्यादा। आज ही एक बोला सिस्टर बोला सकता फिर क्या 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 ये सब कहा पढ़ लिया। अरे प्यार से ट्रीट करो तो सिर पे नाचता है ज्यादा। आज ही एक बोला सिस्टर बोल सकता फिर दूसरे को बोला कि हेला पटवा दे। अच्छा बॉन्ड की बात नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा समझ गया समझ। मेरे को लगा बॉन्ड सिर पे चढ़ता है। नाचते हैं ज्यादा। आज ही एक बोला सिस्टर बोल सकता फिर दूसरे को बोला कि हेला पटवा दे। ये देखो और जब बोला कि सिस है ना तो बोला स्टेप्स। अरे यार क्या गरीब खत्म नहीं होती। हम बढ़िया रेज भाई आप आओ ना बताओ आप अपना बताओ। इतना झूठ विकास भाई तो ऐसे महान प्राणी लोग को प्यार से कितना नहीं समझा ही नहीं सकते ना। वही मैं बोल रहा हूँ। मैं भी जब अपनी स्ट्रीम पे कभी भी एक्चुअली बहुत कम रेट किया मैंने क्योंकि मेरी रेट ना यूजुअली जाके कुछ भी कुछ बकवास करने लग जाती है और फिर वो मेरे को पसंद नहीं आता। उससे अच्छा मैं बस सीधा लिंक ही शेयर कर देता हूँ आजकल। उसमें मैं पहले ही बोल के भेजता हूँ देखो कि वैसे भी इन जनरल भी लड़कियों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड होती है लाइफ। लोग फालतू की बकवास ज़्यादा करते हैं और स्ट्रीम पे तो और भी ज़्यादा हार्ड होता है। तो समझ रहे हो एकदम रिस्पेक्टफुली जाने का। फिर भी लोग ऐसे फालतू फालतू लिखने लग जाते तो फिर मज़ा नहीं आता। पर समझ सकता हूँ मैं मतलब ऑलरेडी समझ रहा हूँ कि ऑलरेडी स्ट्रीमिंग हार्ड है और लड़कियों के लिए एक्स्ट्रा हार्ड है। तो आप जाके फालतूगिरी मत मचाओ उधर। ऑलरेडी बहुत सारे भर रखे इंडिया में चूतिए लोग जिनको कुछ भी कुछ बोलना होता है बस। हेलो मैनियक्स भाई। अरे नितेश भाई ये वही वाले नितेश हो ना जो क्या यूनिक हुआ था जिम वाले जो जो जिसने मैं जिनसे मैं क्रिएटिन वगैरह की बातें कर रहा था वही नितेश हो कि कोई नए नितेश हो तो झूठ ही बोल देते विकास भाई की दिलवा दूंगा। नहीं नहीं चैट की बात बता रही कि क्या क्यों गुस्सा आ ही जाता। हाँ समझ गया था झूठ झूठे वादे नहीं करता ना रेश भाई। हाँ वही वाला नितेश भाई तो अपनी आईडी से आ जाओ ना। ये क्या है मतलब ठीक है पर क्या ये भाई इनोसेंट तो बिल्कुल भी नहीं हो। उस दिन बेचारे ज्यूस के ऊपर कितना गंदा मजाक बना दिया था तुमने। अच्छा तुम लोग कब से ब्लैक स्क्रीन देख रहे हो ना। सॉरी सॉरी रुको अभी ठीक करके देता हूँ। बैकग्राउंड इग्नोर करना गाइस ठीक है। रुको ये था वो लौंडा है देखो ऐसे चिड़िया जैसे सोता था। एक हाथ इसने दबा के रखा हुआ है। इसकी एक ही फोटो मिली मुझे। एक दूसरी फोटो थी उसमें भी ये बस ऐसे ही लेटा हुआ था। क्या शौक थे इस कैसे लेटने की मुझे ना पता पर क्यूट सा तो था और बड़ा बहुत भारी था। बहुत ही ज्यादा भारी था ये आदमी। अरे शिट ये क्या खोल दिया। सॉरी 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 बस एक ही फोटो थी। सॉरी इतना हाइप बना के रखा मैं आके एक फोटो के लिए बस। आ गया मैं वापस। हालांकि स्क्रीन में भी ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है पर एटलीस्ट ये जो लौंडा ये ऊपर नीचे दौड़ता रहता है। अरे आज का तीन शॉट बताते हैं मुनिलाल भाई बताइए ना। बॉन्ड भी ऐसे ही सोता जुड़वा भाई लग रहा। हाँ नहीं नहीं बॉन्ड थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखता है। ये क्या इसको बाहर रहने की ज्यादा आदत थी तो और इसको इधर उधर मुंह मारने की भी बड़ी आदत थी तो सामने नाक वाले बाल थे ना वो ऐसे बड़ी जल्दी जल्दी चढ़ जाते थे क्योंकि ये पेड़ पौधों में घुसा ही रहता था बस। पर हाँ मतलब ओवरऑल वैसे ही दिख रहे कलर वलर थोड़ा सा सेम टाइप का है। बॉन्ड एकदम ऐसा हेल्दी मस्त सा कुत्ता लगता है ऐसा लगता है। क्या हो रहा है ये नेट को क्यों बार बार ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कि डेटा नहीं जा रहा। गाइस आ रही है क्या स्ट्रीम चल रही है क्या अभी भी। आज मैच में थोड़ा सा खिल्ली उड़ा दिए थे जूस भाई का तो लड़कियों जैसे गुस्सा होकर भाग गए। क्यों क्यों मारते भाई तुम उसकी क्या कर रहे हो लौंडे ने। चल रही ठीक है। बॉन्ड भी सुन रहा आपको अभी आपने बॉन्ड बोला तो मुंडी उठाकर देखने लग गया किसने बोला। अच्छा टीवी पे चल रही है स्ट्रीम
यार टीवी पे मत चलाया करो, मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ, मुझे लगता है शिट मैन। बाय द वे जोर से बोलता बॉन्डू बॉन्डू। हाँ बॉन्डू को क्या पसंद है? ये ले चिकन। बेचारा जूस यार। जूस भाई नूब छोटू, ठीक है। तो हाँ तो सॉरी जरा टाइम सा वेस्ट हो गया। चिकन नहीं फिर क्या खाता है? नहीं फोन में ही आवाज आ रही और रिएक्शन दे रहा। मुग्गा मुग्गा मतलब मुर्गा ऐसा। बंडू मुग्गा भाई ऐसा कहीं ये तो नहीं कि मुग्गा कोई गाली होती है? रेज भाई मेरे से स्ट्रीम पे मुग्गा उग्गा बुला रहे, फिर मेरा क्लिप करेंगे। ये देखो गाइस ये रहा वो रेसिस्ट आदमी जो मुग्गा बोलता है स्ट्रीम पे। तो ये दारू की बॉटल भी खत्म हो गई है। यो यो सही में क्या क्या मैं कैंसिल होने वाला हूँ? क्या मेरे पूरे 900 कितने हो गए सब? कुछ तो 900 की ही लाइन में थे। आंखें एकदम अंधी कर देते यार, चश्मा पहन के स्विम करना पड़ेगा कसम से। वाइट स्क्रीन, ओ माय गॉड 966, मेरे पूरे 966 सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे गाइस। मुग्गा समझता है चिकन को, ऐसा गाली नहीं है। चलो भी ठीक है, आप बोलते तो मान लेता हूँ, आप पे भरोसा कर रहा हूँ। अला देख लो आप ही ने रेड कराई, अगर चैनल कैंसल वैंसल हो गया तो समझ रहे हो मेहनत वेस्ट हो जाएगी आपकी। पीपल विल बी लाइक कहाँ गया वो आदमी जो मरफा करता है, गायब हो गया। एक्चुअली डिजर्व भी करता है पागल, बिना खाने के ऐसे ऐसे बंदर टाइप करे जा रहा था एकदम। भाई क्या ही ब्लंडर कैसे कर लेता हूँ मैं ये मुझे भी नहीं पता। कोई नहीं चलो। अरे नहीं बाबा गाली नहीं है क्या? आप भी विनीत भाई सब सोचना पड़ता है रेज भाई, लड़के लोग का कोई भरोसा ना है, एक एक रुपए का भरोसा नहीं कर सकते लड़कों पे। चलो गाइस 3 बजने वाले हैं, 6 मिनट का टाइम बचा है, मस्त जल्दी से सोएंगे समझ रहे हो। भूतनी उतनी लोग के पहले जल्दी जल्दी दौड़ के सारे चादरों के अंदर छुप जाओ। बत्ती पंखे पंखे मत बंद करना, बत्ती बंद कर लेना। बंदर टाइप क्या बंदर ये हो भाई? हाँ ठीक है वही बंदर जो जूस से मिलने गए थे। No juice was hurt in making of this video. ठीक है गाइस देखो 6 मिनट का टाइम बचा है, फटाक से दौड़ के जाएंगे। मेरे को तो थोड़ा दूर दौड़ के जाना है पर दौड़ लूंगा मैं। हनुमान चालीसा लगा लूंगा ईयरफोन में मस्त चादर वादर के अंदर छुपने का, पंखा चलने देना, अगरबत्ती वगैरह मत जलाना, खुशबू से अगर अट्रैक्ट होती है भूतनियाँ। हम तो भूतों के साथ बैठकर के ड्रामा देखते हैं, आते ही होंगे 3 बजे वो। अरे भाई ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, कहीं सब्सक्राइब कर दिया भूत ने मुझे देख के फिर मैं किधर जाएगा। एक्चुअली मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा कुत्ती चीज़ों का था, बहुत ही ज़्यादा बॉन्ड की पिक यूज करके थंबनेल बनाऊंगा। हाँ मेरे भाई मैं तो इतना अच्छा आइडिया दिया था, इतना अच्छा आइडिया आप मान नहीं रहे, वो बात अलग है। एक आध दिन ना बॉन्ड को ऐसे ही ये ऐसा कोई सा गॉगल्स वगैरह पहना देना, अगर वो इतना शांति से बैठ पाए तो। वो नहीं पता मुझे कि आपकी जादू करोगे कैसे, ऐसा चश्मा पहना देना बॉन्ड को, ठीक है, चेयर पर बैठा देना और एक शर्ट पहना देना, ठीक है, और शर्ट से ना अपने हाथ निकाल लेना। ये सब स्टंट आप मारोगे कैसे मेरे को नहीं पता, मैं बस आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। शर्ट से अपने हाथ निकाल लेना और ऐसे फोन पकड़ लेना और स्ट्रीम पे बॉन्ड बन के खेलना जरा 5-10 मिनट ही सही, उसको क्लिप करके शॉर्ट में डाल देना। बॉन्ड एकदम ओपी प्लेयर है ऐसा करके, बॉन्ड की वो फुटेज ले लेना और पीछे से जोनाथन का गेम प्ले लेके आ जाना 1v4 1v3 करते हुए। समझ रहा हूँ मैं कि ऐसा एकदम वायरल वीडियो आइडिया नहीं है ये, पर That would be something to watch. समझ रहे हो? हाँ भूतों से रिलेटेड मैं ये कह रहा था कि मैं इतना इतना हरामी हूँ ना, इतना हरामी हूँ मतलब बहुत ही ज्यादा हरामी हूँ, और मेरे को डरावने सपने आना बंद हो गए। मैं अपने डरावने सपनों में भूतों को ही मारने लग गया वापस समझ रहे हो?
पहले मैं सपने में ऐसे करके, अभी से थोड़ा अजीब लगेगा पर मैं ऐसे लेटा हुआ था ठीक है, ऐसे करके ऐसे सपने में, सपने में भी मैं सोया ही हुआ था, उसमें ऐसे भूत ने ना मुझे, मैं ऐसे लेटा हुआ था, मेरे से हाथ पकड़ ली और मेरे ऊपर से चढ़ के बैठा हुआ था भूत, ऐसे कर रहा था, समझ रहे हो? मतलब थोड़ा सा सपना कुछ और टाइप का है पर मैं उतना डिटेल में बताऊंगा ऐसे, चलो बता देता हूँ। ऐसे हॉट सी लड़की थी वो ठीक है, पहले भूत वो मेरे ऊपर आके बैठ गई लड़की मेरे हाथ पकड़ लियो, फिर अचानक से वो भूत में कन्वर्ट होने लगी, अगर कैसे काटने के लिए आ रही थी आओ करके, समझ रहे हो? तो एकदम मैक्सिमम डरावना तब लगता है जब पहले भूत नहीं अच्छी दिख रही हो, फिर अचानक से डरावनी दिखने लग जाओ, लाइक बहन की आँख ये क्या देख रहा हूँ मैं। उतने में क्या हुआ, मैं पूरा नहीं जागा लेकिन मेरा ईगो जाग गया अंदर का, मैं बोला तू कैसे डरा रही है मुझे, ये मेरा घर है, मतलब सपने में मैं अपने घर में सोया हुआ था। मैंने ऐसे करके ना उसको ऐसा करके उसको उठा दिया, जैसे जिम में अपन वेट उठाते हैं ना वैसे करके उठा के फेंक दिया मैंने उसे एक दो बार, और ऐसे ही मैं अपने सपने में भूतों को ही पीटने लग गया भाई, समझ रहे हो? एक बार असली में भी मैं डर गया था, बोले कि इस घर में मेरे से बड़ा कोई नहीं है, समझ रहे हो? मेरे से बड़ा हरामी कोई भी नहीं है। उसके बाद डर ही लगना बंद हो गया मुझे, बोले कि अरे बाबा क्या कुत्ता आदमी हूँ मैं, अनकॉन्शियसली इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है ना, डर ही नहीं लगता। सिवाय हॉरर मूवी देखते हुए तब तो फट के हाथ में आ जाती है, सारा सिस्टम हिला देगा वो, और ये चीज पॉसिबल ही नहीं, वो हमें घर से बाहर निकाल देगा बेदखल एकदम। अरे यार मस्ती कर रहा था, अगर हो पाता, अगर कुत्तों की वीड होती तो वीड फुकवा देते थे बॉन्डू को, फिर वो एकदम मस्त ऐसे चिल वाइब में आ जाता। अरे वो मोटू को कौन उठाएगा कोई इज्जत ही ना। आ गया एक भूत तो पूछ रहा कि क्या हो रहा है, वही बता रहा हूँ कि आपकी स्ट्रीम देख रहा तो अब वो भी देख रहा। यो यो भूतों की कम्युनिटी में यूट्यूब चैनल वगैरह फोन तो होते ना होंगे तुम्हारे पास, तो तुम मेरे कोई काम के नहीं हो, बस जा जैसे दफा हो जाओ, नहीं चाहिए। कहते ऐसे सपने हो तो रियल होता। हाँ तो फिर मैंने उसे मार के भगा दिया, उसके बाद से मुझे, और क्या लड़की लोग जल्दी बुरा भी मान जाते हैं ना, वो आई ही नहीं वापस, कभी नहीं वापस आई। शी वाज लाइक ना बिच ये लौंडे का एटीट्यूड अलग है, तू क्या इग्नोर करेगा, मैं तुझे इग्नोर करती हूँ। वो तो हो भाई, सबसे बड़ा हरामी हूँ मैं एकदम, इतना ज्यादा कैसे, समझ रहे हो? मतलब मैं जब उठा, अरे हाँ एक बार ऐसा हुआ था, इतनी चूतिया चीजें की है ना मैंने, चलो दो चीज और बताता हूँ, बतानी तो नहीं चाहिए पर बता दे दो ठीक है, बताओ। भूत लड़की भी बुरा मान गई, अरे यार समझ रहे हो? मतलब ऐसा मैंने बॉलीवुड मूवीज में तो देखा है कि मैक्सिमम भूत लड़की ही होती है, और रियल लाइफ में तो मैंने देखा है कि लड़कियां बुरा मान तो जाती है बड़ी जल्दी जल्दी, तो बाय दैट लॉजिक भूत भी जल्दी बुरा मानने तो चाहिए। दो चीजें बता दो ठीक है तुम लोगों को, दो इंसिडेंट और एकदम ही कॉन्फिडेंशियल, किसी को कुछ नहीं बताने का, समझ रहे हो? ये स्ट्रीम को क्लिप नहीं करने का, और वैसे भी स्ट्रीम इतना आखिरी तक कोई नहीं देखता है तो किसी को नहीं बताने का, सिर्फ तुम लोगों को बता रहा हूँ। दो चीजें की मैंने ठीक है, दोनों अलग अलग इंसिडेंट है, एकदम ही अलग टाइप के इंसिडेंट है बेसिकली। अब भूत का टॉपिक उठा तो भूत का ही बता देता हूँ तुम्हें ठीक है। एक बार और मैंने ऐसे ही कोई सपना देखा था, उसमें जो भूत था ना वो, ये पहले आया था मुझे ठीक है, ये जो सेकंड भूतनी वाला है ना जिसमें मैंने उसे उठा के ऐसे फेंक ही दिया लिटरली मार वार के मुझे समझ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि फिजिकली अगर आप ऐसे लेट रहे हो ना तो आपकी कोई मसल ढंग से एंगेज नहीं होती है, आपकी चेस्ट भी पूरी एक्सपेंडेड है, शोल्डर एक्चुअली हो सकती है, तो ये कोई ऐसे पावरफुल पोजिशन नहीं है यहाँ से कुछ लिफ्ट करने के लिए, समझ रहे हो? मैंने बाद में ऐसा ट्राई किया, हो गए थे मेरे से ऐसे लिफ्ट, हो गया था मेरा छोटा भाई, मैंने उठा लिया था उसको, और वो भी था कुछ 50-60 किलो का तो था, वो पूरा वेट दे रहा था, फिर भी उठा लिया था मैं उसको ऐसे करके, फिजिकली था उतना उतना हो जाता है मतलब। एनीवेज छोड़ो ये सब, तो ये वाला सेकंड सपना था जो मैं आप लोग अभी पहले बता चुका हूँ, ये मेरे को इसके पहले आया था जो मैं अभी अभी बता रहा हूँ, ये कुछ 5-6 महीने के गैप हो गया इन दोनों सपने में ठीक है। ये वाले सपने में क्या हुआ, मैं अपने घर में सोया हुआ था और अचानक से ना मुझे ढंग से सांस नहीं आ रही थी ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ना भूत मेरा गला दबा रहा है ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमें को धीरे धीरे सांस आना बंद हो रही थी, और मैं एकदम तेजी से सांस ले रहा हूँ, एकदम छोटी छोटी सांस ले रहा हूँ, लेकिन मैं ले नहीं पा रहा हूँ सांस, ऐसा काइंड ऑफ पता नहीं क्या, पैनिक अटैक है, भगवान जाने ऑफिस का स्ट्रेस ज्यादा, पता नहीं कुछ तो था।
तो उसमें भी मेरे ईगो जाग गया मेरे से पहले, ठीक। मैं सोया हुआ हूँ और मैं ऐसे गुस्सा होते जा रहा हूँ ना, धीरे 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 मैं बहुत गुस्सा होते जा रहा हूँ, मेरे को सांस नहीं आ रही है। तो समझ रहे हो, यूजुअली आपको डरना होता है ऐसे सिचुएशन में, आपको डर लगता है अंदर से कि अरे ये क्या हो रहा है, सांस क्यों नहीं आ रही है, आप डर के उठते हो सांस, समझ रहे हो, कुछ तो ऐसा होता है। लेकिन मैं गुस्सा होते जा रहा हूँ, गुस्सा होते जा रहा हूँ, और सपने में मैं क्या देखा कि अचानक से ना मैं भूत के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ ऐसे, समझ रहे हो, मतलब अब मैं अपने आप को देख रहा हूँ और मेरी आँख ऐसे खुलती है एकदम, समझ रहे हो, मतलब मैं खुद को या भूत जैसा दिख रहा हूँ, मैं भूत हूँ, मतलब मैं भूत की आंखों से खुद को देख रहा हूँ। और मैं जब खुद को देख रहा हूँ तो मुझे मैं डरावना लग रहा हूँ कि मैं इतना ज्यादा हरामी जैसा, छोटी वाली सांस भी नहीं ले पा रहे, नहीं ले रहा था। तो मैं ऐसे करके आंख खोला और फिर मैं वापस अपने, जैसे ही मैंने अपना विजुअल खुद ले लिया ना कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, वैसे ही मैं वापस अपने उसमें आ गया और मैं इतना जोर से दहाड़ा एकदम, एकदम ऐसा पावरफुल वाला, ऐसा डरने वाला नहीं, एकदम इतना कस के चिल्लाया मैं अपने सपने में, इतना जोर से कि मैं एक्चुअली फिजिकली चिल्लाने लग गया था, और मैं इतनी जोर से चिल्लाया कि मैं अपनी आवाज से ही उठ गया। समझ रहे हो, ऐसा बाईपास कर दिया मैंने डरावने के, चल तेरी माँ की साथ, इतना कस के चिल्लाया मैं खुद ही उठ गया। और फिर मैं इतना सरप्राइज था कि मैं इतनी जोर से चिल्लाया फिर भी मेरे घर वाले कोई नहीं उठे, लाइक ये भी ठीक है, इतना ही हरामी होना चाहिए भूत, मतलब भूत इज लाइक हरामी, डराने तो दे, पहले ही चिल्ला के उठा लिया खुद को, मैं वापस हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा उसके आदमी को। उसके बाद जब दूसरी बार हुआ तब ऐसा फिजिकली मुझे पूरा भूत दिखा, इस टाइम तक मुझे ऐसा भूत दिखा नहीं था, समझ रहे हो, जब मैं ऐसे भूत को देखने की ट्राई किया, जब मेरी ऐसे सपने में आंखें भी खुली तो मैं खुद ही को देख रहा था, तो मुझे भूत नहीं दिखा था अब तक। सेकंड वाले में मुझे भूत दिखा भी, भूत वॉज लाइक शायद मैं फिजिकली आऊँ तो ये डर जाएगा, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, मेरे दिमाग का ही था ये सब, सबकॉन्शियस का ही था। लेकिन जब वो आया भी सामने तब लाइक तेरी मैं कसा कि ना सारे मेरे को डराएगा, समझ रहे हो, ईगो इतना बड़ा है, कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है, मतलब ऐसा नहीं है कि ईगो इतना बड़ा है, आप जस्ट अंदर से इतना ज्यादा मैं अपने आपको हरामी जैसा देखता हूँ ना कि मैं ऐसा बिलीव ही नहीं कर पाया कि कोई भूत मेरे को डरा लेगा, मार लेगा, लाइक तू लग ले बहन क्या, मैं बताता तुझे, भूत हक दिया होगा, बहुत हॉरर तो कॉमेडी होगा, बहुत जोर से चिल्लाया था और इतनी जोर से चिल्लाया था कि समझ रहे हो, मैं ऐसा ऐसे कानों से उठाऊ मैं अपने की कहाँ से आवाज आ रही है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा मैं सपने में चिल्लाते चिल्लाते असली में चिल्लाने लग गया और फिर अपनी उससे उड़ गया। हाँ हाँ समझ रहे, भूत हक दिया होगा, हॉरर तो कॉमेडी हो गया। चलिए आगे, हम भी भूत मिलता तो आपके यहाँ, नहीं 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 मेरे यहाँ मत भेज, जितने जितने मेरे सपने में आ चुके हैं उनको बस मैंने डरा के भगा दिया, बस उसके बाद से आए नहीं। मैं बस सब लोगों को बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ हो, हॉरर सपना है ना, तो ऐसे मत सोचना हो मैं डर रहा हूँ मैं भूत हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली भूत यूज तो तुम्हारी मेंटल एनर्जी कर रहा है ना, नहीं तो वो तब तक एग्जिस्ट कैसे करेगा जब तक आपका दिमाग की एनर्जी यूज कर रहा है, समझ रहे, मतलब आप ही सोच, आप ही देख रहे हो, आप ही विजुअलाइज कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली तो आप ही की एनर्जी है ना वो, लाइक ना मेरी एनर्जी मेरे से ज्यादा कोई नहीं यूज कर सकता, तो मैं लाइक तेरी मैं कैसा मैं बताऊं तुझे, उसका ये मतलब नहीं है मेरे साइड भूत भेज दो, इतना भी हिम्मत वाला नहीं हो, फट जाती है मेरी भी, ठीक है, बड़ी कस के मैं एक्चुअली मैं बहुत ही फटू, हॉरर मूवी हॉरर गेम कुछ भी होता है ना फट ही जाती है मेरी, पर कभी कभी बस मेरी नहीं फटती है। मैनिएक्स भाई भी लाइक आना साले चिपका ना जल्दी, आना भाई आना, मैनिएक्स भाई भी लाइक आना साले चिपक ना जल्दी, नहीं नहीं चिपकने पकने नहीं बोला, हाँ हाँ समझ रहे, बिल्कुल क्लिप नहीं किया, बिल्कुल क्लिप करना भी मत, और बताता हूँ तुम्हें दूसरा वाला बता, एक्चुअली दूसरा नहीं, हमारे दोनों एक ही टाइप की चीज है, ये दूसरे में दो पार्ट है। एक बार ना सपने में मेरी आदत है, मतलब मैं बहुत ही उल्टे पुल्टे पोज में सोता हूँ, ठीक है, एक बार मैं ऐसे करके सोया हुआ था, एक हाथ मेरा ऐसे था, थोड़ा डिस्टेंस में था, और तब मैं नया नया ऐसे थोड़ा बॉक्सिंग बस देखना चालू किया था, सीखा भी नहीं था अच्छे से, पर मुझे बड़ा पसंद था, तो मैं ऐसे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहता था कि ऐसे पंच होता है, ऐसे स्ट्रेट पंच होता है, ऐसे लोग ऐसे मारते हैं ना, ये नहीं मारना चाहिए कभी, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है और दिख जाता है कि पंच आ रहा है आपको, बेसिकली एकदम ऐसा स्ट्रेट मारना होता है, एकदम ऐसा स्ट्रेट, समझ रहे, तो मैं ऐसे हाथ में से पॉलीथीन ऐसे रखता था देखने के लिए कि कितना स्ट्रेट है, और मैं एकदम ऐसे मारता था तो पॉलीथीन ऐसे निकल जाए हाथ से, क्या क्या बकवास कर रहा हूँ। एनीवेज तो मुझे बस नया नया सीख रहा था मैं बॉक्सिंग, तो सपने में ना कुछ तो हो रहा था, मैं किसी से लड़ रहा था, किसी इंसान से लड़ रहा था अपने सपने में, तो सपने में मैं इतना ऐसे रियल से ऐसा फील कर रहा था, हाँ ऐसे मैं ऐसे किया फिर ये पंच से बचा, फिर ये पंच मार ऐसे ऐसे किया, तो मैं सपने में ना इतना वाइब में आ गया
कि मैंने ना असली में पंच चला दिया, ठीक है। वो मेरा हाथ यहाँ पे था, ठीक है। मैंने असली में ऐसे करके ना अपने आप को उठा दिया, ये क्या था, ये क्या हुआ। फिर समझ में ओ फक, सपने में पंच चलाया, असली में चल गया और अपने आप को बॉक्स ऐसे मार के उठा दिया। क्या चूतिया, क्या चूतिया गिरी। और बेसिकली अगर आपको किसी को मारना है ना, अगर सच्ची में आपको मारना है, तो एक पॉइंट होता है यहाँ पे होता है, जो बॉक्सिंग जो बॉक्सिंग करते वही लोग कर पाते, पर अगर आप यहाँ पे मार दोगे ना, तो बेसिकली जो इंसान होता है उसकी जो दिमाग है ना, वो अंदर से ऐसे शेक होकर दीवार वीवार से टकरा जाता, कुछ तो होता है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। पर चिन में मारने से आपकी बॉडी कंट्रोल में नहीं आती, आप होश में हो, जागे हो, लेकिन आप अपनी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाते, तो एकदम वाइटल है। इसलिए बॉक्सर लोग ऐसे ऐसे करते हैं ज्यादातर, अपने चिन को बचा के रखते हैं, समझ रहे हो। मैं भक्स अपने चिन को मार के उठा दिया, बाकी यहाँ क्या ही चूतिया लगा, मतलब कभी नहीं बताऊंगा अब, लेकिन मैंने स्ट्रीमिंग का धंधा चालू कर लिया तो बताना चाहिए आई गेस। ये देखो ये मारने के तरीके बता रहे। हाँ ना, तो इतना तो पता होना चाहिए, इतने बड़े हो गए तो ऐसे इसको हे मेकर बोलते हैं, जो एकदम ऐसे लंबे लंबे पंच होते हैं ना, ऐसे घुमा घुमा के, ये एकदम ये नहीं, कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं, कभी भी नहीं, एकदम स्ट्रेट मारो, जैसे कोई सामने से आके ऐसे कॉलर वॉलर भी पकड़ रहा है ना ऐसे करके, ठीक है, एक हाथ से ऐसे कॉलर हटाओ और ये स्ट्रेट पंच एकदम, बिल्कुल टाइम ना मिले रिएक्ट करने का, नीचे से ऊपर लेके आओ, या तो यहाँ पड़ेगा या तो यहाँ पड़ेगा, नाक या टुड्डी कुछ तो फूटेगा, मजा सा आ जाता है। किसी का तो मुंडा फोड़ेंगे एक दिन, नहीं 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 फोड़ेंगे, नहीं फोड़ेंगे, नहीं करना चाहिए सर। अरे स्ट्रीम वर्ल्ड वेलकम, वेलकम टू द स्ट्रीम मेरे भाई, कैसे हो आप। स्ट्रीम पे हिंसा कर रहे, सॉरी 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 गाइस, नहीं 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 कर रहा, मैं बिल्कुल शरीफ आदमी हूँ, मैं बस एक थप्पड़ मार दूं तो इंसान ना उठे, मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा, पर ठीक है। आई एम नॉट विलिंग टू टेस्ट इट। पहला का हाथ होगा भी कहा बड़ा सा एकदम, समझ रहा था, रप्पड़ पड़ता होगा पूरा, आधा तो आदमी कवर हो जाता होगा एक हाथ। हाँ अब सबको पता चल गया, वो बात तो है भाई, वेलकम, थैंक्स रेज भाई। चलो इसका पार्ट टू बताता हूँ, ठीक है, ये सब तो सपने में हुआ ना, तो एक बार फिर भी एक्सक्यूज था इसका कि गलती से हो गया या होश में ही था इसलिए पड़ गया, ऐसा हो सकता, ठीक है। दो बार तो मैंने ऐसी उल्टी पुल्टी हरकतें करके उठा लिया खुद को, तीसरी बार तो जब भूत आया तो मैंने सपने में भूत को उठा के मार भी दिया, भगा भी दिया, मेरी नींद भी नहीं टूटी, मैं उसी नींद को कंटिन्यू करके सो के सुबह उठा, हाँ बढ़िया। हालांकि गंदा सपना ही था, असली भूत थोड़ी होते, कुछ जैन नहीं था यार, पता नहीं जो भी। इस बार क्या हुआ, मैं अपने भाई की शादी में गया था, तो होटल के रूम होते हैं ना, उसमें गद्दे में वो लोग क्या कहते हैं, ब्लैंकेट को फंसा के रखते हैं, समझ रहे हो, एकदम टाइट फंसा होता है वो उस साइड से। तो मैं सोने गया, ठीक है, मेरे लिए अलग से रूम था, मैं अकेले था रूम में। कुछ ऐसा हॉरर नहीं हुआ, मैं ऐसे लेटा था और मैं ऐसे कंबल को ऊपर खींच रहा था, ऐसे ऐसे करके खींच रहा था, और वो उधर से निकल नहीं रहा था, और मैं आलसी इतना हूँ कि उठ के वहां से ऐसे निकाल नहीं रहा था, वो लाइक मैं तो खींच के इसको निकालूंगा, मैं ऐसे 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 करके खींच रहा था, और अचानक से ना मेरे हाथ से कंबल छूट गया, समझ रहे हो, मैं एकदम ऐसे फोर्स में था और कंबल छूटा, फट से पड़ा अपने मुंह पे, और मैं 5 मिनट तक बैठा हुआ था, ये क्या कर दिया मैंने, समझ रहे हो। कंबल खींचते खींचते कभी कभी हाथ स्लिप हो जाता, खुद को ही पड़ जाती है, ऐसा 2 बार हो चुका है मेरे साथ, एक बार तो घर में हो गया था। कंबल ऊपर कर रहा था, एक ही हाथ से छूट गया, मेरे हाथ फट से पड़ा अपने मुंह में, क्या आदमी हूं मैं, क्या ही करता रहता हूं। कुछ लेवल का आपको दिमाग से खसका हुआ होना पड़ता है ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए, पर क्या ही एक्सपीरियंस करता हूँ मैं, मजा आ जाता है कभी कभी। अरे यार कहते हैं सपने में अगर लगे तो कोई देख रहा है तो वो एक्चुअल में कोई देख रहा होता, वेल बट यू नो नोबडी कैन प्रूव इट। लगता तो मुझे ये भी है कि क्या लगता है मुझे ऐसा जिसका मैं मजाक उड़ा सकता हूँ, बचपन में लगता तो मुझे ये भी था कि अगर मैं ऐसे करके ज्यादा ऐसे फोकस करूंगा तो मैं एक्चुअली सामान ही ला सकता हूँ, और मुझे सच में लगता था कि मैं बड़ा होके कुछ तो मुझ में कुछ तो सुपर पावर आएगी, ऐसे गधे होते हैं बच्चे लोग, समझ रहे हो, लड़के लोग तो बड़े ही गधे होते हैं। तो मैं बचपन में देखता था ये सुपरमैन स्पाइडरमैन, और मुझे ऑनेस्टली लगता था एक्समैन में बड़ा ज्यादा देखता था मैं, जब 10, 12th नहीं, जब मैं 12-13 साल का था ना, तो मैं एक्चुअली वेट कर रहा था कि अब मेरी सुपर पावर आती ही होगी, बस अब तो आती ही होगी, मैं नॉर्मल इंसान तो नहीं हूँ, मैं कब उड़ना सीखूंगा, और क्या हरकत क्या, मैं
ऐसे मैं बताते रहूंगा तो खत्म नहीं होगी। पीछे कौन है? कोई भी अगर है पीछे, ठीक है ना, मैं रेंट देता है, फ्री में नहीं रहने का, रेंट देने का, ठीक है ना। गॉड डैम इट, नमक हराम लोग पैसा देके रहने करे बाबा, इधर फ्री में नहीं चल रहे सब बॉक्सर। अरे कद्दू, कोई बॉक्सिंग नहीं की है मैंने आज तक, बिल्कुल भी क्लिप नहीं किए हम, बिल्कुल भी नहीं। अरे यार विकास भाई, तुम क्यों जाग जाते हो ऐसे टाइम पे? अभी कैमरे में कौन आया? साले स्ट्रीमर बनना है तुझे भी, दिन में तू स्ट्रीम करेगा अब से? विकास भाई हमें नहीं दिखता पीछे। कोई भी ना है, कोई है तो रेंट देने का। अगले दिन इधर टेबल पे कम से कम 3,000 रुपए आने चाहिए। माँ गया फ्री भी मेरे, अरे देख रहे हो क्या सारे लोग। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा सच में, कोई दिखा कोई। हाँ ठीक है भाई, ठीक है भाई। पीछे ब्लैक हो रखा है, इधर एडिट करना भी बड़ा आसान सा है रेज भाई। और क्या बताने वाला था यार, मैं कुछ बताने तो वाला था पर भूल गया क्या बताने वाला था। हाँ हाँ, सुपर पावर। मैं वेट कर रहा था, ये बचपन की बात है, काफी ज्यादा बचपन की बात है। अच्छा कितने ज्यादा बचपन में पीछे जाना चाहोगे गाइस? कितना टाइम वेस्ट करूं मैं तुम्हारा? चलो थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूँ। ये वोट जीरो की शो कर रहे, पता नहीं मेरे को भी नहीं पता। आर्यमैन बन जाइए। ये आर्यमैन कौन है यार, पता ना मुझे तो। देखो सुनो, बचपन से मुझे उड़ने का बड़ा शौक था, ठीक है। जब मैं PP1 PP2 या 1-2 में था ना, तब तक का मुझे याद है, ठीक है। तब मुझे चिड़िया लोग बड़े पसंद थे, मुझे उड़ना भी बड़ा पसंद था। तो मैं अपने घर वालों को बोला कि मैं उड़ सकता हूँ क्या? दे वर लाइक नहीं, तू पागल है क्या, किसी इंसान को उड़ते देखा तूने आज तक? ऐसा बोले नहीं वो लोग, पर दे वर लाइक नहीं उड़ सकता। वो लाइक ये चिड़िया तो उड़ सकती है। तो बोले हाँ चिड़िया उड़ सकती है। तो मैं पूछा कि चिड़िया क्यों उड़ सकती है ये बताओ, उन लोग की गलती है। देखो इधर वो लोग बोल सकते हैं कि उसके पास पंख होते हैं, तेरे पास पंख नहीं है तू कैसे उड़ेगा, ऐसा वैसा, समझ रहे हो। वो लोग मुझे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने लग गए कि चिड़िया हल्की होती है, उसकी बोन डेंसिटी कम होती है, ऐसा वैसा। मैं था क्लास 1 का बच्चा, लाइक अच्छा हल्के होने से होता है, ठीक है। तो मैं खाना कम खाने लग गया कि पतला होना पड़ेगा, मैं दौड़ने दौड़ने लग गया। फिर मेरे घर वाले बोले तू कम खाना क्यों खा रहे, इतना ज़्यादा कम क्यों खाता है, कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि तू हल्का हो गया चिड़िया जैसे उड़ना चाहते हैं? बोलेगा भगवान कसम, भले मम्मी को अपने बच्चे प्यारे होते, मेरी मम्मी ने मन में सोचा ही होगा क्या चूतिया है रे तू, क्या चूतिया इंसान है। मैं खाना कम खाता था क्योंकि मेरे को चिड़िया जैसे उड़ना होता था। और उसी न्यूट्रिशन की कमी के कारण मैं बड़ा हो गया, ऐसा हो गया मेरे ख्याल से। उसके बाद क्या हुआ, मैं थोड़ा सा बड़ा, एक मिनट, शक्तिमान का भाई नहीं देखा यार ये वाला, मैं उड़ने का शौक, उड़ता पंजाब वाला उड़ने का शौक नहीं है। मेरे घर वालों ने बताया था कि वो कीड़े खाते हैं इसलिए उड़ते हैं, गंदा है। आप कीड़े खाए थे क्या? तो उड़ के ट्राई किया क्या? सुनो तो सही, सुनो ना कुपोषण, आप कीड़े खाए क्या पहले ये बताओ। वैसा एक्चुअली कीड़ों में प्रोटीन बड़ा होता है मेरे ख्याल से, इसलिए जबकि हाइट अच्छी खासी निकल आई। कीड़े खा रहे थे आप बचपन में मस्त, कीड़े खाए तो कौन से खाए, चीटी मच्छर कीड़ों में काउंट होते क्या, मच्छर मकड़ी क्या खाए आप ये बता दो। तो खाना कम वम खाया मैं, एक दो बार ऐसे कूद कूद के देखा मैं इधर उधर से, ज्यादा बड़ी जगह से नहीं, इतना दिमाग था थैंकफुली कि एकदम फर्स्ट फ्लोर से नहीं कूद गया मैं, क्योंकि छोटी मोटी हाइट से कूद के भी लग रही थी पैर में, और थोड़ी फटती भी है ना ऐसे कूदने में कहीं से। तो नहीं इसलिए तो मैंने टॉपिक ही बंद कर दिया था तब, कि ये ना रोज कि ये ना होगा कज, वो देखने में अच्छे नहीं लगते थे। चस्नेल चीटी मच्छर मक्खी कैटरपिलर छिपकली ये सब ट्राई कर चुकी है,
बट कुछ असर नहीं पड़ा बेचारे को। नहीं नहीं मच्छर तो जानवर है, कीड़े थोड़ी है। अरे मतलब हाँ ठीक है ना, मुझे लगा क्या पता कुछ और होते हो। मेरे लिए तो भाई वो शैतान के बच्चे मच्छर, माँ की आँख, भूत भूत गए सारे तेल ले ले। अगर मैं सुनो, अगर मैं करोड़पति बन गया ना, इस दुनिया में जाने से पहले नहीं दुनिया इंडिया से सारे मच्छर मार के जाऊंगा बहन। इसलिए नहीं क्योंकि ओहो बाकी लोग को भी काटेंगे मुझे काट के, नहीं किसी एक दो हराम ज्यादा मच्छर ने मुझे इतना काटा ना, वो लाइक तेरी पूरी जात मार के जाऊंगा मैं अगर पैसे आ गए तो। सिर्फ सिर्फ रिवेंज के लिए मारना चाहता हूँ मैं उन्हें, इतनी कस के ना इकोसिस्टम गया माज, चाहे जो करते वो लोग नेचर के लिए। मच्छर बहन के आई हेट मच्छर, इतना प्योर हेट मेरे पास लाइफ में मैं और किसी को नहीं करता पता है। जितना तड़पा के मच्छरों को मार सकता हूँ ना मैं उतना तड़पा के मारता हूँ। क्या करे मेहनत बहुत की बट फायदा नहीं हुआ कुछ बेचारी को। मच्छर पैरासाइट, पैरासाइट हो सकते हैं मच्छर, नहीं पैरासाइट नहीं होते मेरे ख्याल से, पैरासाइट तो वो होते जो दूसरे जानवरों के अंदर रहते हैं मेरे ख्याल से, उनको बोलते हैं पैरासाइट, पैरासिटिक। ये सब अफवाह है रेज, आज घर से बाहर रहेगा अफवाह फैला रहा, गद्दारी कर बे रेज। चलो मैं चलता हूँ, बहुत भूतों की कहानी सुन ली मजा आ गया। ठीक है नितेश भाई लव यू, हो जाओ। मैंने तो मच्छर मार मार के काउंट भी किए हैं कि कितने हुए। हाँ तो सुनो मेरा अटेम्प्ट सुनो, कई बार मैंने थोड़ी थोड़ी जगह से कूदा उदा पर लगी पैर में कि हाँ उड़ तो नहीं पा रहा पैर वैर में लग रही है, तो मैंने ऐसे बड़े अटेम्प्ट नहीं किए। पर एक बार मैंने बचपन में ना कार्टून देख लिया तो ऑसवर्ल्ड करके, उसमें ऐसा हो पता नहीं क्या हुआ था एग्जैक्टली बट मुझे इतना पता कि कोई तो आदमी तो खैर थे ही नहीं उसमें, कोई तो कार्टून था जो छाता पकड़ा था और बड़ी तेजी से हवा चली तो वो कार्टून छाते के साथ उड़ गया। अब लाइक ओ ओ ऐसे उड़ते हैं क्या, ठीक है ये ट्राई करते हैं। वापस वही पुराने डाइट चालू, कम खाने वाला, और फिर मैंने छाता भी ले लिया और ये कुछ 5-6 सीढ़ियां ऊपर से ऐसा छाता खोल के मैं ऐसे कूद रहा था कि क्या मैं ग्लाइड करता हूँ छाते में। एक दो बार नहीं हुआ, मतलब मां की क्या हो रहा है ये, तो मैंने ना जरा समझ लो ज्यादा ऊपर से कूदने की कोशिश की, थोड़ा नीचे रेत थी फर्स्ट फ्लोर से कूदा, नीचे रेत थी छाता, अब तो ग्लाइड कर ही लूंगा। कूदा माँ के यहाँ छाता उल्टा खुल गया, समझ रहे हो पता है ना जब जोर से हवा चलते छाते उल्टे हो जाते हैं, छाता उल्टा खुल गया पैर घुटनों तक रेत में घुस गया, वो तो गरीबा तो नीचे रेत थी कोई टूटा फूटा नहीं, पर मजा बड़ा आया था। फिर मैं बिना छाते के कूदने लग गया रेत में एक फर्स्ट फ्लोर से, फिर मेरे घर वालों ने देखा और जो पिटाई हुई थी माँ कसम क्या सोटाई हुई थी उस दिन। कम से कम एक डेढ़ घंटा रोया था और सोच रहा था माँ की एक छाते की गलती है, उस टाइम भी अपनी गलती नहीं लग रही थी कि क्या कर रहा है, जरा रेत मिस हुई तो टांगे टूट के हाथ में आ जाती, बड़ा मजा आया लेकिन बड़ा मजा आया। उसके बाद से मैंने उड़ने की कोशिश करना बंद कर दी ऑनेस्टली, फिर भी मैं वेट कर रहा था जब मैं कुछ 13-14 साल का था ना, अभी 13-14 साल के लड़कों को देख लूँ लड़कियाँ बटा के घूम रहे हैं, लड़कियाँ मेकअप कर रही है, मैं 13-14 साल में बैठा हूँ, कब आएगी मेरी सुपर पावर। कोई लेना देना ही नहीं है लड़कियों से सुपर पावर वैन भगवान। हाँ तो मैं बस ये बता रहा था कि देखो लगता तो बड़ा कुछ है, ऐसा बोलते भी है लोग कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कोई एक्चुअली आपके कोई आसपास है, देख लगता तो मुझे बहुत कुछ है बहुत कुछ, ऐसे तो क्या क्या मानना पड़ जाएगा समझ रहे हो, ऐसे तो मुझे ये मानना पड़ जाएगा कि आधी से ज्यादा लड़कियों को मेरे से प्यार है, क्योंकि कई बार बस लड़के से देख भी लेते हैं हम लाइक ये पागल है मेरे प्यार में, पूरी डूब चुकी है, बस अपने आप को नस काटने से रोक रही है ये कैसे भी, इतना प्यार करती है मेरे से। मजाक करो गाइस मजाक करो। रेज भाई गुड नाइट, हेलो गुड नाइट मेनियस ब्रो, गुड नाइट गुड नाइट, थैंक यू सो मच नितेश भाई इतनी देर तक बने रहने के लिए, लव यू मेरी जान ब्रो, गुड नाइट। मुनिलाल भाई लाओ जरा हमारा अमूल और शाही कुल्फी, ओके विकास भाई गुड नाइट टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स लाइक केला आइसक्रीम, चला जा इको शकल मत नहीं दिखा देने, शकल एक्चुअली शकल तुम वैसे भी नहीं दिखाते पर शकल मत दिखा दिए कभी अपनी। नितेश बस रेत ना होती तो क्या, बस रेत ना होती तो, हाँ 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 वही तो
स्कैम हो जाता भाई स्कैम। अभी जितनी हाइट निकली है ना उतनी भी ना निकलती, सब टूट के बराबर हो जाते पैर। हाँ हाँ सब उस हाँ सब छाते ही गलती है, मेरा गधा दिमाग ने कुछ नहीं किया था। ऐसा लग रहा होगा कोई छाता घुसा कर, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं लगा भाई। ये ऐसी फीलिंग पे क्यों घूम फिर के आते हो विकास भाई तुम, इसका इससे क्या ही लेना देना क्या ही। वो मैं बच्चा था भाई, बच्चे लोग के दिमाग में ऐसी ऐसी गंदी गंदी चीजें डाल रहे तुम। ठीक भाई हाँ तो सोचने का टैक्स थोड़ी लगता है, बात ये भी सही है बात ये भी सही है। जो बची बुची ऐसी और भी बहुत सारी अनसर्न कहानियां हैं मेरे पास, मैं क्या क्या नहीं किया हूँ बचपन में, क्या क्या नहीं किया हूँ, बहुत ज्यादा हरकतें मचाया मैं, पर आज और नहीं। क्या मतलब आप भी आयजन भाई के भाई बन जाते लंगड़े वंगड़े? नहीं नहीं यार ऐसे मत बोले भाई, अब लग गई उनको बेचारे को तो बहुत मुश्किल है पता है। चलो एक लास्ट किस्सा, इसके बाद नहीं बताऊंगा, ऐसा कुछ है भी नहीं है पर लास्ट किस्सा ठीक है। एक बार मेरे छोटे भाई के घर के बाहर ना ऐसे पाइपलाइन के लिए गड्ढा खुदा था, नाली नहीं थी वो ठीक है, गड्ढा खुदा था। वो पता लगे मेरे घर वाले मेरे को बड़ा नाली नाली बोल के चिढ़ाए थे बाद में, पर गड्ढा खुदा था। तो बचपन में होता ही होता कि जो पुराने कंसोल गेम होते ना उसमें सिर्फ दो ही लोग एक साथ खेल सकते थे, और मेरे भाई इधर कजन थे कुछ चार पांच लोग। तो मैं अपने छोटे भाई के घर में बैठ के कॉन्ट्रा वॉन्ट्रा खेल के बड़ी मजे से आ रहा था, फुल तीन चार घंटे अंधेरा हो गया था, छह सात बज गए थे, बड़ी खुशी खुशी आ रहा था मैं। दौड़ते दौड़ते आया मैं, हे 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 आज तो मजा सा आ गया, छुट्टियां भी चल रही थी गर्मी की। ऐसे गेट खोला ऐसे पड़ाक से और ऐसे बाहर पैर रखा, मुझे पता नहीं था गड्ढा खुदा, मैं तो अंदर वीडियो गेम खेल रहा था। और भाई सीधा पैर मेरा गया नीचे 5 फीट गहरे गड्ढे में, और पैर जाके मेरा मुड़ गया, मतलब ऐसे मुड़ के गिर गया पैर, और मुझे समझ में भी नहीं आचाना है कि तो मैं उसे ठीक नहीं कर पाया, सेव नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, लेकिन टूटा नहीं, मोच आ गई बड़ी कस। अब मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि भाई दो हाथ और एक पैर तो बचा है ना, तो मैं अपने आपको खींच के एक पैर से चल के जा सकता था, और मैं उधर ही बैठ के चिल्लाने लाने लग गया मेरे को बचा लोग, जैसे पैर टूट ही गया मेरा। फिर घर वाले लेके गए, फिर उसके पहले तक मैं अपने पैरों को एकदम ऐसे कम रिस्पेक्ट देता था, समझ रहे पैर है, पैर में हाथ लग गया, हाथ धो के आना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा ऐसा लोअर क्लास टाइप का देखता था मैं अपने पैरों को। समझ रहे ऐसा रेसिज्म सा था कुछ की हाथ एकदम ओपी चीज है, पैर अच्छी मांग पैर नहीं है, पैर गंदा अच्छी चीज है क्या देख लिया। फिर जब पैर चलना बंद हुआ ना एक साइड का, तब सारी रिस्पेक्ट आ गई माँ की आंख। सुबह के चलो क्या इतना डिस्क्राइब करना, पर जो ही रिस्पेक्ट आई ना पैर की, लाइक पैर अब मुझे ऑप्शन दे हाथ, क्या तुझे हाथ नहीं चाहिए या पैर नहीं चाहिए के बीच में, आई विल डेफिनेटली चूज कि मुझे पैर तो चाहिए, कम से कम इधर उधर जा तो पाऊँ माँ की आंख। एक्चुअली हाथ भी चाहिए, दोनों की रिस्पेक्ट बराबर है भाई दोनों की, पर पैर की रिस्पेक्ट आ सी गई एकदम कि हाँ भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है एकदम, ऐसे कोई घिन वाली चीज नहीं है, अच्छी थी पैर 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 दिख गए, अच्छी थी मूड खराब हो गया, पैर में हाथ लग गया, कट डेविड डोरेमोन की तरह उड़ते रहते। एक मिनट मेनेक्स भाई गाना गा रहे होंगे, पंछी बना उड़ता फिरू मस्त गगन में, इतना दिमाग देता मुझ में कि मैं इतना लंबा गाना याद कर दो। बचपन में बड़ा गधा था मैं, बहुत ही गधा था सच, बकचोद भी बहुत ज्यादा था मैं एक्चुअली। और भी कहानी है और मुझे याद भी आ गए, पर रहने दो भाई अपन रात भर बैठे रह जाएंगे, मैं अपनी कहानियां सुनाने बैठूंगा ना, बहुत कहानियां बहुत बहुत ही ज्यादा। अच्छा चलो ये लास्ट ठीक है, लास्ट टाइम लास्ट रुको, डोरेमोन की तरह उड़ते बचा लिया गया रहा आपको देखकर लग रहा, बचा लिया गया लग रहा आपको देख, एक तो इतनी देर बाद पढ़ रहा हूँ और एक तो एक मिनट में 60 चीजें मैं एक साथ बोल रहा हूँ, तो मुझे पता ही नहीं किस बारे में ये बात। लेफ्ट हैंड को देख के ऐसा फील होता होगा आपको। नहीं भाई ये चाय दे दी इन्हें, थैंक यू वाला जी, अभी भी हो, सॉरी विकू भाई। लास्ट था एक वो वाला खिलौना देखा तुमने जिसमें एक ऐसे हेलीकॉप्टर का ब्लेड टाइप का होता है, ऐसे दो 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 ब्लेड होते हैं समझ रहे हो ऐसे, और यहाँ बीच में एक डंडी होती है जिसको ऐसे करके उड़ाते हैं, ऐसे करके सस्ता सा होता है, सिर्फ 5-10 रुपए का होता है।
अरे आपने बचाओ बचाओ चिल्लाया था ना, तो बस बचा लिए आपको सब लोग। आप बचा लिए पर बहुत मजाक उड़ाए थे, ये नाली में गिरे हुए, ये तो नाली में गिर गया ऐसा बहुत। हालांकि नाली नहीं थी, वो पाइपलाइन के लिए गड्ढा खोदा था, वो नाली नहीं थी, फिर भी बहुत चिढ़ाए थे, ये नाली में गिर गया तो ये छी छी छी, हाथ धो गया तो नाली में गिर गया था, किसी को घर में दीदी को छू लो, ये दीदी ये छी छी मेरे को मत छू, नाली में गिर के आया। बहुत बहुत इतना बुली किया ना मेरे को, बाप रे बाप, हद। हेलीकॉप्टर है वो भी, हाँ हाँ वही, मतलब ऐसे 5-10 रुपए का आता है और ऐसे करके यूं करके उसको ऐसे करो तो उड़ जाता है। मुझे बचपन में लेके दिया, मेरा तो दिमाग फट गया, वाला ओ था ये क्या चीज है, समझ। अभी तक मतलब मैं पत्थर वत्थर से खेल रहा हूँ, लकड़ी की कोई गन बना के घूम रहा हूँ, वो जो पेड़ के लकड़ी निकाल के जिनका गन का शेप हो गया ना, ठाए ठाए कर रहा हूँ, ये उड़ने वाला आइटम दे दिया, मेरा दिमाग फट गया। अब तक मेरे सारे टॉयज 2 डायमेंशनल, ये उड़ उड़ रहा है, ऊपर जा रहा है, बोला अरे भाई, अरे भाई, एलोन मस्क यही तो नहीं जिसने ये बनाया, वो बड़े से डंडे में से बहुत सारे टॉय लटका के नहीं घूमते, मैं उसको एकदम एलोन मस्क की नजरों से देख रहा था, क्या है ये आदमी, साइंटिस्ट वगैरह है क्या कहीं का, एकदम मेरा दिमाग फट गया। जिद्दी करके ले लिए वो खिलौने मैंने। फिर क्या हुआ, एक दिन मैं बोला ये मेरे को स्कूल लेके जाना है, मेरे घर वाले बोले नहीं, ले लेके जाना है, बोले नहीं, मेरे घर वाले अच्छा ठीक है ले जाना है, ले जा, रिसेस में उड़ाना, क्लास के बीच में मत उड़ाना, ठीक है। अभी तक मेरे को आइडिया भी नहीं था कि मैं इसको क्लास के बीच में उड़ा सकता हूँ, पर उन्होंने आइडिया दे दिया और बहुत जोर से बोल के बोला देख मत उड़ाइयो इसे क्लास के बीच में, ठीक है। मैं गया, PP1 की बात, PP2 की बात है ये, मुझे याद क्यों है मैं बताता हूँ मुझे क्यों याद है ये, पर PP2 की बात है एग्जैक्टली पता। PP2 इज लाइक 3 या 4 साल का, मैं 4 साल का हुआ हूँ उस टाइम पे, ठीक है, एकदम कोर मेमोरी है ये मेरी, सबसे पहली मेरी लाइफ की सबसे पहली बकचोदी है जो मुझे याद है, ठीक है। बकचोदी तो और भी की, पर ये वाली मुझे याद है अच्छे से, इसके पहले का अगर कुछ किया तो याद नहीं। तो मैं क्लास के बीच में बैठा हूँ, मैम कुछ पढ़ा वढ़ा रही है, मेरे को सूझ रही है बकचोदी बड़ी कष्ट, मेरे को चूल मच रही है, मैं पता रोक नहीं पा रहा था अपने आप को कि कैसे ना उड़ाऊ, बहुत जोर से मन किया था उड़ाने का। एक्चुअली इसके पहले एक और बकचोदी की थी वो भी याद है मुझे, पर छोड़ो, और PP2 से पीछे जाके क्या याद दिलाऊ तुम्हें, तो अब वो कभी और के लिए, वो कभी और के लिए। तो खुजली सी मची, मैं अपने बगल वाले को बता, अभी मेरे पास हेलीकॉप्टर है, उसको यूं करो वो उड़ जाता है, बोलते चलना है, ऐसा कुछ नहीं होता, बोला अबे सच में होता है, बोलते चलना कुछ नहीं होता, बोला इसको तो बताना पड़ेगा। निकाला बैग से, क्लास के बीच में वो पढ़ा रही है, सब क्लास को देखते हुए, ये भी नहीं कि ब्लैक बोर्ड में लिख रही है, उसको हेलीकॉप्टर को असेंबल किया, क्योंकि वैसे अलग भी हो जाता है, असेंबल किया और यूं करके उड़ा दिया मैंने उसे क्लास के बीच में, ठीक है। और वैसे यूं उड़ते हुए जा रहा हूँ, पूरी क्लास पगला के, पूरी क्लास का दिमाग फट गया, जैसे मेरा दिमाग फटा तो उरी उरी वही उठा देख लियो टाइप का, क्लास एकदम पगला पगला गई, उरी मुरी क्या है ये क्या है, एकदम अल्लाह अल्लाह मच गया क्लास में। मैम देख ली मैंने उड़ाया, मैम दौड़ी कि उसको पकड़ो, पहले मैं बोला सोटाई गई अलग, पहले मेरे को मेरा हेलीकॉप्टर वापस चाहिए, जिससे लड़ना पड़े लड़ूंगा, पर ये हेलीकॉप्टर आज के आज चाहिए मुझे। दौड़ गया मैं हेलीकॉप्टर के पीछे, कहा मेरे हाथ में आ गया हेलीकॉप्टर, पकड़ लिया मैंने। अब मैम मेरे को पकड़ पा नहीं रही है, मैं तो छोटा सा हूँ ना, तो मैम ने मेरे पीछे लौंडे भेज दिए कि जाओ इसको पकड़ के आओ। अब मैं क्लास में दौड़ रहा इधर उधर, लौंडे मुझे पकड़ रहा बेंचों के ऊपर से दौड़ रहा, ले दे के फाइनली पकड़ ही लिया उन्होंने, ठीक है ले ली, मेरे को लगा छुट्टी में दे देगी, बीच नहीं वो वापस ही दी थी, ठीक है। फिर इवेंचुअली मैं भूल गया उसके बारे में, और जैसे ईयर एंड होता है तो आपका रिजल्ट आता है ना, फाइनल रिजल्ट, तब मम्मी लोग आते हैं पीटीएम वगैरह में, तो मैम मेरी मम्मी की दोस्त थी और वो बता दी थी कि अभी इसको नहीं दे रही हूँ मैं। रिजल्ट में कुछ 90-90 लेके आ गया, क्योंकि PP2 में कितना हार्ड होता है 90 लाना, ठीक है। तो 90-90 लाया, मैम बोली चलो ठीक है अगली बार से मत करना, बोल के दी मुझे वापस, दे दी ना हेलीकॉप्टर। मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, मैं तो भूल भी गया था कि मेरे पास ऐसा कुछ है भी या था अभी जो भी, मैं देखा ओ भाई हेलीकॉप्टर बोलते, मैं तो भाग के लेके बाहर, मैं तो माँ की कितनी जो करना है पीटीएम में, तेल लेने का सब्जेक्ट, तेल लेने का इम्प्रूवमेंट, मैं तो जा रहा बाहर, मेरी मम्मी और टीचर बैठ के बात कर रहे थे कि हाँ ऐसा वैसा, पता नहीं क्या बात किए होंगे, मेरे को नहीं पता। मुझे याद है मैं बाहर गया, इधर उधर दौड़ा वोड़ा, पता नहीं क्या किया, पर मुझे याद है जैसे ही मैंने उसको फिर से पहली बार उड़ाया, ठीक है, मेरे पीछे ही मेरी मम्मी ऐसे खड़ी हुई थी, मुझे पता है, क्योंकि पता नहीं क्यों पता है, पर मुझे पता है कि मेरे पीछे ही खड़ी थी,
मैंने यू करके उसको उड़ाया, पहली बार मेरे हाथ में आया साल भर के बाद, यू करके उड़ाया, वो ऊपर उड़ा ऊपर उड़ा 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 और किसी और बिल्डिंग की छत में जाके अटक गया ना। और मेरी मम्मी के चेहरे में लुक ऐसा था, अबे छूतिए आदमी। ओ भाई मेरे जो आंसू टपकना चालू, बहन बहन के उड़ा हेलीकॉप्टर पे अटक गया, ले देख के साल भर बाद हाथ आया था जो रोया। उस मैडम को इतनी गाली दी ना, कुत्ती रख ही लेती अपने पास, साली वापस दे दी। ये पहली बकचोदी है जो मुझे याद है, और ये पहली बार जो कटा था वो याद आया। ओ भाई, और इससे सिमिलर और भी हुई है चीजें, इससे पहले भी एक और बकचोदी मचाई थी मैंने, वो भी याद है। बहुत कुछ याद है यार, मैं एकदम डम होना कभी कभी बहुत अच्छी बात, क्योंकि अगर भयानक सारी स्टोरियां होती है, कभी कोई अगर मैं एक्चुअली डेट वेट पे जाऊँ ना, लड़की को फुल एंटरटेन करके भेजूंगा, एकदम बोर नहीं हो पाएगी, इतनी सारी बातें मेरे पास। लेफ्ट हैंड को देख के कैसा फील होता होगा आपको, अभी भी हो, अरे बचपन, अरे अपने बच्चों बच्चों तब चिल्लाया था। अच्छा तो बचाओ बचाओ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ भाई हाँ, हेलीकॉप्टर है वो डोरेमोन सिर पे लगाता है उसे अपने, हाँ वही चोला वही चोला। हमें भी, हम भी गिर गए थे बरसात में। मैं बचपन में शायद पैदा होने के बाद गिर गया था बिक्कू भाई। हाँ खैर, हाँ गिर, कहाँ गिर गए थे बिक्कू भाई, मत पूछो रेश भाई, बस मुनीलाल भाई सुखी मैं गिरे थे हम, लबालब भरी हुई मैं क्या, ओ चोट तो लगी होगी, नहीं नहीं भाई बच गए थे हम, बस कपड़े गंदे हो गए। हाँ चलो, कपड़े का तो पता नहीं है, तुम्हारा कैरेक्टर बड़ा गंदा होगा तो बिक्कू है इसके बाद, सही बचपन से ही लौंडे मुनीलाल भाई। भाई मैडम ने मेरे पीछे छोड़ दिया यार, लौंडे हद्दी हो गई, मतलब लग, तुम सैलरी ले रहे हो, वो थोड़ी सैलरी ले रहे, भागो मेरे पीछे, संभालो मुझे, व्हाट द फक, लालसी टीचर। ओ ध्यान रखो इक्को भाई, अरे पानी भरा हुआ था ना रेश भाई, इसलिए जजमेंट नहीं हुआ, इधर उधर नाली है भाई। पानी भरा हुआ से एक दूसरी स्टोरी भी याद है, ये तो मेरी स्कूल के बाद, ट्वेल्थ के बाद की स्टोरी है, पर ये छोड़ दो इसे रहने दो। अरे इतना दुख मेरे, मुझे पक्का पता है मेरी मम्मी ने मेरे को रियल लाइफ में तो कभी नहीं बोला, पर मन में कम से कम दो तीन बार तो चूतिया बोले, क्या चूतिया लड़का। अरे भाई मेरा ऐसा बच्चा होता मैं तो स्कूल में छोड़ के भाग जाता उसको। तू डिजर्व नहीं करता रे बाबा, इधर ही चलो। हेला तो सबको तालाब में धक्का देती थी बस बचपन में। हाँ हेला सही में, मैं बचपन से बहुत शरीफ हूँ, ऐसा इमेजिन नहीं कर पा रहा मैं, पता नहीं, समझ गया मैं बिक्कू ब्रो, जज नहीं करना चाहिए विकास ब्रो। चलो यार मैं ऐसा स्टोरिया सुनाता रहूँगा ना, ऑनेस्टली मैं सुबह के 6 बजे तक कुछ ना कुछ लाता ही रहूँगा, बहुत हरकतें की बहुत सारी। इसका ये मतलब तो ना कि मैं अपना और आप सबका स्लीप साइकिल खराब सा कर दूँ, अरे मैं सच में शरीफ थी एक्चुअली, मान सकता हूँ मैं ऐसा, क्योंकि यूजुअली बचपन में शरीफ ही होते हैं सब लोग, मोस्टली लड़के तो शरीफ ही होते हैं, और अभी भी शरीफ ही यार, ऐसा अभी क्या कर दिया, कौन सा स्ट्रीम पर दारू वारू थोड़ी पी दिया आपने। बाकी की स्टोरी कल सुनेंगे आप, हाँ आज बहुत सारी बता दी। 4 बज जाएंगे और देर ऐसी बकलोली करते रहे बैठे बैठे, तो मजा सा तो आया। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट अगेन हेला जी, मजा आया रेड में, मतलब मुझे तो आया डांस करने में, क्योंकि तीनों बार मेरे पास तो मुझे तो गाना सुनाई दे रहा था, पता नहीं आप लोगों को कितने गाने आए। थैंक यू सो मच स्ट्रीम पर बने रहने के लिए, विकास भाई हेला रेड, अरे निक्स जी जी यू जी जी वेलकम टू द स्ट्रीम, वेलकम। अरे बस बस, अरे क्यों बस बस, थैंक यू भी ना बोले, बताइए। तालाब में फेंक के कहती थी और उसके तालाब में फेंक के कहती थी और उसके घर पे जाके कंप्लेन कर देती थी कि तालाब में नहा रहे साहब। हाँ भाई अब से बरसात के मौसम में रोड के किनारे नहीं जा रहे हम अब। अरे बरसात से रिलेटेड तो दो स्टोरी और है मेरे पास, दोनों ही अच्छी सी है जी, इसमें मेरा घाटा एक ही बार हुआ था, दूसरी बार मैंने घाटा किया था किसी का। रेज तो बेटा आज गया,
अब तो सच में मैं बता रहा हूँ, हेला जो इसने हरकतें की है ना सारी मिला के आप इसके साथ रिवेंज लेना, ठीक है? क्या क्या बोला इसने, आप कीड़े छिपकली खाते हो, फिर इसने बोला आप ऐसे बाल ऐसे ऐसे घुमाते हो और आप तालाब में धक्का देते हो। तो आप ऐसा करना, आसपास से कोई छिपकली या मकड़ी वगैरह ढूंढना और रेज के मुंह में ठूस देना वो मकड़ी, ठीक है? फिर ऐसे बाल पकड़ के ना यू यू करके इसके मुंडी ऐसे ऐसे से हिला देना, ठीक है? फिर बाथरूम में ले जाके बाल्टी में इसको ढकेल देना, ये ले जो जितना तूने बोले ना सब रियल कर दिया मैंने। हाय दोस्त, ठीक है, भूल गई तू तेरे दोस्त। ए तुम लोग की अपना दोस्ती का नारा ना किधर और लेके जाना, अभी मैं स्ट्रीम बंद कर रहा है, ठीक है? चाय बनवाऊंगी इससे, अब रो देगा, बनवा दो चाय, एक कप मेरे साइड से भी बनवाना और उसको भी पी जाना। चलो गाइस, इट इज टाइम फॉर मी टू क्लोज द स्ट्रीम। थैंक यू सो मच मेरी इतनी गवारों जैसी स्टोरियां सुनने के लिए और बकवास करने के लिए, मतलब मेरी बकवास सुनने के लिए। और भूतों का टाइम तो आके चला भी गया, और हाँ मजा सा आया, मजा सा आया। एक्चुअली ऐसे बैठ के बातें करने में मजा तो आता है मुझे, ऑनेस्टली। थैंक यू सो मच बातें शातें करने के लिए। नहीं ना दोस्त, नहीं ना मेनियक्स, नहीं माँ मेनियक्स, माँ बना लो मुझे, ठीक है भैया? दोस्त की दोस्ती देख ना पा रहे ये जमाना नहीं। अरे हमें क्यों दिखा रहे हो, इंस्टा में जाके बातें करो ना, इंस्टा, डिस्कॉर्ड, व्हाट्सएप, और क्या होता है वो, स्नैपचैट, दुनिया भर के ऐप भर रखे हैं, यही क्यों दिखा रहे तुम्हें अपनी दोस्ती? चला जा मी निहाल भाई, इसलिए तो मैं गेम से ज्यादा चैट करती हूँ, है ना? गेम में भी हम लोग खेलते हैं मैं और हेला, पर हम लोग को चैट करनी होती है इसलिए हम लोग जल्दी मर जाते हैं। स्किल का कोई इशू नहीं है, नूब बिल्कुल भी नहीं है हम लोग, बिल्कुल भी नहीं। एक बात तो है, जितने भी स्ट्रीम करते हैं ना इन लोग को भाई जरा बैठा दो किसी कॉल में या कुछ भी, कितने घंटे लोग अकेले अकेले बैठ के बात कर सकते हैं। टैलेंट तो है, ये सबके बस की बात तो ना है, कुछ तो टैलेंट चाहिए ये करने के लिए हरकतें। पर इसका ये भी मतलब नहीं कि मैं आप सबका स्लीप साइकिल खराब करूं, और खुद का तो मेरी बैंड बजी ही हुई है स्लीप साइकिल की, तो उसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। मैं बस चैट के लिए मरती हूँ, बस चैट के लिए प्यार है ना हमारा, ठीक है? मैं भी कभी सीरियस खेलने लग जाए तो जॉनाथन से कम ना है, जॉनाथन का जायरो का आपने लग जाता है, मैं उसकी लॉबी में जाता हूँ तो, पर बस चैट के कारण। अब तो अच्छा खेलते हो जिगल दी जिगल, हाँ वो नोरा फतेह अली खान के गाने मैंने देखे ना, वो नोरा दीदी यू 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 जिगल कर रही थी, कमर ऐसे 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 जिगल कर रही थी, मैं दिखाऊंगा नहीं कैसे कर रही थी पर कर रही थी, तो उनको देख क्या बोला ओके ऐसे होता है जगह। तो फिर तो मैंने अपने कैरेक्टर को भी लड़की बना दी और उसको भी वैसे यू 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 हिला रहा था नोरा फतेह अली खान की जैसे, माइया माइया जो भी गाना था नोरा का, भूल गया मैं। फिर जब आ गया मुझे जिगल तो मैंने लड़का बना दिया, ऐसे सीखा मैं, ऐसे नोरा फतेह अली खान नहीं भाई। तो कौन, कोई और नोरा है क्या? सॉरी 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 गाइस, मुझे पता नहीं था कौन है नोरा फतेह, कुछ अलग बोल दिया क्या मैं, कैंसिल होने वाला हूँ क्या मैं? सॉरी सॉरी मालिक, मुझे पता ना था, क्या बक दिया मैंने अभी भी, कौन था ये? नोरा फतेह ही इसका नाम है जो मैं कहना चाहता था, और फतेह अली खान कौन है? नुसरत फतेह अली खान होता है वो गाइज, नोरा फतेह अली खान कोई भी नहीं है, कोई है ही नहीं वो, मैं बच गया, ऐसा कोई है ही नहीं। नॉइस, बच गया मैं गाइज, गाइज सॉरी सॉरी, थोड़ा आगे पीछे सा हो गया, नोरा फतेह ही है वो। ओके 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 ओके, आपने दो लोगों के नाम जोड़ दिया भाई, नोरा फतेह और नुसरत फतेह अली खान, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एटलीस्ट कैंसल नहीं हो रहा मैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता है होता है होता है। नींद नींद में हूं मैं, बस इसलिए हुआ है सब। चलो 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 सोएंगे, थैंक यू ऑल सो मच एंड थैंक यू अगेन हेलो जी फॉर द रेड, मजा आया।
रेड में भी मजा आया, ज्यादा मजा बातें चीजें में आया, रेड में भी आया पर इसमें भी आया, दोनों में मजा आया। तो थैंक यू फॉर द सपोर्ट, थैंक यू सो मच ऐसी फालतू गिरी की बातें सुनने के लिए, थैंक यू सो मच रेज भाई, लव यू मेरी जान, विक्कू भाई लव यू, नेक्स्ट आई हेट यू, मस्ती मस्ती वाला हेट यू, और सेंट भाई थैंक यू सो मच, और नितेश भाई लव यू, एंड जितने भी लोग थे चैट में, ज्यूस करवित रेकलेस अक्की अक्कू होपलेस, जितने भी लोग आए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, लव यू ऑल, कीली चुम्मे फिर से, स्वीट ड्रीम्स लाइक चॉकलेट आइसक्रीम, और लव यू ऑल, ज़्यादा क्या ही बोल सकता है मैं, बताइए, ओके गुड नाइट, थैंक यू सो मच, ये वीड के पत्तों के लिए भी थैंक यू, टेक केयर, चलो बाय बाय, नाइट बाय, सेकेंड चलो बाय।